का हार्दिक स्वागत है। तो आप सभी का वेदों संस्थान परिवार की ओर से खूब खूब स्वागत है। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सबके सब आए हैं, समय निकाल कर आए हैं। तो मैं एक एक करके पहले अपने संस्थान परिवार के सदस्यों का परिचय कराना चाहूँगा आप लोग का। मैं आग्रह करूँगा आदरणीय अनीता भाभी जी से, कृपया मंच पर आ जाएं। अनीता भाभी आइए। अनीता शाह जी, आपका परिचय शेर अनीता शाह दीदी लेंगी। मैं आग्रह करूंगा मीना भाभी जी से, कृपया स्टेज पर आ जाएं। सोम त्यागी भैया से आग्रह, आप सब जानते हैं सोम भैया को अच्छे से, सोम भी आ जाएंगे मंच पे। सोम भैया आप लोग के बीच में है, बिल्कुल आप सब ने सोम भैया को बहुत यूट्यूब में देखा होगा मुझे लगता है ना, नाम से परिचित तो सब है ही। मैं आग्रह करूंगा हमारे संस्थान परिवार के प्रमुख सदस्यों में से एक आदरणीय अनिल राठौर भी आ जाएं। अनिल भैया आइए। अनिल भैया, ऐसा नहीं भगवान, आइए। वेदो संस्थान परिवार की ओर से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपको बताना चाहूंगा वेदो संस्थान परिसर एक स्थान तो है ही, आस पास में बहुत सारे साथी भी रहते हैं। तो भाई महावीर भाई से मेरा आग्रह की कृपया मंच पर आ जाए, संस्थान परिसर में आइए महावीर भैया। तो आज 25 सितंबर 2021 आप लोग के बहुत सारे लोग की जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन साबित होने वाला है, ऐसा हमको पूरा विश्वास है। 25 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में हमें पूरा विश्वास है कि आपकी जिंदगी में एक अभूतपूर्व बदलाव आपको खुद को महसूस होगा, आप देखेंगे। वो मैं ऐसा इसलिए आपसे बोल पा रहा हूं कि यहां पर हम जो बैठे हैं या संस्थान परिवार से और भी जो हमारे साथी हैं, इन सब ने कभी ना कभी किसी न किसी अवसर पर आप लोगों की तरह ही 7 दिन का शिविर किया था। और वो 7 दिन का जीवन विद्या परिचय शिविर, मैं चाहूंगा चंद्रशेखर भाई आप प्लीज बैठिए, आइए आइए। चंद्रशेखर भाई को आप देखें, आप सब मिल चुके हैं, इनका अलग से मैं परिचय कराऊंगा अभी। तो मैं कह रहा था कि आप लोग से कि 7 दिन जो हमने कभी इसी तरह से इस हाल में या किसी और स्थान पर जब पहली बार जीवन विद्या का परिचय शिविर किया था, तो ऐसा लगा था कि आए तो थे हम बहुत ही आग्रह पूर्वक या दबाव पूर्वक उस शिविर में आए थे। आप में से बहुत सारे साथी किसी न किसी के आग्रह पर आए होंगे या किसी के दबाव पर आए होंगे, लेकिन 7 दिनों के बाद जो हमारे साथ घटा उन 7 दिनों में, वो अभ्युदय संस्थान का बीज रूप ले लिया। तब हम सबके मन में भाव आया कि यह जो कहा जा रहा है 7 दिन में, यह सिर्फ सुनने की वस्तु नहीं है, जीने की वस्तु है, इसे जिया जाए। और उस भाव से हम सारे लोग एक एक कर इस विचार में आ गए कि अब हम जो कुछ करेंगे इस दर्शन को जोड़कर, इस दर्शन के साथ जीकर हम करेंगे। आपके बीच में जो साथी बैठे हैं ये भी 7 दिन का शिविर किए। हम लोग के बीच में सबसे पहले शिविर करने वालों में भाई सोम त्यागी जी रहे हैं, और सोम भाई के साथ हमारा एक संबंध रहा सभी का 1995 में, 94 में, कुछ लोग का 93 में। और उन्होंने हमसे आग्रह किया आप लोग भी परिचय शिविर कीजिए, तो हम लोग सब मिलकर किए। तो छत्तीसगढ़ रायपुर से करीब 17 लोगों का समूह, अभी कुछ समूह में आए होंगे मुझे लगता है 4-6 लोग है ना, 6 लोग का समूह है, 8 लोग का। तो ऐसे हम 17 लोग अमरकंटक में जाकर शिविर किए थे वर्ष 1997 में। अब वो दिन मुझे भी याद है, 22 मई से 29 मई का था वो। तो 22 मई से 29 मई के बीच में वह जो शिविर हम लोगों ने किया, उस शिविर ने
उस शिविर में नागराज, श्रद्धेय नागराज जी हमारे बीच में उपस्थित थे ही, और श्रद्धेय बाबा जी के साथ में बैठकर शिविर करना एक अलग ही अनुभव था हमारा। शिविर बेशक आईआईटी के उस समय के प्रोफेसर डॉक्टर यशपाल सत्य जी ने लिया था। हम 17 लोग जब लौट कर आए तो इस संकल्प के साथ आए थे कि अभी से हम जिएंगे, और धीरे धीरे परिस्थितियां बनती गई, अनुकूलता बनती गई, और वर्ष 1999 में आते आते अब विदेह संस्थान स्थापित करने का जो विचार था वह मूर्त रूप लेने लगा। 25 दिसंबर 1999 को यह जो परिसर में आज आप बैठे हैं, यहाँ पे कभी जंगल हुआ करता था नीलगिरी का, कुछ उजड़े हुए खेत थे, कुछ तालाब था, और उसको लेकर हम सब ने यह संकल्प लेकर इस संस्थान को चालू किया कि आने वाले समय में इस दर्शन को हम जिएंगे और जीते हुए खुशहाली के साथ रहेंगे। आज लगभग 21-22 वर्ष पूरा हो रहा है, एक लंबी यात्रा पूरी हो चुकी है, और अभ्युदय संस्थान पूरे देश विदेश में जाना जाता है। और भाई सोम त्यागी जी पिछले 20 वर्षों से लगातार परिचय शिविर कर रहे हैं, देश के अनेक राज्यों में जाना होता है। ये तो संयोग है कि अभी आए हैं ये 4 दिन पहले और आप लोग से मुलाकात हो पा रही है। 1 तारीख को पुनः ये निकल जाएंगे गंगोत्री में शिविर लेने के लिए। तो मैं बताना चाह रहा था कि अभ्युदय संस्थान को बनाने के लिए कुछ 12-14 परिवारों का एक समूह इकट्ठा हुआ था, जो 17 लोग की मैं बात कर रहा था। उनमें से एक परिवार अंजनी गावदा जी का है, अंजनी भैया, उनका पूरा परिवार इस संस्थान की स्थापना में लगा रहा है। हमारे बीच में मीना भाभी हैं, अंजनी भैया सशरीर रहे हैं लेकिन वो यहीं पर है ये हमको लगता है। हमारे बीच में दूसरा परिवार है धीरेन्द्र शाह जी का। धीरेन्द्र शाह जी, उनकी श्रीमती अनीता शाह जी हमारे बीच में है। तो एक पूरा परिवार हमारे संस्थान के रूप में है। हमारे साथी रहे, साथ में रहे, कुछ चले गए, लेकिन ये परिवार जिंदा है। और जिस सपने को लेकर हमारे भाइयों ने, बड़े भाइयों ने देखा, उसे अब इस परिवार के सदस्य, इनकी अगली पीढ़ी के लोग, दीदी के बच्चे हैं, अब वो इसमें लगे हुए हैं। और यह संस्थान आज पूरे भावपूर्ण ढंग से अपने पूरे समर्पण के साथ में इस दर्शन को जीने के लिए, ताकि मानव जाति जिन कष्टों के साथ जी रही है और जिस खुशहाली को लेकर हम सब पैदा हुए, हमने पढ़ाई लिखाई की है, एक जिंदगी जी रहे हैं, और कहीं कहीं अटकाव है, कहीं भटकाव है, उस सब को खत्म करते हुए एक बढ़िया जिंदगी, एक बढ़िया समाज, हम सबका सपना होता है उसको जीने का, उसको देखने का, उस समाज को बनाने में हम कोई योगदान नहीं कर रहे हैं, उस समाज को स्थापित करने में खुशहाली के साथ, बड़े मजे के साथ हम जी रहे हैं। मैं भावनाओं में बह जाता हूँ, वो मेरी व्यक्तिगत समस्या है, उसको मैं कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि वो आप लोगों को देख कर वो भाव उठता है कि हमारे भाइयों ने, श्रद्धेय बाबा जी ने जिस दर्शन को निश्चित किया, 20 साल अमरकंटक के जंगल में गुजारे, और उसके बाद ये मध्यस्थ दर्शन नाम की वस्तु निकल कर आई, जिसने इस धरती की मानव जाति को बेहतर बनाने का एक पूरा का पूरा एक व्यवस्था दे दी। आप कल्पना कर सकते हैं कि जिन लोगों ने तपस्या की है, श्रद्धेय नागराज जी और उनके पूरे परिवार ने तपस्या की है, उनकी पत्नी, उनके बच्चों ने तपस्या की है, श्रद्धेय अम्बा दीदी हमारे पास, हमें आशीर्वाद देने हमेशा आती रहती हैं,
उन सब ने जो किया, आज उस सबका परिणाम आप लोगों से हमारा मिलना है। हम आपसे इसलिए मिल पा रहे हैं कि ऐसी कोई चीज हमारे पास हमारे हाथ लगी और हम जब जब दूसरों के साथ हम बांटते हैं उसे, जब हम दूसरों के साथ उसे व्यक्त करते हैं, वही अपार खुशी का अनुभव होता है जिन खुशियों की तलाश में हम आप लगे रहते हैं। और खुशी बस एक ही चीज़ की है कि एक दूसरे के साथ संबंध को जानना। मैं आपसे संबंधित हूँ, मेरा आपसे कोई संबंध है, हम सब एक दूसरे के संबंधी हैं। हमने संबंधों को पहचाना नहीं है, संबंधों की पहचान ने हमें भटका कर रखा है। अगर संबंध समझ में आता है तो संबंध का मूल्य समझ में आता है, और मूल्य समझ में आता है तो उस मूल्य को हम जीते हैं, और जीते हैं तो फिर मूल्य भावपूर्वक बहते हैं, और वो जो मूल्य बहता है भाव के रूप में, सम्मान के रूप में, प्रेम के रूप में, आपसी विश्वास के रूप में, ममता के रूप में, वात्सल्य के रूप में, वह भाव मानव जाति में धीरे धीरे सूखता जा रहा है और यहाँ उस भाव की नदी बह रही है। तो आज आप सबके सब आए हैं, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, बस यही कहूँगा इस अभ्युदय संस्थान परिसर में आकर आप एक नई जिंदगी का अनुभव करेंगे, इसका पूरा पूरा विश्वास है। आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आप लोग के स्वागत में हम एक बार हमारे परिवार की ओर से मैं कहूँगा, एक बार हम आपके लिए ताली बजा के स्वागत करेंगे। संस्थान की ओर से भाई सोम त्यागी जी इस परिचय शिविर के बारे में और दर्शन के बारे में एक थोड़ी सी झलक आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। सोम भाई को सुनने के लिए हर कोई तरसता है, तड़पता है। सोम भाई के बारे में लोग इतना सुन चुके हैं, जान चुके हैं, और मैं देखता हूँ कई बार के लोग मिलते हैं, और एक अभी पिछले कुछ दिन पहले की बात है, मैंने बताया सोम भाई आ रहे हैं, वो इतने प्रफुल्लित हो गए, सोम भाई आ रहे हैं। मैं बोलना चाहता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है, भैया इतने सहज हैं, सुंदर हैं, व्यक्तित्व सुंदर है, सौंदर्य जिसको कहा जाता है हमने व्यक्तित्व में देखा है, हमारे बीच में है। आप लोग सुनिएगा सोम भैया को। धन्यवाद संकेत भैया, मीना भाभी जी, अनीता बेन, हमारे जैसा संकेत भैया ने शेयर किया, दौर में अपने अपने परिवारों से एक यात्रा की तलाश में निकले और एक सुखद संयोग रहा कि सब कोई का रायपुर में ऐसा इकट्ठा होना हुआ, और फिर अपने ब्लड के परिवारों से भी ज़्यादा अपनापन, ज़्यादा खुशहाली के साथ, ज़्यादा तन मन धन के अर्पण के साथ एक दूसरे के साथ हम चले, और आज इस यात्रा को लगभग मैं सोचता हूँ 25 साल की यात्रा हम सबकी हो गई। इन 25 साल की यात्राओं में ये कुछ परिवार जो खून से भी ज़्यादा संबंध को आपस में जिए, उसका बड़ा प्रभाव हमको अपने बच्चों में दिखाई दिया। जिस समय हमारे बच्चे छोटे थे उस समय हम उनके लिए कोई इस तरह की गतिविधि करें ऐसी हमारी योग्यता भी नहीं बनी थी, क्योंकि हम भी नए नए थे। लेकिन जब शिविर करने के बाद, या जिससे आप लोग शिविर करेंगे, तो शिविर करने के बाद, शिविर में तो बहुत अच्छा लगता ही है, सभी को अच्छा लगता है। अभी दिल्ली में शिविर पूरा करके आया हूँ, तो एक तो दिल्ली जैसी जगह में सामाजिक शिविर हो, ये भी कभी हमारे लिए मुश्किल था। तो सामाजिक शिविर में 2.5 घंटे रोना बंद नहीं हुआ, नॉनस्टॉप 2.5 घंटे नॉनस्टॉप जो भी आया, जिसने भी शेयरिंग किया। और ये भी एक सुखद संयोग था कि एक ही फैमिली में 3 भाई हैं, बिजनेस फैमिली है, तो उनकी 3 बहुएँ, उनके बेटे, उनकी बहुएँ, उसकी सास, उसकी समधन, है ना, ऐसा मिला के उन्होंने, और उनके ऑफिस, उनके सपरिवार ऑफिस के लोग, एक ही फैमिली के 70 लोग, एक फैमिली से जुड़े हुए 70 लोग। तो दिल्ली में ये इतना आसान है, गुजरात में आसान है, समधन भी आएगी और उसकी पूरी फैमिली आ जाएगी, दिल्ली में ये इतना आसान नहीं है। तो बहुत अच्छा लगता ही है, क्योंकि ज़िंदगी को जैसा हमने कठिन माना है, जैसा हमने अपनों से दुख पाया है, जाने अनजाने अपनों को दुख दिया है, हम ऐसा चाहते नहीं हैं, फिर भी कुछ हुआ है, क्योंकि हमको ज़िंदगी की ड्राइविंग नहीं आती। पूरी सृष्टि में देखो, कोई स्ट्रगल करता हुआ दिखाई नहीं देता है, ना कोई हाथी, ना कोई शेर, ना कोई चिड़िया, ना कोई पेड़, ना कोई,
और आदमी इतना सक्षम होने के बावजूद, इतनी कम आवश्यकताएं उसकी होने के बावजूद आदमी अपने भविष्य के लिए चिंता करता है, आदमी है ना, आदमी अपने जिंदा रहने के लिए चिंता करता है, आदमी अपने सम्मान के लिए चिंता करता है। तो इसका इतना ही मतलब है कि आदमी के रूप में अपना आदमी होना हमको समझ में नहीं आया, और 7 दिन के शिविर का इतना ही मतलब है कि हमारे आदमी होने के मायने हमको पता चल जाए। आदरणीय नागराज जी के शब्दों में, अभी तक पेट भरने की व्यवस्था हमने की है, मन भरने की व्यवस्था करना शेष। अब तक लगता था कि जॉब लग जाए तो मन भर जाए, शादी हो जाए तो मन भर जाए, बच्चे हो जाए तो मन भर जाए, उनके अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाए तो मन भर जाए, उनकी शादियां हो जाए तो मन भर जाए, उनके बच्चे हो जाए तो मन भर जाए, सब कुछ हो गया, अपना मन अभी शेष। कोई एक उम्र में लगता है कि बच्चे आ जाएं तो घर हरा भरा हो जाए, कोई एक उम्र लगता है ये चले जाएं तो अपनी ज़िंदगी शुरू करें। ये तमाम परिवर्तन को हमने भी अपने आसपास खूब होते हुए देखा है। दोस्तों, यदि किसी भी धरती पे शायद ऐसा ही होता होगा कि एक समय तक आदमी को बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो सबको भगवान नाम के ब्लैक बॉक्स में डालता है। कभी बिजली कड़कती थी तो हमको लगता था देवी देवता नाराज होते हैं, धीरे साइंस ने बताया भी रिएक्शन है, तो केमिकल रिएक्शन है और उसके कारण ऐसा होता है। तो जो भी चीज़ ना समझ में आए वो भगवान और ईश्वर नाम का ब्लैक बॉक्स है, उसमें हम डाल देते हैं। अपनी ज़िंदगी में कोई चीज़ ना समझ में आए उसको भी उसी बॉक्स में डालते हैं, और उसको पाने के लिए फिर बहुत सारी साधनाएं हैं, और उसके लिए फिर बहुत सारा त्याग तपस्या है, और उसके लिए भारत गवाह है कि हजारों साल से हमने उन धाराओं को देखा है। फिर एक दूसरी धारा ही है, शरीर है तो हमने पशुओं को जीते देखा ही है, पशुओं को भोग करते देखा ही है, हमारे पास कल्पनाशीलता है ही है, उससे बेहतर भोग करने के साधन और भोग करने की परिस्थितियाँ हम अरेंज कर ही सकते हैं, और भौतिकवादी युग आने के बाद में उसमें भी हमने जो अधिकतम हो सकता है वो किया है। किसी भी धरती पे इसी क्रम में ये दोनों घटनाएं ऐसे ही घटती होंगी, और फिर एक धरती का करवट लेना होता है कि जिस तरह से हम जड़ संसार को, साइंस को, मैथ्स को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को क्लासरूम में पढ़ते हैं, समझते हैं, उसी तरह से ज़िंदगी को भी क्लासरूम में ला सकते हैं, और ज़िंदगी को भी विधिवत समझा जा सकता है, जिया जा सकता है, और आने वाली पीढ़ियों को कन्वे किया जा सकता है। अब ये सब सुनने देखने के बाद लगता है अक्सर वो लोग जो 60 की उम्र में शिविर में आते हैं उनमें से बहुत सारे लोग तो बिल्कुल आँख से आँख भर के रो देते हैं कि यार 25 में मिले होते तो कोई बात होती, क्योंकि जिस तरह से जीवन गुजरता है और जिस तरह से साल दर साल गुजरते हैं उसमें ऐसा लगता है कि यार मेहनत तो बहुत हुई पर हाथ में कुछ ठोस नहीं आ रहा है। हम भी कभी अपने अपने परिवारों से और अपनी जॉब से इसी भाव के साथ निकले थे कि जो कर रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है, और ये 30 साल, अगले 30 साल कहाँ जाएगा, उसकी यात्रा हमको अपने बॉस को देख के दिखाई दे रही है, अपने माता पिता को देख के दिखाई दे रही है, और 30 साल बाद मैं भी यहाँ पहुँचूंगा ये तो स्वीकार नहीं हो रहा है। ज़िंदगी कुछ और होगी, उसका मायने कुछ और होगा, उसका मतलब कुछ और होगा, क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन उसकी तलाश के लिए जो भी सशरीर और बिना शरीर, जो भी आशीर्वाद और स्नेह सहयोग मिला, कम से कम एक हिम्मत बनी, और छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा को नमस्कार है, और वो सारे लोग जिनके कारण यहाँ आ पाए, जिनके कारण ये भी सुखद संयोग था कि उसी समूह में आदरणीय नागराज जी का आना होता था। तो जो कुछ आज 20 साल पीछे लौट के देखते हैं तो जो कुछ भी संयोग बना है उस समय ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसे घटेगा, लेकिन आज घटने के बाद ऐसा लगता है कि जो कुछ अस्तित्व में घट रहा है वो भी किसी नियम से घट रहा है, अचानक कुछ नहीं हो रहा है। तो शायद हम सबकी ज़िंदगी में घटनाओं का एक क्रम है, वो घटनाओं का एक क्रम का भी कोई विज्ञान है, उसकी भी कोई पीछे कहानी होगी। इस कहानी को समझा जा सकता है, इन घटनाओं, ये सारी घटनाएँ मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का आईना है, मेरी स्थिति को देखने के लिए, मेरी अपनी स्थिति को जांचने के लिए। जैसे कांच में, आईने में हम अपना चेहरा देखते हैं, अपने बाल ठीक कर लेते हैं, चेहरा ठीक कर लेते हैं, तो ज़िंदगी को देखने का आईना क्या होगा। तो तमाम घटनाक्रम हमारी ज़िंदगी को देखने का आईना है कि गरीबी आई तो मैंने कैसा महसूस किया, अमीरी आई तो कैसा महसूस किया, अपमान आया तो कैसा लगा, बहुत सम्मान आया तो कैसा लगा। तो ज़िंदगी की हर परिस्थिति शायद अपनी ज़िंदगी में झांकने का मौका देती है, लेकिन ये झांकने का मौका अभी तक बहुत खुला नहीं था, है ना। आदरणीय नागराज जी के माध्यम से, इस दर्शन के माध्यम से
जिंदगी की वो किताब पूरी की पूरी खुल गई। वो दिल्ली में मेरा छोटा भाई है, वो कहता है बाबा जी ने अस्तित्व का पेपर लीक कर दिया। एक सूरत में एक महिला का कमेंट मेरे को अक्सर याद आता है, शिविर होने के बाद उसने कहा कि देखो हम एक मोबाइल आईफोन लेके आते हैं तो साथ में उसका मैनुअल साथ में होता है कि कैसे ऑपरेट करना है। ये ऊपर वाले ने एक शानदार मशीन दे दी है बिना मैनुअल के। अब मशीन तो दे रहे हैं, ऑपरेट करना नहीं आता तो सारा हिट एंड ट्रायल है, तो कभी सॉफ्टवेयर उड़वाता है। तो ये दर्शन आदमी की खुशहाल जिंदगी का मैनुअल है। तो मैनुअल को देखा जाए, प्यार से ऑपरेट किया जाए, बाजू वाले को भी ऑपरेट करना सिखाया जाए, है ना। तो तमाम अभी अभी जिस तरह से मैं देश भर में बात कर रहा हूँ तो मैं तमाम देख रहा हूँ कि गर्ल्स में, अभी हमने शहरों में शिविर किया था तो वहाँ तो पता चला कि गर्ल्स में ये लगातार, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों में बढ़ रहा है। शादी ना करने को लेके एक लगातार एक मानसिकता बढ़ती जा रही है। अभी हमने गुजरात के गाँव में शिविर किया जहाँ बिल्कुल इंटीरियर था, है ना, पालीताना के अंदर का गाँव था। वहाँ भी वो बेटियाँ जो बिल्कुल बहुत गरीब घरों से हैं, जिनके कोई आर्थिक बैकग्राउंड भी उतने बड़े नहीं थे, उनमें से भी 70-80% बहनों का ये हाल था कि हमको शादी नहीं करने जैसा ठीक लगता है। शादी कर लिए तो बच्चे क्यों करना है ये पता नहीं है। तो अभी कम से कम हम लोगों को अपने समय में ये सवाल ही नहीं थे। शादी का एक उम्र में आके शादी होती है और शादी होते हैं तो बच्चे होता ही है, होते हैं तो उसको पालना होता ही है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं थे। हमारी स्थिति काफ़ी ख़राब थी। कम से अभी तो हुआ पेड़ों में एक क्वेश्चन खड़ा हुआ है लेकिन आंसर नहीं है। आंसर नहीं है तो एक क्योस की स्थिति है। तो ये एक ऐसा शिविर है जिसका ये आश्वासन है कि आपके पास पूछने के लिए क्वेश्चन शेष नहीं बचेगा। जितने प्रश्न शिविर के बारे में आते जाइए, कॉपी के बैक साइड लिखते जाइए, बात करते जाइए। और हमारी अनिता बहन तो बस पूछो नहीं, है ना, वैसे फूला के फूल जड़े लगाए हैं और इतने प्यार से। हम लोग तो थोड़ा कभी कभी कड़क हो जाते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और देखो मानव मात्र समान है, वह शिविर को देख के पता चलता है। ग्रामीण और शहर और बच्चे और सभी आयु के लोग इस शिविर हॉल में मौजूद। तो इससे भी एक बात का एहसास होता है कि जिंदगी के रूप में हम सभी एक जैसे हैं। मुझको लगता है कि एक सुखद योगदान आदरणीय बाबा जी के माध्यम से और अभ्युदय संस्थान के माध्यम से देश भर के लिए हुआ है, जिसमें कि शिविरों की स्थापना और अध्ययन शिविरों की स्थापना और पुस्तकों का प्रकाशन और एक जीवन शैली के रूप में कुछ परिवार जीते हुए और धीरे धीरे ये कारवां आगे बढ़ रहा है। अभी गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, है ना, काफ़ी जगहों में काफ़ी अच्छी स्थितियाँ धीरे धीरे बन रही हैं। बहुत सारे सवाल जब हमने शुरू किया था, तो जब मैंने व्यक्तिगत रूप से शुरू किया था तो मेरे मन में सवाल आया था कि ये ब्रह्मचारियों का अखाड़ा है कि इसमें शादीशुदा आदमी का भी कोई काम है, क्योंकि मेरे के पहले जितने लोग थे सब अनमैरिड थे। तो सोचिए हमने किस मानसिकता से शुरू किया होगा। जब हमको बात समझ में आई तो हमको ये पता नहीं था कि इसकी ऑडियंस कौन है। भाई भागवत की एक ऑडियंस है, है ना, तो ये किसको किससे बात करना है। तो आज लगभग देश के सभी प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से लेके सरकारों से लेके आज सरकारों में ये बात चली गई है, शिक्षा में कोई काम करना है तो मध्यस्थ दर्शन सहस्तित्ववाद कोई ठोस कंटेंट है और उसको हमको अप्रोच करना चाहिए। तो चाहे सरकारों की बात है, चाहे समाजों की बात है, चाहे देश भर के बहुत सारे जो लोग एक्टिव एजुकेशन को लेके एक्टिव हैं, राजनीति को लेके एक्टिव हैं, सभी के पास और एक समूह ने, इस समूह ने देश भर में, ये सभी हमारे मित्र बिना किसी आर्थिक अपेक्षा से देश भर में इस बात को शेयर करने का काम आत्मीय विधि से, परिवार विधि से करते हैं। तो देश भर में एक ऐसा विश्वास स्थापित हुआ है कि एक ऐसा कमिटेड ग्रुप है और एक ऐसा ठोस कंटेंट है जिसके साथ कुछ लोग बिना किसी मार्केटिंग के, बिना किसी प्रचार प्रसार माध्यम के आत्मीय विधि से आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझको लगता है कि अनिता दीदी के प्रबोधन के रूप में और इस सुंदर सभा के रूप में, वैसे भी 2 अक्टूबर गांधी जी का जन्मदिन है, कई सारी अच्छी आत्माएं आपसे मिलने आएंगी 2 अक्टूबर को। खूब धन्यवाद, खूब शुभकामनाएं, मिलेंगे 2 अक्टूबर को, मिलेंगे। थैंक यू।
हमारे संस्थान परिवार के बहुत सारे सदस्य मिलेंगे, सब अलग अलग योग्यता के साथ में, कुछ अलग प्रतिभा के साथ में है। उनमें से एक खास व्यक्ति हैं अनिल भाई राठौर जी। जब सबसे पहली बार हमारी मुलाकात हुई तो जैसे सो मैंने कहा कि आगे कैसे जाना कुछ क्लियर नहीं था। ये भाई साहब आए और मिले कि गाय बहुत अच्छी चीज़ है, गौ पालन करना चाहिए। हम लोग गौ पालन नहीं करते रहे कभी, हमारे लिए गाय का उतना संबंध है कि गाय हमारी माता है और हमको दूध पीना चाहिए गाय का। लेकिन अनिल भाई गौ पालन में कार्य कर रहे थे और गौ पालन करते करते उनको ध्यान आता था कि देश के युवाओं को कोई रास्ता गौ पालन से दिखाया जा सकता है आजीविका के रूप में, और ये कुछ युवाओं को अपने साथ लेकर चला करते थे और उन युवाओं को सिखाते थे कि गौशाला कैसी चलाई जाती है। संयोग से दर्शन भी प्रकृति में पूरकतापूर्ण व्यवस्था को बहुत अच्छे से प्रस्तुत करता है, आप सब सुनेंगे ही। और गौ पालन और कृषि एक दूसरे के पूरक हैं, तो हमें ऐसा लगा कि प्रकृति में पूरकतापूर्ण व्यवस्था बनी है तो मानव मानव के साथ पूरकतापूर्ण व्यवस्था के तहत हम भी, मैं कृषि का आदमी हूँ तो कृषि और गौ पालन एक साथ हो सकते हैं। और ये इस पूरकता के भाव के साथ हम सब मिले तो मानव मानव के साथ मिलने की बात रही। और फिर अनिल भाई मिले और अनिल भाई के साथ में देशी गाय की गौशाला को लेकर एक अभियान से शुरू हो गया दर्शन के प्रकाश में। आज जितने भी परिवार इस अभ्युदय संस्थान से जुड़े हैं, ये परिवार अधिकांश लोग गौ पालन करते हैं, तो गौ पालन करवाने में अनिल भाई राठौर जी का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत अच्छे विशेषज्ञ हैं। सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने जब दर्शन सुना तो ये भी उसी विधि में गए, अपने पूरे परिवार के सदस्यों को लेकर आए, फिर अपने समाज में फिर बात गई, तो गुजराती समाज के साथ जो परिचय हुआ शिविरों के माध्यम से उसके सूत्रधार अनिल भाई राठौर रहे हैं। तो मैं अनिल भाई से आग्रह करूंगा अपने उद्गार व्यक्त करें, भाव कैसा है आपका आजकल? ठीक है, मेरे को थोड़ा बोलने का अभ्यास कम है या नहीं है ऐसा है, पर भैया ने जैसे शुरुआत किया कि 7 दिन में आपका आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा, तो मेरे को तो 20 साल हो गए, तो वो जो अनिल राठौर था वो तो गया। अभी मैं आ रहा था बेटे के साथ में तो मुरमंदा में उसने गाड़ी रोकी तो 2 महिलाओं ने रिक्वेस्ट किया कि भैया हमको अयवारा छोड़ दोगे क्या? तो हमने कहा हम लोग तो हिंगना तक जा रहे हैं, है ना, तो बोले ठीक है वहाँ तक छोड़ दो ऐसा। तो जैसे ही संस्थान आया तो मैंने बोला बेटा मेरे को यहीं उतार दे, है ना, तो बोले हम इतना खुश हो गए, बोले हम तो यहाँ रहे हैं 10 दिन रहे हैं, इतना खुशी था कि हम अभ्युदय संस्थान में 10 दिन रहे, बहुत अच्छा लगा, पढ़ा ढिका जो भी उनका चला ऐसा लंबा। तो मैंने कहा जब संस्थान से जुड़े ही हैं, है ना, शिविर किए ही हैं, है ना, मेरे बेटे को बोला एक काम कर यार, तू छोड़ सकता है तो धमदा तक छोड़ देना, नहीं छोड़ सकता तो कम से कम अहिवारा तक छोड़ देना। ये जो आमूलचूल जो परिवर्तन वाली जो बात आती है ना, है ना, वो अद्भुत है यहाँ। तो बोला जाए तो मैं गुजराती, है ना, ऊपर से हिंदू, तो वो नीम चढ़ा करेला जैसा था। तो सारा अभी, है ना, गया, भगवान ने आदमी बना दिया। तो सारा जो जाति धर्म वाला जो लफड़े थे सारे खत्म हो गए ऐसा। और अभी सहसा लगता है जिंदगी बड़ी आराम से चल रही है, है ना, और आपको भी ऐसा महसूस होगा 7 दिन में, है ना, कि खाली मैं ही नहीं हूँ, सारे लोग भी हैं ऐसा करके। तो अद्भुत तो है ना, वो आपको 7 दिन में पता चल जाएगा, सहज हो जाते हैं, हम सहज हो जाते हैं। सारी जो विशेषज्ञता होती है, जैसे परिचय कराया गया कि गौ पालन गौ विशेषज्ञ हैं, है ना, तो यहाँ इनसे जुड़ने के बाद पता नहीं अभी आदमी होना शेष है, गौ विशेषज्ञ होना ठीक है, वो एक कार्यक्रम है ना, तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। हमारी ज़िंदगी में तो बहुत परिवर्तन आया, आप लोग की ज़िंदगी में भी आएगा, एक बहुत बढ़िया समाज अपन लोग मिल के खड़ा करेंगे, है ना। धन्यवाद अनिल भैया।
तो अनिल भाई का परिवार भी एक साक्षात प्रमाण है कि दर्शन से जो जुड़ते, तो वो दर्शन उस तक सीमित नहीं रहता, अगली पीढ़ी में जाता और फिर अगली पीढ़ी में। इनके बेटे जो हैं अब वो गौ पालन और कृषि का काम कर रहे हैं और अपनी आजीविका चला रहे हैं और पूरा परिवार उसमें लगा हुआ है। इसी तरह से जैसे एक बात आती है कृषि और गौ पालन में का, आप शिविर में सुनेंगे समृद्धि पूर्वक जीना है, सुख और समृद्धि पूर्वक जीना है। तो समृद्धि धीरे धीरे करते ऐसा कुछ हो गया कि समृद्धि के भाव से जीने के लिए कृषि और गौ पालन करना है और विनिमय पद्धति के हिसाब से अपनी आजीविका चलाएंगे और मजे के साथ जिंदगी जिएंगे, ये भाव निकल कर आता है। तो समृद्धि पूर्वक जीना है सोचकर हम लोगों ने फिर धीरे से समृद्धि के नाम से अपनी एक छोटे सा कार्यक्रम ही चालू कर दिया, जो मूल भाव ये है कि अपनी आवश्यकताओं का उत्पादन करें और जो अधिक हो जाए उसका विनिमय करें ताकि हमारी आजीविका भी चलती रहे। तब समृद्धि के नाम से रायपुर शहर में एक हमारा काउंटर चलता है चौबे कॉलोनी में, और इस संस्थान परिवार से जो 22 परिवार जुड़े हैं वो सब मिलकर समृद्धि के माध्यम से अपना विनिमय की व्यवस्था चलाते हैं। संयोग से जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे परिवार जुड़ते गए, तभी अभ्युदय संस्थान से मात्र 1 किलोमीटर दूर में हमारे कुछ साथियों ने जमीन खरीदी, जमीन खरीद कर समृद्धि के लिए कुछ कार्यक्रम प्रारंभ किया और समृद्धि ब्रांड के नाम से चालू कर दिया। तो उसको अभी संचालित कर रहे हैं भाई महावीर भाई, और महावीर भाई के साथ में श्री सपन गोयल जी हैं हमारे बीच उपस्थित हैं, भी एक बार खड़े हो जाएंगे। सपन गोयल जी हैं, धीरेन भैया हैं, विनोद शर्मा भैया हैं और इनका पूरा परिवार है। इधर भाभी जी हैं, भाभी जी विनोद शर्मा वाली भाभी जी हैं, धीरेन भैया, सपना भाभी ने, सब परिवार से तरह 4 लोगों ने मिलकर छोटी सी जमीन खरीदी है और उस परिवार में अब समृद्धि पूर्वक जीने का अभियान, तो उसका नाम भी अच्छा बढ़िया रख दिया, उत्सव परिसर। जीवन नित उत्सव है, उत्सव परिसर। तो उत्सव परिसर की ओर से मैं आग्रह करूंगा महर भाई अपने उद्घार करेंगे कि परिचय शिविर करने के बाद से लेकर अब तक कैसा रहा एक छोटी सी यात्रा अपनी। सभी को नमस्ते, मेरा नाम महावीर अग्रवाल है और मैं बड़े भाई जगदेव अग्रवाल जी भी छोटी गांव में ही रहते हैं। तो पहला परिचय शिविर उनका शायद 2013 में हुआ था, शायद सोम भला का शिविर उन्होंने किया था गुजरात में जाकर के। तो शिविर के बाद में उनसे मेरा संपर्क हुआ तो उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि शिविर आप भी कीजिए करके। तो मैंने अपनी पत्नी के साथ में पहला शिविर दिसंबर 2015 में किया। दिसंबर 2015 में पहला शिविर होने के बाद ही मुझे लगा कि ये कुछ अलग बात हो रही है, इसको अच्छे से समझना चाहिए। तो फिर मैंने लगातार 3 शिविर किए, सेकंड शिविर मार्च में हुआ, उसके बाद अगला शिविर अगस्त महीने में हुआ। उसी मध्य में एक शिविर जो है बच्चों का भी शिविर आयोजित हुआ था मार्च महीने में, तो निधि महाजन दीदी ने शिविर लिया था, कंडक्ट किया था, तो उसमें मेरे बेटा जी भी उस शिविर में प्रतिभागी हुए थे। और उस शिविर के बाद में जब हमारे घर में एक चर्चा हुई, गोष्ठी हुई, परिवार गोष्ठी हुई, तो उसमें ये चर्चा में आया कि हमें टीवी नहीं देखना चाहिए। तो 2016 में हमारे यहाँ टीवी का मतलब जो है ना, पहले हमारे घर में ऐसा वातावरण था कि हमारे यहाँ 4 कमरे थे, चारों कमरे में 4 टीवी थी, हॉल में टीवी थी, उसके बाद भी टीवी के लिए मतलब क्लेश होता था। तो 2016 में निर्णय हुआ टीवी नहीं देखना चाहिए, फिर टीवी नहीं देखने का निर्णय अभी तक कायम है। तो उसके बाद मतलब जो है ये हुआ कि शिक्षा में मतलब जो अभी की जो व्यवस्था समाज में है उसमें मतलब जो है दर्शन के अनुरूप जो बात हो रही है वो फिट नहीं बैठ रही है। तो शिक्षा का क्रम कैसे आगे बढ़ा जाए, परिवार में मतलब शिक्षा कैसे स्थापित हो पाए, उसके लिए फिर हमने मतलब जो निर्णय लिया कि बच्चों को इसी आशय से जो शिक्षा का जो कार्यक्रम चल रहा है रायपुर में उसमें बच्चों को मतलब जो है पढ़ाया जाए। तो उस आधार पर हमने निर्णय लिया कि अब हमें मतलब वहाँ जाना होगा। तो फिर हम कुम्हारी में शिफ्ट हुए जहाँ पर पहले से सपन भैया जी और धीरेन्द्र भैया जी रह रहे थे इस कॉलोनी में, और इनके बच्चे भी पहले वहीं पढ़ रहे थे। तो हमारे दोनों बेटा जी का एडमिशन वहाँ हुआ। फिर जब बच्चों का एडमिशन हुआ तो हमें मतलब जो है बच्चों को होमवर्क कराने में दिक्कतें हो रही थी, बच्चे अस्तित्व संबंध है ना, बहुत सारे ऐसी जिज्ञासाएँ लाते थे घर में कि पापा इसको कैसे करना है, ये क्या बोल रहे हैं करके।
तो फिर हमें लगा कि हमें पूरा एक दर्शन समझना होगा। तो फिर हमने 2017 में जो है अध्ययन शिविर किया 6 महीने का। 6 महीने के अध्ययन के बाद लगा कि भाई ये बात काफ़ी गंभीर हो रही है, स्थूल बात नहीं है, है ना, इसको पूरा जीने में कैसे उतारा जाए, उसके लिए अभ्यास किया जाए। तो उसी क्रम में फिर मतलब जो है हमने अध्ययन के पश्चात में फिर शिक्षा केंद्र जो छोटी में है वहाँ पर एज ए टीचर मतलब जो है पार्टिसिपेशन का निर्णय लिया। तो वर्तमान में मेरी श्रीमती जी और मैं दोनों जो है शिक्षालय में शिक्षक के रूप में भी हैं। और योग से योग ऐसा बना कि हमने यहाँ पर छोटा सा भूमि लिया था जहाँ पर आवास के लिए और उत्पादन के लिए कुछ योजना बनाई थी, जिसमें सपन भैया का परिवार, धीरेन्द्र भैया का परिवार और एक मित्र और थे, उनका मतलब एक कार्यक्रम बना जो जैसा भैया ने रखा कि हमने समृद्धि का कोई एक सपना सभी का रहता ही है। जैसे आप शिविर कर रहे हैं तो आपको भी लगेगा कि भाई मतलब जो है शिक्षा में कैसे ढंग से उतरा जाए, वर्तमान में जो भी आजीविका का हमारा कार्यक्रम है उसको कैसे बेहतर किया जाए। तो उसी कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में फिर हमने यहाँ समृद्धि का छोटा सा मतलब एक मॉडल शुरू करने का प्रयास किया है, जिसमें मेरा परिवार भी कुछ उत्पादन करता है और अन्य परिवार जो धीरेन्द्र भैया का परिवार है, सपन भैया का परिवार है, वो भी कुछ चीज़ों का प्रोडक्शन करते हैं। और जैसे कि भैया ने बताया कि रायपुर में हमारा एक केंद्र है समृद्धि, वैसे एक केंद्र है स्वीकृति जो भैया का अनिल भैया संचालन करते हैं। तो ऐसे 2-3 केंद्र रायपुर में हमारे हैं जहाँ पर हमारे ये सब प्रोडक्ट जो है रायपुर में मतलब जो है ना वितरित होते हैं। धन्यवाद मोहन भाई। अब विदेश संस्थान में जुड़े तो बहुत सारे परिवार हैं, एक एक करके जो है वहाँ मैं आपका परिचय करा देता हूँ। जब जब परिचय शिविर होता है तो जो जिस बैकग्राउंड से हैं, जिस पृष्ठभूमि से आए हैं, उस पृष्ठभूमि को अपने से जोड़ते हैं वो दर्शन को। और हर कोई अद्भुत चीज़ है कि इस दर्शन में हर एक के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम निकल के आ जाता है स्वस्फूर्त विधि से। तो ऐसा ही परिचय शिविर एक बार किया था पूनम दीदी ने और बसंत भैया ने। और आज पूनम दीदी और बसंत साहू भैया आप परिवार सहित अभ्युदय संस्थान से मात्र 1.5 किलोमीटर दूर ग्राम हिंगनाडी है, उस हिंगनाडी में रहती हैं। सोम भाई भी हिंगनाडी में रहते हैं अभी। तो ऐसे करीब 6 परिवार हिंगनाडी में रह रहे हैं। तो हिंगनाडी की ओर से, और सबसे बड़ी बात यह कि बसंत भैया नौकरी में थे, दर्शन समझ में आया तो पहला काम नौकरी की विदाई दी। हालांकि मैं इसको बिल्कुल प्रमोट नहीं करते हैं, लेकिन उन्हें लगा नहीं इस दर्शन को जीना है तो हम परिवार विधि से खेती बाड़ी करते हुए गौशाला करते हुए करेंगे। आज अच्छी बात यह कि पूनम दीदी, यानी मैं तो पहली बार जब मिला था मैं भी आश्चर्यचकित था कि आप दिल्ली में रहे हैं, पढ़ी लिखी वहीं पे, और नृत्य में जो भारतीय नृत्य शैली है उस पर आपने कोर्स किया है पूरा। और आज अभ्युदय संस्थान अभिभावक विद्यालय संचालित करता है। अभ्युदय संस्थान से जुड़े दो परिवार बहुत सारे परिवार हैं, 2 स्कूल चलते हैं। तो मैं अनिता भाभी का परिचय कराऊंगी आपसे। पहला विद्यालय प्रारंभ हुआ था सन 2011 में रायपुर में, और अब दूसरा अभिभावक विद्यालय अभ्युदय संस्थान है छोटी के सामने में आप देखते हैं, वह विद्यालय 2016 में प्रारंभ हुआ। और अभी मुख्य रूप से उस विद्यालय के संचालन की जिम्मेदारी पूनम दीदी और सुचित्रा बहन ने ली है। तो हमारे बीच में पूनम दीदी है, मैं आग्रह करूंगा अपनी बात रखेंगे। पूनम दीदी आइए। खूब अच्छा लग रहा है। नमस्ते, है ना, पिताजी लोग भी हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, सबको प्रणाम। प्यारे बच्चे भी हैं, मतलब नमस्ते। ये हॉल में आते ही साथ ना सोम्बिया, मतलब ऐसे हार्ट बीट तेज हो जाती है क्योंकि इसी हॉल से हम लोग का जिंदगी शुरू हुआ है। मैं अभी भी आते वक्त ऐसी हार्ट बीट चेंज हो रही ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि यहाँ से हम लोग की ज़िंदगी बदली है। मुझे लगभग 2005 में मैं पहली बार श्री नागराज जी से मिली थी और तब पता नहीं था कि यात्रा ऐसी भी हो जाएगी। तो आई एम सो ग्रेटफुल टू अभ्युदय संस्थान, ऑल दी मेम्बर्स एंड बाबा जी का पूरा परिवार जो यहाँ नहीं है, अमरकंटक में है। सो ग्रेटफुल। वाई ग्रेटफुल? क्योंकि ना इन लोग ने हमको प्यार करना सिखाया है
वी डोंट लव आवर सेल्फ. हमको लगता है दूसरे मुझे प्यार करें, दूसरे मुझे सम्मान करें, मैं दूसरों को प्यार दूं, मैं दूसरों को सम्मान दूं. कोई रूठ जाए तो पूरी मेहनत कर देते हैं दूसरों को मनाने में. बट एट लास्ट जीवन विद्या मतलब मैं खुद को नहीं समझी हूँ ये प्रॉब्लम है, मैं खुद को नहीं प्यार करती हूँ ये प्रॉब्लम है. तो वेयर द जर्नी स्टार्ट्स, स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ. सम्मान खुद को दीजिए, सम्मान खुद को, है ना. तो ये खुद से जर्नी स्टार्ट होती है, दैट इज जीवन विद्या. तो ये है ना, मेरे सारे मेंटर्स, मेरे सारे टीचर्स हैं जिनके साथ मेरे को ये, अनिल चाचा जी, तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि यहाँ पे संबंध के को प्राथमिकता दी जाती है, रिलेशनशिप, और उसके बाद भाव को. सो डजंट मैटर यू आर ओल्ड, यू आर यंग, यू आर सो यंग, इट डजंट मैटर. यहाँ पर जीवन विद्या की ये विशेष बात है, क्योंकि पूरा एग्जिस्टेंस समटाइम्स वी फील कि मैं छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं हूँ, मैं दिल्ली में क्यों हूँ, मैं मोटी क्यों हूँ, मैं काली क्यों हूँ, मैं पढ़ी लिखी क्यों नहीं हूँ, मैं अंधी क्यों हूँ, मैं लूली क्यों हूँ. देर आर मेनी रीजन्स कि हम अपने आप को प्यार करना छोड़ देते हैं. अरे एग्जिस्टेंस आपको प्यार करता है, एग्जिस्ट, यू एग्जिस्ट, दैट मीन्स एग्जिस्टेंस आपको प्यार करता है, इसलिए आप ऐसे हैं. आप जहाँ पर भी जन्म लिए हैं एग्जिस्टेंस ने आपको भेजा है, इसलिए आप वहाँ पर हैं. तो जब एग्जिस्टेंस आपको प्यार नहीं करता तो आप कौन होते हैं अपने से नफरत करने वाले. यू नो वन, हम अपने से नफरत करते हैं, ये आप अपने का अपमान करते हैं, अपने होने का. तो जब है ना, ये पूरी बात अनिता दीदी बहुत खूबसूरती से रखेंगी. एग्जिस्टेंस आपको प्यार करता है तो आप अपने आप को प्यार करना मत छोड़िए. ये मैंने यहाँ से सीखा है, आप लोग के साथ यात्रा में हूँ, लंबी यात्रा है, सब साथ चलेंगे. नमस्कार. बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा लगा आप आई. विद्यालय चल रहा है, उस चलते विद्यालय को छोड़कर बीच में आप आई हैं. नहीं, आज विद्यालय की छुट्टी है. छुट्टी, सॉरी, हाँ, सैटरडे छुट्टी आज. हाँ, यहाँ अभिभावक विद्यालय छोटी में आसपास के गांव के बच्चे भी पढ़ते हैं और हमारे परिवार के बच्चे भी पढ़ते हैं. कल की घटना बता रहा हूँ दीदी आपको. कुछ मेरे मित्र आए थे जी, ऐसा बस रेफरेंस के लिए. तो विद्यालय से बच्चे निकल कर पढ़ रहे थे और भाई जी और आपसी संबंधों को बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, संबोधन को खासकर प्राइमरी लेवल में. तो मैंने ऐसे ही अपने उस मित्र को कहा कि आप पहचान सकते हैं इनमें से कौन किस घर से होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ड्रेस कोड नहीं है, यहाँ पे कोई दिखावा नहीं है, यहाँ पे अमीर गरीब छोटा बड़ा ऊंचा नीचा ये धर्म वो धर्म सारे बच्चे एक साथ पढ़ते हैं. वो भौचक्के वाले में बताया, ये चार बच्चे जो हैं इन चारों के पिता ऐसे ऐसा काम करते हैं. बोले चारों के पिता अलग अलग क्षेत्र में हैं और उनके बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ एक साथ और कितनी आत्मीयता के साथ. वो लौट रहे थे असल में, तो उनको वही चीज़ अपील कर गई. बोले मैं अगला शिविर कब होगा भैया मेरे को बताइए, मैं आऊँगा अपने बच्चों को लेकर आऊँगा, शिविर कराऊँगा. खास बात मैं कहना चाह रहा हूँ, जिस असमानता को दूर करने की बात कही जाती है वो ऐसा है ही नहीं, हम सब समान है ही. अज्ञानतावश हमने असमानता को पैदा करके रखा हुआ है अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में. तो यह दूर होता है इस दर्शन को ठीक से समझने पर. मैं कहना चाह रहा था कि हमारे संस्थान की बहुत सारे साथी हैं, उनमें से एक परिवार अद्भुत परिवार है. अद्भुत इस अर्थ में कि जब मैं पहली बार मिला था तो मुझे लगता था कि कहाँ देहरादून, कानपुर और वहाँ से ग्राम छोटी. तो सफ़र करते हुए आई हैं हमारे बीच में डाली भाभी, मंजीत भैया उनके पति हैं, आप सब मंजीत भैया से मिले होंगे. अब एक सिख परिवार, वो कोई घटना है ना भाभी. अब इनका बेटा है, अंजलि भैया का बेटा गोपाल गाड़ोदिया, अनिता शाह जी का बेटा साकेत शाह, सोम त्यागी जी का बेटा हर्ष त्यागी, बहन है तो गुड़िया अग्रवाल,
और ये सब बोले हम सब भाई बहन हैं, तो इनके साथ जो लोग दूसरे बच्चे पढ़ते रहे बोलते ये कैसे एक सिख अग्रण भाई बहन कैसे हो सकते आप लोग, तो समझना बड़ा मुश्किल रहता था, बच्चों को समझाना मुश्किल होता कि हम सब एक ही परिवार के लोग हैं। वो दौर मैंने महसूस किया और आज भी ऐसा है। तो मैं आग्रह करूंगा डाली भाभी से कि अपनी बातें रखें यहाँ पे। सबसे पहले डाली भाभी कराना प्रारंभ हुआ था सन 2000 में अभ्युदय संस्थान में। मंजित भैया डाली भाभी शुरू से हैं और लगातार बने हुए, इनका बेटा भी हमसे जुड़ा हुआ है, बेटा भी एक निजी कंपनी में काम भी कर रहे हैं। तो डाली भाभी अग्रह विद्यालय में अपना समय देती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं। डाली भाभी जी सभी को नमस्ते। और मैं ये देख पाता हूँ जैसे संकेत भैया जी ने अभी बताया, तो सबसे ज़्यादा मैं आत्मीयता छोटे छोटे भाई बहन बच्चों में देख पाती हूँ कि किस तरह से बच्चों में आत्मीयता को मैं देख पाई। हम बड़ों में तो आत्मीयता आने में शायद थोड़ा समय लगा, लेकिन बच्चों से ये चीज़ सीखने को बहुत अच्छे से मिलती है। अपने बच्चों में अभी भैया जी ने नाम भी बताए हम सभी परिवारों के, और उनके अंदर जितने आत्मीयता देख पाते हो और एक साथ उन्होंने कहीं भी कुछ भी प्लान करना है तो एक साथ ही करते हैं बैठ के, और कहीं घूमने जाना है कुछ काम करना है, तो ये मैं बहुत बड़ी उपलब्धि देख पाती हूँ। और ये चीज़ मैं बच्चों में सबसे पहले देख पाई। और गोपाल उन्होंने बड़े हुए साकेत दिया गए हैं, तो किस तरह से उन्होंने तालमेल देख पाती हूँ, कैसे सबको संभाल के ले जाते हैं अपने छोटे भाई बहनों को, ये बहुत ही खूबसूरती की बात है। तो ये दर्शन के लिए है कि जो कि हम जीवन में देख पाते हैं, जीवन में कैसे समानता को देख पाते हैं, तो जैसे जैसे हम भाइयों को पहचान पाते हैं, अपने अपने उपयोगिता को पहचान पाते हैं हम सब, और किस तरह वो सब साथ चलने के लिए हमारी स्वीकृतियाँ बन जाती हैं, और हम उसे स्वीकार भाव के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो वो एक अंदर में खुशी का ठिकाना तो नहीं रहता। तो जीवन नित्य उत्सव है, इसको निरंतर मतलब फील करें कि अभ्यास है, निरंतर हम उस चीज़ को फील कर पाएँ, लेकिन ये जरूर है कि हमेशा उसमें अभ्यास करते रहते हैं तो कभी वो भाव भी बने रहते हैं। तो करते रहते के लिए अगर अभ्यास कर रहे हैं स्वयं का अध्ययन और बाबा जी के मार्गदर्शन उनको मिले ही हुए हैं, सतत मिला हुआ है, तो बाबा जी बोलते रहे कि सतत हर चीज़ है और हम सतत उस चीज़ में हैं, और किस तरह हम इस व्यवस्था को समझते हुए चलते हैं, तो सबसे बड़ी खुशी की बात ये लगती है कि कैसे हम लोग को समझने में समय लगा बाबा जी को, लेकिन आने वाली पीढ़ी बहुत जल्दी इस चीज़ को समझती है। तो ऐसे एक विश्वास भी बन गया है कि परंपरा तो बहुत ही जल्दी बनेगी, और जिस तरह हम अपने आश्रय निश्चित करते जाएंगे तो हमारा ही प्रभाव बच्चों पे जाएगा और बच्चों का प्रभाव हमारे में आएगा। तो ये तालमेल के साथ हम चलते हैं तो विद्यालय में देख पाते हैं कई घटनाओं को, तो बहुत सुंदर स्थितियाँ बहुत, ऐसा एक विश्वास बन गया है। और आप सभी लोग आए, आप सबका खूब खूब स्वागत, सभी को धन्यवाद। बैठे भाई बैठे 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 धन्यवाद डाली भाभी। वो बहुत ज़्यादा व्यस्त चल रहे हैं, सबसे ज़्यादा व्यवस्था को देख ही रहे हमारे भाई, अब देख ही रहे होंगे ना लगातार चंद्रशेखर राठौर जी आप सबके संपर्क में हैं, अभी व्यस्त व्यवस्था को लेकर मैं उनका परिचय कराना चाह रहा था। एनीवे जैसे मैंने पहले बताया शुरुआत किया था कि अभ्युदय संस्थान की स्थापना में बहुत सारे मित्रों का योगदान रहा, उनमें से एक परिवार है पूरा का पूरा अंजनी भैया का। तो अंजनी भैया, उनके छोटे भाई हैं रंजीत भैया, उनके छोटे भाई हैं राजा भैया, उनकी बहन है, अब हम दीदी ही बोलते हैं उनको, राजू दीदी, अंजनी भैया के मामा जी, अंजनी भैया के मम्मी पापा, एक पूरा का पूरा परिवार इस संस्थान को सजाने संवारने में अपना पूरा योगदान किया और लगातार कर रहे हैं, सतत कर रहे हैं। सबका खूब आशीर्वाद हमें मिला, सबका खूब सारा प्यार मिला है। तो इसी संस्थान परिसर में अंजनी भैया का घर है, मीना भाभी भी रहती हैं। अभी इनके भांजे अपनी पत्नी के साथ 6 महीने के शिविर में आए हुए हैं, अध्ययन शिविर चल रहे हैं, बेंगलोर में नौकरी करते हैं, लेकिन अभी वो छुट्टी लेकर आए हैं और दोनों पति पत्नी साथ में शिविर कर रहे हैं। तो मैं आग्रह करूँगा मीना भाभी से इस यात्रा के बारे में थोड़ी सी अपनी बात कर रखेंगी। मीना भाभी
सभी को नमस्कार। पूज्यनीय बाबा जी माता जी को नमन करते हुए मेरी बात को रख रही हूँ। तो शिविर में बाकी बहुत बोल चुके हैं उसके, तो मैं मेरे ज़िंदगी से जुड़ा हुआ शिविर में मेरे अंदर कैसे कैसे परिवर्तन आया और संबंध को मैं किस तरह देख के जीने में करी और कैसे सफलता मिली उसके बारे में रखूँगी। तो आप लोग हम जैसे परिचय शिविर कर रहे हैं ऐसे हमने भी परिचय शिविर किया। तो मुझे एक बार मौका मिला बाबा जी पूजनीय बाबा जी का शिविर करने, उस समय बाबा जी खुद लेते थे और ग्राम आवरी जो चारामा के पास है आवरी वहाँ हो रहा था। तो मैंने मेरे श्रीमान जी मुझे भेजे कि जाओ तुम शिविर करके आओ। बाबा जी के साथ हम लोग गए, मैं वहाँ रुक गई, मेरा बच्चा तब 2 साल का था। तो शिविर में बैठते थे हम सब और सभी मुंडी हिलाते थे, हाँ हाँ हाँ, मैं भी हाँ हिलाती थी। लेकिन मुझे उस ये शिविर में जब बाबा जी लेते थे तो उस समय भाषा बहुत क्लेश था, मतलब कठिन था, बहुत कठिन था, तो समझ में नहीं आ रहा था। तो सब मुंडी हिलाते थे, मैं भी मुंडी हिलाती थी और ठीक है। लेकिन एक चीज़ समझ में आया था कि मानव संबंध को पहचान के निर्भर करता है तो तृप्तिपूर्वक जी सकता है, सुखपूर्वक जी सकता है। ये मेरे अंदर लकीर कर गया था, मेरे अंदर मैं बार बार उसको अपने अंदर रिकॉल करती रहती थी कि क्या चीज़ है। तो एक शिविर के बाद दूसरा शिविर, ऐसे परिचय शिविर होते गया, फिर धीरे धीरे संबंध पहचान में आया। और फिर मैं इसमें अपने अंदर विचार भी करती रही थी कि मानव का धर्म है सुख। तो मैं देखती थी कि मेरे पास सब कुछ है फिर भी मैं सुखी नहीं हूँ। फिर संबंध की बात आई तो मेरे को लगा यहाँ हमारी गड़बड़ हो रही है कि हम संबंध की पहचान नहीं हो रही और संबंध के प्रयोजन क्या है ये हमारे को स्पष्ट नहीं हो रहा। अभी हम संबंध की पहचान सोचना कि एक दूसरे की आवश्यकता को पूर्ति कर दिए, एक दूसरे के स्वार्थ को पूरा कर दिए, है ना, अपनी जरूरत, तो वो संबंध मानते हैं। लेकिन वो तो मैं मेरे कुछ भी दे दूँ तब भी संबंध तृप्त नहीं होगा। तो वहाँ समझ में आया कि संबंध है पूर्णता के अर्थ में अनुबंध, मतलब हम पूर्णता तक पहुँचाने के लिए सारा संबंध है। और ये संबंध को मैं पहचानती हूँ तो फिर मैं मानव मानव के साथ न्यायपूर्वक जी सकती हूँ और प्रकृति के साथ जो संबंध है मैं उसके साथ आवर्तनशील प्रक्रिया को देख के जी सकती हूँ। और धीरे धीरे एक एक चीज़ स्पष्ट होते गया। और फिर मानव मानव के साथ जीना है तो मानव मानव के साथ जो जीना था अभी शरीर के आधार पर था, फिर धीरे धीरे समझ में आया कि मानव मानव का संबंध जीवन के आधार, सारा संबंध जीवन से जीवन का है। तो हम जब जी रहे थे तो शरीर के आधार पर जी रहे थे, जब समझ में आया कि सारा संबंध जीवन से जीवन के आधार पर, जब जीवन के जीवन से आधार पर जीने लगे तो ऐसे लगा कि हर मानव हर जीवन सुखी होना चाहता, हर मानव सम्मान पूर्वक जीना चाहता, हर मानव विश्वास पूर्वक जीना चाहता है। तो मैं इस तरह होने लगने से फिर एक मैं तो आपको भी अपमान नहीं चाहिए मुझे भी अपमान, तो जब इस तरह होने लगा तो व्यवहार में कहीं भी गलती होने से फिर समझ में आया कि नहीं सामने वाला ना समझी से या जानबूझ के नहीं किया। इस तरह धीरे धीरे एक चीज एक एक स्टेप बाय स्टेप क्लियर होते गया। और फिर वहाँ चाहे वो मेरे सहयोगी हो, चाहे मेरे श्रीमान जी हो, चाहे मेरे बच्चे हो, चाहे मेरे परिवार में सास, तो इस तरह देखने गए तो वहाँ फिर धीरे धीरे संबंध में मिठास बढ़ते गया। और मैं इसको धीरे धीरे जैसे जैसे परिवार में लागू करते गई वैसे वैसे मुझे इससे सफलता मिलते गया और मेरे अंदर स्थिरता बढ़ते गया। अब मुझे लगता है कि जो हिलना डुलना जो पहले था अब मैं देखती हूँ कि धीरे धीरे हिलना वाला कम होते जा रहा है और संबंधों में मिठास बढ़ते जा रहा है। और मैं देख रही हूँ कि हर चीज़ को, तो इसमें मुझे जो मेन पॉइंट आया है कि संबंध अगर ठीक से हम संबंध को पहचान के जी पाते हैं तो हम सुखी हो पाते हैं। हमको बाहर भौतिक वस्तुओं से सुखी नहीं मिलना है, मैं एक दूसरे के साथ विश्वासपूर्वक जीती हूँ, सम्मान पूर्वक जीती हूँ तो सुखी हो पाती हूँ। और इस तरह देखते एक के बाद ये लगा और धीरे धीरे निष्ठा बनते गया। और बस अब इसको समझना है, जीना है और समझाना है, सीखना है, करना और कराना है। तो अब धीरे धीरे बस इसी के लिए सारा प्रयास है ये। और आप लोगों भी इसको, और एक और बात बोलने वाली थी कि यहाँ आदरणीय राजन महाराज जी थे, वो बोलते थे कि हर जगह सब कुछ ठीक होने का फैक्ट्री है, लेकिन मानव अगर गड़बड़ है तो मानव को
ठीक होने का फैक्ट्री कहाँ है? तो फिर महाराज जी बोले कि ये अभ्युदय स्थान जो है मानव बनने का फैक्ट्री है। तो अब वो बात समझ में आया कि वो मानव बनने का फैक्ट्री तो अभ्युदय स्थान है। और यहाँ एक चीज़ और समझ में आया कि जब इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे आते थे तो उनको ज़बरदस्ती भेजते थे और वो ज़बरदस्त होकर जाते थे। तो यहाँ एक चीज़ ये समझ में आया कि ये एंट्री वाला गेट है, एग्जिस्ट वाला गेट नहीं है। एक बार आते हैं तो जाने का उनका मन नहीं करता है। तो ये वाक्य में सच्चाई है और आप लोग उस पूर्णता तो पा पाएंगे, समझ पाएंगे, सुखी पाएंगे। ये मेरा नमस्ते। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। जबरदस्त से आते हैं, जबरदस्त होकर लौटते हैं। वैसे ये हम लोगों ने नहीं कहा, ये किसी और ने कहा था जो शिमर करके गए थे, ऐसा मुझे याद आता है। शायद इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों ने किसी ने कहा था, कॉलेज के बच्चों ने कहा था। ऐसा होता ही है। संस्थान परिवार के सर्वे परिचय कराना चाहता हूँ। भाभी अगर आप अपनी बात कुछ करना चाहें, विनोद शर्मा भैया, भाभी अभी हाल ही में आप लोग इंदौर से फिर अब यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, अगर अपनी बात रखना चाहें प्लीज़। विनोद भैया जी, विनोद शर्मा भैया अपने आप में एक बहुत ही प्रेरक व्यक्ति थे हम सभी के लिए, कि आपने जब दर्शन को सुना, शिविर किया, तो एक एक करके पूरे अपने साथियों सहित शिविर को आगे बढ़ाया और आज उत्सव परिसर में निवास कर रहे हैं। विनोद भैया नमस्ते सभी को। तो मैं और मेरी श्रीमती जी हैं नीतू शर्मा, हमारे दो बच्चे हैं। तो हम लोग जीवन विद्या के परिचय में आए। अनीता दीदी का एक विद्यालय है रायपुर में, तो बच्चे छोटे थे तो हमको लगा कि कोई ऐसा विद्यालय चाहिए जहाँ पे कि बच्चों को अच्छे संस्कार मिलें, जो कि आज के दिन तो मुश्किल है। ऐसा लगता था कि बेटी बड़ी थी तो उनको नहीं मिल पा रहा था वैसा। तो दीदी के यहाँ स्कूल में मिलके फिर वो लगा कि यहाँ पे ठीक है, फिर वहाँ एडमिशन हुआ। मेरा दर्शन के प्रति बहुत स्वीकृति था नहीं, नीतू ने ही शिविर किया था। तो एक आध साल बाद फिर संडे को ही ले गई, सोम भैया का शिविर था कि चलो संडे छुट्टी, आज तो फ्री रहते हो, चलो एक बार ऐसे ही सुनने चलो। तो संडे को गया तो काफ़ी लॉजिकल लगा, मैं एक्चुअली सॉफ्टवेयर बनाता हूँ तो लॉजिक से पकड़ में आ जाता है चीज़ जल्दी। तो भैया का शिविर सुना तो काफ़ी लॉजिकल लगा, बहुत बढ़िया लगा, ऐसी बात तो हम कभी सुने नहीं थे, ये ध्यान में आया। और हम लोग राधा स्वामी धर्म मानते थे तो मैं अपने आप को उसमें काफ़ी ज्ञानी भी मानता था, तो मुझे लगा नहीं ये तो और काफ़ी सटीक है जो कम्युनिकेट हो रहा है। तो उसके बाद से फिर मेरा मन बना कि इसको समझना है क्या चीज़ है, अपने अभी तक सेंस में नहीं आया था। लगता था कि हमको सब पता है, लेकिन वो सुनने के बाद लगा कि बहुत कुछ बाकी है जानना। फिर मैं शिविर खोजता रहा, एक साल तक ये मेरे पीछे पड़ी थी कि शिविर कर लो कर लो, उसके बाद मैं खोजता रहा। फिर सोम भैया का यहीं पे शिविर था 2013 नवंबर को, तो उसमें काफ़ी मेरे को सहमति हो गई और तब से हम लोग पूरा परिवार कोशिश कर रहे हैं कि इसको कैसे ठीक से समझ के और आचरण में इसको कैसे ला सकें, इसके लिए प्रयासरत हैं। और इसमें ये सफलता है कि जो भी कुछ कर रहे हैं, समझ रहे हैं, उसमें तृप्ति बढ़ता जा रहा है। तो ये अपने आप में लगता है ईमानदारी बढ़ती जा रही है हमारी, तो ये उपलब्धि है। धन्यवाद। भाभी बोल रही है, ठीक है भाभी, आपको अगली बार हम सुनेंगे जरूर। सपन भैया कुछ बोलना चाहें? हमारे कुछ साथी कुछ ज्यादा ही संकोच से नहीं बोलते मैंने देखा, तो अरे सपन भैया, हाँ सपन भैया और इनकी श्रीमती डॉक्टर सपना, आप दोनों यहाँ परिवार से तो अपने बच्चों के साथ में हैं, तो उत्सव परिसर में रहते हैं। सपन भैया जी, सभी को नमस्कार। हम लोग का जुड़ना जो है, सबसे पहले सोम भैया का एक सीडी है बच्चों का शिविर जो 2008 में हुआ था, उसको हमारे एक मित्र मोहनलाल जी, जहाँ मैं उड़ीसा बरगढ़ से था, उन्होंने मेरे को दिया कि इसको देखिए करके, इसमें कुछ आपके लायक काम का होगा। मैंने और मेरे श्रीमती जी सपना गोयल ने साथ में देखा, हमको लगा कि ये बहुत ही काम की चीज़ है। और उसके बाद तुरंत हम शिविर के लिए तैयार हुए, लेकिन 3-4 महीने हमको शिविर नहीं मिला। तो 2012 दिसंबर में हमने शिविर किया, संकेत भैया का शिविर था और काफ़ी अच्छा लगा हमें। अब हम बोले कि इसको पूरा ही समझना है। उसके बाद अध्ययन शिविर का जानकारी मिली,
फिर तीन तीन महीने में यहाँ पर हम अछौटी आते थे 10 दिन के लिए और अध्ययन शिविर हम करते रहे। 3-4 अध्ययन शिविर करने से ये हमको क्लियर हुआ कि अब ऐसे ही जीना है, तो हमारा मन जो है 6 महीने के अध्ययन के लिए बन गया। 6 महीने का अध्ययन हमने 2015 में किया और इसी प्रकार से जीना है, इस प्रकार से हम यहाँ शिफ्ट हो गए। और हमको हमारे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों को इसी दिशा में आगे बढ़ना है, तो इसी विद्यालय में चालू किए पढ़ना उनका, और वो अभी तक भी साथ में ही हैं और पढ़ रहे हैं। थैंक यू। धीरेन्द्र भैया, धीरेन्द्र भैया, हमारे कुछ साथी अभी थोड़ा संकोच कर, हाँ वही मैं बताना चाह रहा था ना। हाँ वैसे आप लोग को बता दूं कि यहाँ जितने भी लोग हैं, चंद्रशेखर भाई रुकिएगा ना, अब जाना मत आप, इनको रुकना पड़ रहा है मेरे कि बार बार भाग रहे हैं यहाँ से। मैं ये कहना चाह रहा था आप लोग को कि चाहे नीतू भाभी हो, चाहे सपना भाभी हो, चाहे महावीर भैया के घर से भाभी जी हो, सब के सब अपना योगदान इस संस्थान में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। खासकर हमारी जो भाभियाँ हैं वो अभिभावक विद्यालय में अपना समय दे रही हैं, तो इस दर्शन ने सबको कुछ ना कुछ करने का एक अवसर भी प्रदान किया है। और इसी कड़ी में आपका परिचय कराना चाहता हूँ, आप लोग रोज देख रहे हैं इनको अभी यानी 2 दिनों से, चंद्रशेखर राठौर जी को। इधर आइए आप जरा। चंद्रशेखर राठौर जी NIT रायपुर से पास आउट हैं और IIT दिल्ली से MTech हैं। इनकी श्रीमती भी IIT दिल्ली से MTech की और बाद में PhD की, तो IIT दिल्ली से PhD MTech और वो पूरा परिवार इनका, ये अच्छे खासे कंसल्टेंट हैं, ऐसे इनका नाम पूरे देश में इन पति पत्नी का चलता है ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के लिए। और इन्होंने शिविर किया अपने बच्चों को पढ़ाने के क्रम में, फिर अपने माता पिता का शिविर कराया, फिर अपनी बहन का करवाया, फिर बहनों का कराया, फिर भैया का कराया। आज होते होते यही स्थिति है कि सिर्फ इनके परिवार के 11 सदस्य 6 महीने का अध्ययन शिविर कर रहे हैं। इनके मम्मी पापा, इनकी श्रीमती की मम्मी आई वो शिविर की, हमने अद्भुत जोड़ी देखी कि दोनों समधिन एक साथ हैं। आमतौर पर 2 समधिन का मिलना या देवरानी जेठानी का मिलना कठिन होता है ना, ऐसा बोला जाता है, गलत तो नहीं कर रहा दीदी, सही है ना? हाँ वो देखो सही बोले ना अपन, तो देवरानी जेठानी नहीं मिले, समधिन समधिन नहीं मिले, लेकिन यह शिविर सबको जोड़ देता है। ये दर्शन की महिमा है। आज ये स्थिति है कि अब इनके बहनें हैं लॉ ऑफिसर हैं जेल में, और वो शिविर कर रहे हैं 6 महीने की छुट्टी लेकर। अब बहनोई जी अपने मम्मी पापा को लेकर आए तो दूसरा कनेक्शन चालू हो गया। इनकी श्रीमती ने अपनी मौसी को लाया, मौसी के बेटा है उनके भाई, वो दोनों NIT के पास आउट वो आए, तो एक पूरा परिवार में सबसे कम से कम 35 लोगों का परिवार है। और अभी भी आपके परिवार के सदस्य हैं शिविर में। और चंद्रशेखर भाई आप देख रहे हैं लगातार सक्रिय है, बहुत ही ऊर्जावान है, युवा तो है ही साथ ही साथ ऊर्जा से भरपूर है, तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, आप अपनी बात थोड़ी सी रख दीजिए बस। सभी को नमस्ते। तो आज पहला दिन है और हम लोग तो मिलते रहेंगे। अभी व्यवस्थाओं की तरफ से, संस्थान परिवार की तरफ से मैं ही रख देता हूं कि संस्थान में करीब 8-9 परिवार हम लोग रहते हैं, और जितनी भी व्यवस्थाएं अगले 8-10 दिन यहाँ चलेंगी उससे संबंधित कोई भी तरीके की समस्या या जो भी परेशानी होगी, मैं हूँ, संकेत भैया हैं, डॉली दीदी हैं, हमारे से आप लोग निसंकोच शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। सही मायने में कर्मशील व्यक्ति हैं, बोलना कम पसंद करते हैं। तो अब चलिए, वो अनिल भाई बोल रहे कि हमारी श्रीमती हैं अब ठीक है। तो अच्छा, तो अब यहाँ मेरे ख्याल से फिर उसके बाद अनिता दीदी को हम लोग फिर सुनेंगे। तो हमारे बीच में आदरणीय संकेत ठाकुर भैया हैं, आप डॉक्टर संकेत ठाकुर हैं, आप PhD हैं और वर्ल्ड के रिनोन
एग्रीकल्चर, खेती में जो टिश्यू कल्चर होता है, जो बहुत ही बड़ा एक साइंटिफिक एरिया है, उसमें आपने इंग्लैंड में रह के उपाधि ली है और खूब सारा गहरा काम देश में और छत्तीसगढ़ शासन के साथ खूब सारे काम। तो जो कृषि में जो एक टिश्यू कल्चर करके एक बहुत गहरा काम होता है, उसके आप साइंटिस्ट हैं और उसके अलावा खेती में आप विशेषज्ञ हैं, और साथ ही आपकी श्रीमती हैं सुभ्रा दीदी हमारे बीच में हैं, आप लोग यही संस्थान परिसर में रहते हैं। और अब मैं आग्रह करूंगा कि संकेत भैया अपने परिवार की की ओर से शेयरिंग करें कि क्या कैसा जी। अरे शेयरिंग की भी बात नहीं, मेरे लिए एक शेयरिंग की बात नहीं, हम लोग तो रह रहे हैं बहुत अच्छे से रहते हैं। आज एक छोटी सी उपलब्धि आप लोग से शेयर करना चाहूँगा। मेरे बड़े भाई साहब आए हैं सरल ठाकुर जी, आज दीदी के साथ रहेंगे, हमारी भाभी आई हैं साथ में, और अब बिलासपुर में रहते हैं भाई साहब, LIC में एडिशनल डिविजनल मैनेजर हैं, और हमारी बिटिया, भैया की बिटिया, ये बेंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आज वो आई हैं और एक दिन का शिविर आपका करेंगी दीदी। तो मेरे लिए व्यक्तिगत बात है कि परिवार पहले भी आता रहे या आज आना हुआ है। बाकी जैसे सबके परिवार में अच्छी स्थिति, ऐसी हमारे परिवार में अच्छी स्थिति है, सब लोग आते जाते रहते हैं, और जो परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था है उसका आनंद हम सबका परिवार लेता है। तो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ अब मैं माइक अगले 7 दिनों के लिए हैंड ओवर करता हूँ अनिता भाभी जी को। हैंड ओवर करने के पहले एक छोटा सा परिचय देना चाहूँगा भाभी जी का। मैं बोलता हूँ तो मेरे बहुत भाव इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन अब शायद संभल गया हूँ। अनिता भाभी से परिचय हम सबका वही 20-25 साल पुराना है। असल में सबसे पहले राजन महाराज जी से मुलाकात सोमवे और अंजनी बहने मेरी कराई थी अनिता भाभी के घर में। अनिता भाभी का घर एक किस्म से रायपुर में, अनिता भाभी और मीना भाभी का घर, ये रायपुर में जीव विद्या का केंद्र रहा है जब संस्थान नहीं बना था तब। तो जब जब बाबा जी आते थे, महाराज जी आते थे, तो हम इन्हीं दोनों से किसी घर में बेधड़क होकर चले जाते थे और लगातार बैठे रहते थे। सारी व्यवस्था होती थी, चर्चा होती थी, गोष्ठियाँ चला करती थी। तो धीरेन भैया जो उनके पतिदेव अभी नहीं है हमारे बीच में, वो लगातार इस बात में जोर देते रहे कि कैसे ये संस्थान की जो कल्पना है उसको साकार किया जा सके। तो धीरेन शाह जी अपने व्यवसाय के साथ साथ संस्थान में योगदान देने में सबसे बड़ी भूमिका में रहे। अंजनी भैया और धीरेन भैया ने मिलके एक बड़ा योगदान तन मन धन का परिवार सहित दिया। और अद्भुत बात यह रही कि धीरेन भैया बोले कि ये तो मैंने अपने लिए किया है, अपनी श्रीमती के लिए रायपुर में केंद्र बना देता हूं, सत्यम बाल संस्थान। तो धीरेन भैया इसे अपना मानते थे कि ये मैंने अपने लिए किया, अपनी खुशी के लिए किया, और वो अपनी पत्नी की खुशी के लिए करता हूँ। ये ऐसा उन्होंने कहा कि मुझे इस बात को शेयर किया था उस समय, मैं अपनी पत्नी के लिए इसको कर देता हूँ, ये मेरे लिए हो गया। लेकिन घटना क्रम कुछ ऐसा रहा कि सत्यम बाल संस्थान में विपश्यना ध्यान करवाती थी भाभी। बाद में बाबा जी ने और भाभी की और परिवार की इच्छा हुई तो उस बाल संस्थान को विद्यालय में कन्वर्ट किया गया और अभिभावक विद्यालय सन 2011 में प्रारंभ हुआ। और जिस प्रारंभ हुआ, आप खाली अनिता भाभी नहीं, इनके पिताजी, इनके भाई, इन सब ने उस विद्यालय को स्थापित करने में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। और आज अनिता भाभी की वजह से अभ्युदय संस्थान की एक पहचान अभिभावक विद्यालय के रूप में है पूरे देश और प्रदेश में। पूरे देश भर के लोग आते हैं, आप लोग की जानकारी में होगा, मैं फिर भी याद दिला दूं, आज दिल्ली में जो शिक्षा का जो कार्य चल रहा है, आप लोग सुनते होंगे ना कि दिल्ली के स्कूलों में हैप्पीनेस करिकुलम चल रहा है। हैप्पीनेस करिकुलम का प्रायोगिक स्वरूप अभिभावक विद्यालय रायपुर में देखने को दिल्ली सरकार के अधिकांश अधिकारियों को, अध्यापकों को और दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी को देखने को मिला। तो मनीष सिसोदिया जी पहले भी आते रहे, सरकार बनने के पहले आते रहे। तो जब उनकी सरकार बनी तो सबसे पहला काम सोम भैया का शिविर करवाया 2015 में उन्होंने, और सारे के सारे शिक्षक, दिल्ली सरकार के जो प्रमुख अधिकारी हैं, उच्च शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, वो सब इसी हाल में
2015 में शिविर करके गए और उसके बाद दिल्ली में शिक्षा में जो बदलाव आप जो देखते हैं वो देखने को मिला, उस दौर में उस सारे शिक्षक और अधिकारी अभिभावक विद्यालय में जब जाकर देखकर संतुष्ट हुए कि हाँ ये तो बोलने की वस्तु नहीं है, जीने की वस्तु, इसे किया जा सकता है, इसे विद्यालय में चलाया जा सकता है जिस तरह से यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो अनिता भाभी का बहुत बड़ा योगदान रहा है अभ्युदय संस्थान और स्कूली शिक्षा को, एक और सोम भैया ने शिविर लेके लोगों को तैयार किया है, तो प्रैक्टिकल स्वरूप देखने को जो मिला वो अभिभावक विद्यालय से मिला है। तो अनिता भाभी लगातार अपने परिवार सहित लगे हुए हैं और अभी अच्छी सूचना मिलती है कि अब इनकी तीसरी पीढ़ी तैयार हो रही है, इनका पोता जो है अब वो विद्यालय में प्रवेश ले लिया है और वो पढ़ता है। तो जोरदार स्वागत कीजिए। अनिता भाभी का शिविर लेने का तरीका ममता से भरपूर है। आपको जैसे सो महीने में हम लोग थोड़े कड़क हो जाते हैं, ये आपको एकदम सॉफ्ट स्वरूप देखने को मिलेगा दर्शन का इनके माध्यम से। तो अब अगले 7 दिन के लिए माइक अनिता भाभी का। सभी को नमस्ते। वैसे आप लोग को ये तो भास हो ही गया होगा कि शिविर शुरू हो चुका है क्योंकि ये शिविर ही मानवीय भाव का है, तो मेरे ख्याल से जो भी सबने व्यक्त किया है एक प्रकार से कृतज्ञता ही व्यक्त की है और कृतज्ञता से ही मानवीयता की शुरुआत होती है ना। तो सबने एक दूसरे के प्रति जो भाव व्यक्त किए हैं यही हमारी उपलब्धि है इतने सालों की, कि हम पहले भी सब एक दूसरे का सहयोग करते ही थे पर देखने की दृष्टि नहीं थी, है ना। मतलब पहले भी मानव जाति ऐसे यहाँ तक नहीं पहुँची होगी, सहयोग तो पहले भी रहा ही है पिछली पीढ़ियों का, पूर्वजों का, आसपास के लोगों का, प्रकृति का, पर देखने की दृष्टि नहीं थी। तो मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद से सह अस्तित्ववाद साथ साथ जीने को देखने की एक दृष्टि मिली है हम सबको और इसलिए शायद बहुत सारे संबंधों की कमाई हो पाई, नहीं तो सब कुछ था पर कमाई नहीं किए थे और ऐसे लगता था बस अकेले ही चलना है, अकेले ही चलना है, अकेले ही स्ट्रगल संघर्ष, जबकि सब साथ साथ चलने से बहुत आराम से अपन सब चल ही सकते हैं। तो जैसे हम सबको लग रहा है कि हम लोग अपने जीने को सही दिशा दे पाए तो पूरा विश्वास है कि आप सब भी कर पाएंगे, जैसे हम समझे आप भी समझ जाएंगे, है ना। तो ये पूरा दर्शन मानव सहज लिखा गया है, मानव सहज है मतलब ये बेटा जी भी समझ सकते हैं, बाबूजी भी समझ सकते हैं, कोई भी समझ सकता है ना। तो हम सब बहुत अच्छे से इसी विश्वास के साथ शिविर लेते हैं कि जब मैं समझ सकती हूँ तो सब समझ सकते हैं, तो खूब अच्छे से अपन करेंगे आराम से, है ना। जैसा कि नाम ही है जीवन विद्या, तो जीवन को समझने की विधि है, तो अभी तक अपन यही देख पाते हैं कि एक्चुअल में समझने वाला भी जीवन है, सुखी दुखी होने वाला भी जीवन है ना, निर्णय लेने वाला भी जीवन है। तो उसी को शायद हम अभी अच्छे से समझ नहीं पाए थे, इसलिए बहुत सारी चीज़ें अपने को अव्यवस्था के रूप में दिखाई देती है। तो खूब बढ़िया से इस पूरे दर्शन को, मतलब एक व्यवस्था किसे कहते हैं, है ना, तो व्यवस्था जैसे अपन बोलते भाई तालमेल, आप देख ही पा रहे होंगे जैसे आप विद्यालय में भी, अब हम लोग इतनी बहनें हैं पर कोई ऐसा नहीं कि कोई प्रिंसिपल है, कि कोई ऑर्डर आता है, कि कोई एक दूसरे को चला रहा है, मतलब ये तालमेल का स्वरूप है, है ना। अभ्युदय संस्थान में आप जितने भी परिवारों को देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन किसको चला रहा है, तो कोई किसी को नहीं चला रहा है, सब स्वयं स्फूर्त एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी ये उपलब्धि विद्या से हम सभी परिवारों को मिली है, तो मेरे ख्याल से उसका एक व्यवहारिक स्वरूप आप लोगों ने अभी देखा और बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जो अभी उपस्थित नहीं हैं, इधर उधर हैं, पर इस 7 दिन में हो सकता है कि जैसे जैसे सबका आना होगा तो आप लोग सबसे मिलेंगे, तो अपन बहुत स्मूथ आराम से चलेंगे, परिवार विधि से चलेंगे, है ना। और इस शिविर का जो डिज़ाइन है उसमें न्याय ही नियम है, आप लोग को जितना पूछना है, जो पूछना है, जब पूछना है आप लोग पूछ सकते हो, है ना, किसी प्रकार का बंधन नहीं है, ठीक है। आपको ऐसे लगता है कि उठ के बाहर जाना है तो जा भी सकते हो, ठीक है ना। तो एकदम अपने आप को ना प्रसन्न रखते हुए अपन शिविर करेंगे क्योंकि शिविर होगा ही प्रसन्नता में, तो जहाँ भी थोड़ा सा भी लगता है कि नहीं समझ आ रहा है या थोड़ा भारी लग रहा है या नहीं इस बात को, फिर तो अपन एकदम
बहुत सहज होकर शिविर करेंगे। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात अपन जीवन को समझने जा रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं ठेका लेंगे कि 7 दिन में ही समझ जाना है, लेकिन 7 दिन को बहुत खुशहाली के साथ अच्छे से निकालेंगे अपन और वैसे ही करेंगे। तो अभी आप लोग चूंकि बहुत लोगों को सबको हमको सुने हो, अगर आप लोगों में से किसी को अपने कोई भाव व्यक्त करने हैं है ना, तो उसको अपन अभी ले लेते हैं, फिर शिविर की शुरुआत अपन अच्छे से फिर और वो होके करेंगे। अगर आप लोग को किसी को भी अपने भाव व्यक्त करने हैं, आप लोग सब खुश होके आए हैं, कोई कौन जबरदस्ती भेजे हैं किसको कि मम्मी पापा बोले जाओ शिविर में कुछ अच्छा सीख के आओ, नहीं सब अपने मन से आए हैं, बढ़िया। तो आप लोग को अपनी कोई बात कहनी है किसी को? जी भैया आइए। सबको प्रणाम, सबको प्रणाम। मुझे स्वयं अपने उदाहरण में बात बताई, मैं एकदम औपचारिक रूप से बात कर रहा हूँ। चिंतन शिविर योग शिविर सब बातें सुना करता था, तो मैं यहाँ के शिविर के बारे में जो मुझे आज ज्ञान मिला, सच में मुझे ज्ञान चक्षु खुला। जो राजन महाराज के बारे में बताया वो बोलते थे कि क्या तुम वाक्य को सुधारने के लिए फैक्ट्री है, समाज को सुधारने की कोई फैक्ट्री नहीं बनी, समाज सुधारने फैक्ट्री बनी अभी संस्थान। मैं दिल से आज इस बात को स्वीकार करता हूं, इतना अच्छा लगा मैं सुन की बात। और जो दर्शन उन्होंने बताया, एक दर्शन क्या बताया, पेट भरने की प्रक्रिया तो सभी कर रहे हैं, ये मन को भरने की प्रक्रिया हम लोग नहीं कर पा रहे। कितनी बातें, मतलब बोल बातें उन्होंने की वो जो अंतर तक मुझे छू गया। सोमवारी ने जैसे बोला कि जानवर चिड़िया पक्षी पशु पक्षी अपनी जिंदगी को कितने आसानी से जी रहे हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं, 99 के फेर में हम सिर्फ उलझे रहते हैं और हम अपने जीवन में कोई सुधार नहीं ला पा रहे। 99% जो समाज का व्यक्तित्व तो है, जो लोग जी रहे हैं ना, सामान्य उसको मैं गलत शब्द बोल सकता हूं, कीड़े मकड़े भांति जी रहे हैं। वास्तव में जीवन को दर्शन से जीने की कला आनी चाहिए। मैं खुद स्वयं अपने आप को इस बात को स्वीकार करता हूं कि पूरी जिंदगी, अब मैं 60 साल होने जा रहा हूं, सिर्फ 99 के फेर में पूरी जिंदगी के कष्टों के सिवाय अब मैंने कुछ नहीं पाया। तमाम परेशानी सवाल उधर बुन और हर समय कहते हैं मानसिक व्यथा से गुजरता रहा। अपने जीवन में हर व्यक्ति अपमान और सम्मान से गुजरता है, लेकिन अपमान को जब गुजरता है उसको अपने आप को रिकॉल करना चाहिए। तो मेरे मन में एक इच्छा जागृत है, एकदम एकदम गोपनीयता है कि मुझे जब जो अपमान मिला उसको मैंने एक जगह नोट किया हुआ है, जो ना मैं कभी जिंदगी अपनी पत्नी शेयर करूंगा ना अपने बच्चों शेयर करूंगा, तो उससे क्या, तो मुझे एक प्रेरणा मिलती है। तो सच में जीवन जीने की कला जो आप लोगों को जितना बढ़िया जीवन दर्शन बता रहे, दिल खुश हो गया। तो ये बातें मुझे छू गई है। वास्तव में आप सभी का मैं कहते हैं रेडी रहूंगा, इतना अच्छा लगा। संकेत भाई जब बताते हैं शिविर की बातें उससे मुझे इतनी समझ आती है, लेकिन ये जितना जीनियस है, जितना त्याग किया जीवन में, अब मुझे लगता है क्योंकि हम लोग हमेशा हमारे पिताजी चूंकि हास्य जीवन के साहित्यकार थे, कवि थे, तो ऐसे हमारे जीवन में हास्य रंग कूट कूट कर भरा था, तो हम उसके एकदम सहजता और इसमें सहजता से लेते थे। इन आज समझ में आया कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। और वास्तव में नई पीढ़ी, हमारी बिटिया भी आई हुई है, वो अभी बैंगलोर में है, सर्विस कर रही है, लेकिन युवा पीढ़ी को भी, जैसे आप NIT के बच्चे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बच्चे हैं, मैडम इतनी अच्छी बात की, आदमी जबरदस्ती से आता है यहाँ पर, वास्तव में जबरदस्ती से आना, ये अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन जब जाता है तो जबरदस्त होके जाता है। कितनी बड़ी बात, क्या दर्शन है साथियों। मैं पूरे दिल से आपको सब पढ़ने रहूंगा, बहुत अच्छा जीवन दर्शन चला रहा, दिल खुश हो गया। धन्यवाद साथी। दर्शन से क्या पिक्चर्स, बात कर दीजिए परिचय जैसे आप कराते। ठीक है, बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया भैया। हाँ, मतलब ये अपन ये जानना चाह रहे हैं इसी मामले में कि भाई अपन जो आए हैं तो हमारे अंदर क्या चल रहा है, तो अपन वही बात करेंगे, वहीं से शुरू करेंगे है ना। भले बहुत तो वो नहीं, लेकिन अपन जब अपना परिचय देंगे तो कि आपको अपनी की आप क्या सोच के आए हैं ये भी उसमें शामिल रहेगा, तो हम सब एक दूसरे से परिचित भी हो जाएंगे, ताकि फिर जब भोजन का ब्रेक हो तो कम से कम थोड़ा सा, हालांकि परिचय तो धीरे धीरे होगा है ना, लेकिन अगर आप लोग स्वयं स्फूर्त बोलना चाहें तो वैसा भी ले सकते हैं,
आप लाइन से बोलना चाहें तो वैसा भी ले सकते हैं, कैसा करें बताइए आप लोग। आप लोग को सुनना है थोड़ी देर, तो स्वयं स्फूर्त भी हो सकता है और क्रम से भी शुरू कर सकते हैं। तो अपन अभी लंच तक एक परिचय का ही दौर चलाते हैं ताकि हम आपस में एक दूसरे को जान जाए, है ना, और फिर अपन शुरू करेंगे ही। और दीदी आप सबके साथ बातचीत करते हैं, अब हमारा शिविर औपचारिक रूप से प्रारंभ। ठीक बात है ना, अब हम आपस में परिचय कर लेते हैं ताकि अपन फिर बाद में जब मिले तो अपन अपने शिविर को उस परिचय के साथ शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग को सबको हम लोग को सुनना है और ये कोशिश करना कि बहुत शॉर्ट में नहीं निकलना है ना, अपने बारे में इतना बताना कि सामने वाला आपको जाने, है ना, मतलब अपने आप को इतना ट्रांसपेरेंट रखें हम कि कोई हमको जानने लगे। नहीं तो यही शिकायत रहती है कि वो मेरे को जानता नहीं है, वो मेरे को समझता नहीं है, है ना, क्योंकि हम अपने आप को समझाते भी तो नहीं है। तो अपने आप को एकदम बहुत बढ़िया से, हम 8 दिन साथ में रहने वाले हैं तो खूब खुल के अपना परिचय दो, आप क्या सोचते हो, किस अपेक्षा से आए हो, है ना। चलिए शुरू करें, आपसे शुरू करें, वेरी गुड। थोड़ा शॉर्ट में ही बताती हूँ। हाँ हाँ ठीक है। सभी को नमस्कार, मेरा नाम सोनल केसवानी है और ये मेरा 4th या 5th शिविर होगा शायद। तो मैं NIT रायपुर से पढ़ रही हूँ और क्योंकि जैसे बता रहे थे कि कॉलेज से बच्चे आते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज से, तो मेरा भी कुछ ऐसा ही है कि मैंने पहले किया हुआ शिविर और अब मेरे ख्याल से रौली आंटी जी बोल रही थी कि कुछ उसको लाइक रिविजिट करने जैसा, हाँ वैसा ही कुछ है। पर हाँ यही है, अभी तो मैं भी जॉब करती हूँ, रनर हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और आई थिंक अभी उतना ही, फिर हम और जान जाएंगे। थैंक यू। हाँ पर अपेक्षा क्या है आपकी इस शिविर से? क्योंकि मेरा किया हुआ शिविर तो अभी ऐसे मान सकते हैं कि शायद हम कई चीज़ें भूल जाते हैं, थोड़ा सा फिर कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो एक फिर से क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, बढ़िया, थैंक यू, बहुत बढ़िया। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम वर्षा साहू है, डाइट रायपुर से। मेरा मार्गदर्शन हमें KK साहू सर जी से मिला जो डाइट रायपुर में प्रोफेसर हैं। और पहला शिविर कॉलेज में ही था 7 दिनों का, 11 से 5 टाइम था। तो 2018 में शिविर से हुआ परिचय, तो मतलब उन 7 दिनों में पता चल गया था कि पहले कैसा था, क्या सोचते थे और अभी कैसा है शरीर के बाद। तो मतलब अपने आप की एक झलक दिखी थी, बहुत छोटी सी झलक, तो उस झलक से मैं इतना ज्यादा प्यार हो गया था कि और मतलब खुद के अंदर और क्या क्या है और अपने आप को जानने की जिज्ञासा है शरीर में, मतलब छोटी है छोटी है छोटी बहुत सुनते थे। तो मतलब सातवें दिन हमें ये बिठा रहे हैं कि हम ना छोटे जा रहे हैं, तो कॉलेज में एक शिविर सितंबर में और ऐसे दिसंबर में हमारा छुट्टी आना हुआ। तो हम अपने आप को बहुत 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 भाग्यशाली मानते हैं कि इतनी छोटी समय में, इतनी कम समय में आज हमारा 3रा शिविर है। तो हमारे पहले शिविर तो था कि पूरे परिवार को लाना है, पर वो थोड़ा सा नहीं हो पाया। तो इस बार हम अपने मित्रों के साथ आए हैं, ये हमारी बेस्ट फ्रेंड और उधर बैठे हुए और दो लोग। तो अब मम्मी जी ने बोला कि बेटा आप इस बार जाओ, अगली बार मैं आऊंगी साथ में, और मम्मी जी ने भी हमसे प्रॉमिस किया है कि वो अगली बार आएंगे। तो और अपेक्षा हमारी बस सही है कि उस झलक तो बढ़ती जा रही है अपने आप के देखने की, हम वो क्लैरिटी आ रही है, तो वो आज ही आ जाए, बस धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो नए जो पहली बार आए हैं वो लोग पहले अपना परिचय दे दें, है ना। तो उन लोग एकदम जो उनका अभी चल रहा है उनके अंदर वो सामने आएगा, ठीक है। जो शिविर कर चुके हो तो उनको तो मतलब पता ही है ना। तो पहले अपन जो पहली बार आए हैं उनको सुन लेते हैं, अपन फर्स्ट टाइम जो भी आए आप लोग आप करेंगे उधर दे देते हैं, क्योंकि जो शिविर कर चुके हैं उनके साथ तो हम बात करेंगे ही, पर पहली बार जो आए हैं उनके साथ आत्मीयता पहले कर लेते हैं अपन, है ना। सभी को सादर नमस्ते जी।
मैं बहुत सा मैं अपना परिचय देता हूँ। आचार्य सुषम कुमार आर्य, छत्तीसगढ़ योग आयोग मास्टर ट्रेनर, आयुष मंत्रालय भारत सरकार योगा मास्टर ट्रेनर। वर्तमान में संकल्प नशा मुक्ति केंद्र रायपुर का नियमित योग शिक्षक और वर्तमान में आर्य समाज बैजनाथ पारे का धर्माचार्य पद पर गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत 16 संस्कार करता कराता हूँ और छोटे छोटे शिविरों में मैं भी भाग लेता हूँ। लेकिन पहली बार जब मैं यहाँ आया तो एक मुझे अद्भुत अनुभव हुआ कि संसार के जितने भी चकाचौंध हैं, जितने भी टेंशन हैं, सारा टेंशन पहली बार ही समाप्त हो गया। अंदर घुसते ही मैं नाश्ता नहीं किया था, मतलब यहाँ जो अनुभूति होती है यहाँ पर आने पर पहली बार कि वास्तव में अभी आप लोगों का जो विचार और जो यहाँ का जो संस्था का उद्देश्य है उसको सुनकर ऐसा लग रहा है कि वास्तव में 6 महीने जब तक अध्ययन नहीं करेंगे पूर्ण रूप से हम परिपक्व नहीं होंगे। लेकिन पहली बार कुछ समय में ही बहुत कुछ अपन को मिला। और पहले हमारे श्रीमती जी है ना, 1 सप्ताह का 7 दिन का शिविर की और 10 दिन का शिविर की थी और उसका शासकीय नौकरी में लग गया तो उनको वहाँ जाना पड़ा, नहीं तो वो ही रहती और साथ में रहता तो कुछ और आनंद आता। तो इस प्रकार से जो है ना, मेरा बेटा भी यहीं पढ़ रहा है और 2 लड़के हैं और 1 लड़की है। तो मेरे भाई के लगभग 20 साल हो गया ना, बाल बच्चे नहीं हुए हैं, तो 1 बच्चा जो है ना उनके नाम से समर्पित कर दिए हैं, गोद में दे दिए हैं। और 2 बच्चे आपके चरणों में पढ़ रहे हैं वहाँ पर अभी भावक विद्यालय है, और 3रा बच्चा जो है ना यहीं पढ़ रहा है और मैं भी यहीं अध्ययन कर रहा हूँ। तो मुझे तो इतनी खुशी हो रही है, मैं कविता और गीत के माध्यम से पूरा 7 दिन पूरा आनंद लूंगा, ऐसा आशा और विश्वास से ज़्यादा समय न लेते अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बढ़िया, सभी पढ़ रहे हैं। चलिए आप लोग, चलो बेटा आप लोग से शुरू कर रहे हैं फिर अब आप। हेलो, सबको नमस्कार। ओ मैं ठीक है, राठौर जी से यहाँ आई हूँ, कोरबा से जांगीर जिला की हूँ। मेरा नाम सुशीला राठौर है। बढ़िया, आप क्या सोच के आए हो यहाँ? ज्ञान सुनने के लिए आई हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ, ज्ञान का सागर यहाँ मिल रहा है। जो ज्ञान बुद्धि में ताला लगा है वो खुल रहा है। ठीक बात है, चलिए बढ़िया। चलो बेटा जी, सभी को नमस्ते जी। मेरा नाम पायल जलोड़िया है और माय प्रोफेशन अभी डेंटिस्ट हूँ, प्राइवेट प्रैक्टिस अभी चल रही है और ये मेरी 5वीं शिविर है। परिचय शिविर सोम भैया की करी हुई है, आपकी पहली बार है। ठीक है, तो क्या है मतलब इस शिविर से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? अभी तक ये है कि लाइफ में जब भी शिविर होती है उसके बाद 1-2 महीने तो आचरण में भी चीज़ें रहती है पर फिर बाद में वापस छूट जाती है। तो वो जो निरंतर सुख की जो चाह है उसके लिए करना है अभी, कि वो लाइफ टाइम के लिए लाइफ में ये आचरण आ जाए, वो अभी तक आया नहीं है। तो छूटता है तो क्या फील होता है? कि पता पड़ता कि गलती कर रहा है पर वो मतलब रिएक्शन आ जाता है हर चीज़ का जो नहीं आना चाहिए, तो समझ में आ जाता कि ये नहीं करना है पर फिर भी हो जाता है। बढ़िया, चलिए बेटा जी आप क्यों पास कर रहे हो? बोलिए बोलिए, यहाँ बोलना तो सबको ही पड़ेगा है ना। अभी नहीं, अभी नहीं। देखियो एक भी बात मैं बताना चाहूँगी आप सबको, हम सब ना अभिव्यक्त ही नहीं हो पाते हैं और अभिव्यक्त नहीं हो पाते तो कोई हमको समझ नहीं पाता है, तो धीरे धीरे ये हमारे अंदर कुंठा बनती जाती है कि कोई मुझे समझता नहीं है। ठीक है, एक समय तक हम खुद नहीं अभिव्यक्त होते हैं और एक समय के बाद हमारा मतलब वो शिकायत वाला मामला शुरू हो जाता है वहाँ से कि कोई मुझे समझता नहीं है। तो ये बात हम बहुत अच्छे से समझ लें कि हर इकाई यहाँ अपने वातावरण सहित प्रकाशित है तभी हम उसका अध्ययन कर पाते हैं। जैसे विज्ञान ने यदि अध्ययन किया है पेड़ पौधे का, जीव जानवरों का, क्यों? क्योंकि वो लोग अपने पूरे आचरण के साथ व्यक्त होते हैं, वो लोग कुछ छुपाते नहीं है, है ना, तो इसलिए उसको समझा जा सकता है। हम सब क्यों कोई हमको समझ नहीं पाया? क्योंकि हम अभिव्यक्ति ही नहीं हो रहे हैं।
तो अभिव्यक्ति एक बहुत जरूरी महत्वपूर्ण भाग है हमारे व्यक्तित्व को पूरा करने के लिए। भले अभी आप मत बोलो, पर ये बताना मेरे को जरूरी था कि अभिव्यक्ति को हम, जैसा परंपरा में बोला गया कि भाई सुनना ही बहुत है, लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि सुन के बोलना भी उतना ही जरूरी है, ठीक है ना? तो सिर्फ सुने ना, सुन के आप बोलेंगे तो समझ में आएगा कि आप सुने ठीक से। तो अभिव्यक्ति को बनाए रखना सभी पूरे शिविर में, ठीक है? ठीक है, अभी अपन प्रेशर क्रिएट नहीं करते, आप बाद में बोलना भले। चलो बेटा जी, आप बोलो। नमस्कार, मेरा नाम अनामिका मालानी है, मैं सूरत से आई हूँ। और मेरे पापा ने पहली शिविर की थी 18 में, सोम भैया की, तब कह रहे थे कि शिविर में जा रहे हैं, हमारे घर में कोई ने शिविर नहीं की थी, तो हमको बहुत ऐसा लगा कि शिविर में कैसा होगा। तो पापा ने बोला कि ऐसा ऐसा होता है, नेक्स्ट बार हम भी गए, मैं और मेरे भैया, मम्मी सब, तो हमको बहुत अच्छा लगा। तो हमने भी संभाला कि बहुत सारी शिविर के 7 या 8 जैसी, और इस बार हम दोनों भैया और ये मेरी दोनों भाभी है। अच्छा। और मम्मी पापा 6 महीने की शिविर में है। ओ, अध्ययन में, पहचान गई मैं, वो बोल रहे थे मेरे बच्चे आने वाले हैं। हाँ, बस हम कल ही आए। स्वागत है, खूब स्वागत है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, और कोई? चलिए चलिए, अभी अपन लंच तक परिचय ही करने वाले हैं। एक इधर से ऐसा भी बना सकते हैं। मेरा नाम साहू है, मैं यही अछोटी में रहती हूँ, अग्रवाल भैया है उन्हीं के साइड में हमारा घर है। मेरे बच्चे 2 महीने से यहाँ पढ़ रहे हैं। अच्छा, बच्चों में भी बहुत सुधार आया है। और पूनम दीदी, सुचिता दीदी हमारे घर गई थी, हमने रिक्वेस्ट किया कि आपको आना है, कम से कम 7 दिन का शिविर लगा है, उसको अटेंड कीजिए। फिर सोचा चलो आए हैं तो शिविर अटेंड कर लेते हैं। बस तो आपके बच्चे जिस विद्यालय में, उसका नाम पता है ना? क्या नाम? अभिभावक विद्यालय। अभिभावक किसको बोलते हैं? माता पिता को। हाँ, तो इसलिए आप लोग को तो करना जरूरी हो गया, क्योंकि वो अभिभावक विद्यालय है जो अभिभावकों द्वारा संचालित होता है, है ना? तो अभिभावक समझदार होंगे, बच्चे की शिक्षा के लिए हम किसी पर डिपेंड नहीं होंगे, है ना? तो जैसे हमने बच्चों को जन्म दिया है, तो हम उसको शिक्षा भी दे सकते हैं। तो इसलिए आप लोग का रहना बहुत जरूरी है। तो बहुत अच्छी बात है, खूब स्वागत है सभी अभिभावकों का, है ना? क्योंकि आप लोगों ने इतना बड़ा निर्णय लिया है कि बच्चों को अभिभावक विद्यालय में डाला है, तो आप लोग ये मान के चलो कि 2 वर्ष में आपको तैयार होना है अध्यापक पद के लिए, ठीक है ना? ठीक है ना? बहुत बढ़िया, खूब बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबसे ऊंचा पद है अभिभावक का, है ना? बस हमको योग्यता अर्जित करनी है। सभी को नमस्ते, मेरा नाम चितेश्वरी साहू है, और मेरा बेटा बेटी दोनों है, और अभी यही स्कूल में विद्यालय में पढ़ते हैं, मतलब पहला शिविर है मेरा। तो शिविर में मतलब मैं ये जानकारी के लिए आई हूँ कि बच्चे का पढ़ाई लिखाई भी कैसे है और कैसे आगे बढ़ाई करके देखना चाहती हूँ। और मैं भी कुछ खेती बाड़ी में मतलब सीखना चाहती हूँ, इस शिविर में है, माता पिता जी बोला है तो इस शिविर करो और आगे बढ़ा करके। क्या बात, बस यही सही राम देना। बहुत बढ़िया, खूब बढ़िया, खूब स्वागत है। सभी को नमस्कार, मेरा नाम निष्ठा है और मैं पेंड्रा से आई हूँ, पेंड्रा जो कि अमरकंटक के पास में है ना? और मेरे साथ में मेरे श्रीमान जी हैं और ये मेरे भतीजे हैं। और दीदी जी, इस बार ना मैं जिस गांव में पढ़ाने जाती हूँ ना, उस गांव के सरपंच भैया को मैं लेकर आई हूँ साथ में। अच्छा, भैया जी हैं। क्या बात है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मेरे दोनों नंदे हैं, अभी वॉशरूम गई इन्होंने, यहाँ बैठी हैं, तो 2 नंदे आई हैं दीदी साथ में। तो मैं तो यही बोलूँगी कि शिविर में आके तो अपने प्रवृत्ति परिमार्जन हो रहा है, और मतलब हर दिन हो रहा है, ये चीज़ मैं अपने अंदर देख पा रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ, पहले से बहुत 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 खुश हूँ। और सुरेंद्र पाल भैया का हमने अभी शिविर किया था 1 फरवरी में, उसके बाद में हम अभी अध्ययन बिंदु शिविर के लिए आए थे, और इस साल ये 3रा शिविर है दीदी,
और अध्ययन का मन बन गया है मेरा और मेरे श्रीमान जी का। हम अगले सत्र में अध्ययन करेंगे यहीं छोटी में। और पहला जो हमारा अभी फरवरी में शिविर हुआ था उस टाइम पर मैं अपने साथ ही शब्द लेकर गई थी यहाँ से। उस ही शब्द को मैंने पकड़ कर रखा था दीदी, और उस शब्द से मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आई। फिर मैं कंटिन्यू जब शिविर की रिकॉर्डिंग सुन रही थी तो उस ड्यूरेशन में मुझे वो चीज़ समझ में बहुत अच्छे से आई। फिर अध्ययन बिंदु शिविर में मुझे एक शब्द समझ में आया, निश्चित, स्थिर और निश्चित। मुझे ये दो शब्द बहुत अच्छे से समझ में आए। और मतलब क्या चीज़ें स्थिर है, किसको पकड़ के हम आगे बढ़ सकते हैं, जो हिलेंगी डुलेंगी नहीं, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई। और मतलब अपने अंदर तो परिवर्तन दिख ही रहा है दीदी, और स्कूल से जुड़ी हुई हूँ तो मैं अपने बच्चों को भी जितना बता पाती हूँ स्कूल के सिलेबस के अलावा, उसके अलावा इस बार मैंने हिम्मत की, जो सरपंच भैया हैं और जो उप सरपंच भैया हैं उनके घर में बैठ के हमने बात की, और मैंने उनको बताया शिविर के बारे में कि मैं एक ऐसे शिविर में गई थी, और मैंने उनको क्लियर किया कि मैं यहाँ पे आपके स्कूल की टीचर के हैसियत से आपसे कोई बात नहीं कर रही हूँ, मतलब परिवार के एक सदस्य के रूप में मुझे एक अच्छी चीज़ मिली। तो भैया कन्विंस हुए और यहाँ तक आए हैं दीदी। तो भैया अगर यहाँ से कुछ अच्छा लेके जाएंगे ना तो फिर हम लोग गाँव पे कुछ अच्छा कर पाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। अच्छा लेके जाएंगे, आए हैं तो कुछ लेके जाएंगे। बहुत बढ़िया जी, जी खूब बढ़िया है ना। इसमें ये सूत्र ही है, दर्शन का ही सूत्र है, सर्व शुभ में मेरा शुभ समाहित है ना। तो ये जो हमारे भाव है कि भाई हमारे पूरे गाँव के बच्चों को चेतना विकास मिले, तो इसमें फिर अपना सुख तो निश्चित हो गया। बहुत बढ़िया, खूब अच्छी बात है, बढ़िया। ठीक है, पहले तो दीदी अपेक्षा इतनी सी थी, अब इतनी सारी हो गई है। सब क्या दीदी, बढ़िया, बस इतना। स्वागत है आपका भी और भैया जी का भी। चलिए बोलो बेटा। सभी को मेरा नमस्ते, मैं कुम्हारी से आई हूँ। मैं कल्पित चौहान भैया जी हैं उनके यहाँ से हूँ, वो 6 महीने का शिविर कर रहे हैं। जो लय बेटा जी, झलक बेटा जी को आप जानते होंगे, विद्यालय में पढ़ते हैं, उन बच्चों के बुक्स मैंने पढ़े थे और पढ़ती हूँ हमेशा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अच्छी जानकारी मिलती है तो और अच्छा, अधिक जानकारी के लिए यहाँ आई हूँ। बहुत बढ़िया, धन्यवाद, खूब बढ़िया, खूब स्वागत है बेटा। आप सभी को मेरा नमस्ते, मैं कुमारी से आई हूँ। मेरा नाम प्रभा जेठवा है और कल्पित भैया के पड़ोसी ओर से भाभी लगती हूँ मैं, और उसी की घर वाले से मैं सुनी हूँ बहुत अच्छा शिविर यहाँ पर बनता है। बढ़िया, बहुत अच्छी बातें सुनी है, इसलिए मैं यहाँ पर और शिक्षा प्राप्त करने के लिए आई हूँ। नमस्ते, खूब स्वागत है, बढ़िया। आप लोग बेटा जी, लूज है क्या वो वाला माइक थोड़ा? आप सब लोग मेरा नमस्कार, मैं कोरबा डिस्ट्रिक्ट करघोरा से आई हूँ। मुझे इस शिविर के बारे में थोड़ा सा भाभी ने बताया था, मेरा नाम नमिता जायसवाल है। मैं पेंड्रा इंटरव्यू के लिए गई हुई थी, मैं इंटरव्यू वेरिफिकेशन के लिए गई हुई थी। वेरिफिकेशन से आने के बाद भाभी के पास गई। हेलो, वेरिफिकेशन के लिए गई थी। हेलो, हाँ, वेरिफिकेशन से आने के बाद मैं भाभी के पास गई, तो थोड़े देर ही बैठे थे हम लोग, तो बस मैं भाभी को ऐसे ही बात कर रहे थे तो चर्चा चला इस शिविर के बारे में। नाम नहीं पता था, बस हम एक शिविर अटेंड करने जाने वाले हैं बताया भाभी ने, तो उस शिविर के बारे में मैं उस दिन भी नहीं पूछा, बस ऐसे ही आ गई। फिर मेरा इंटरव्यू का आया तो मैं इंटरव्यू के लिए फिर गई थी भाभी के यहाँ, तो भाभी बोली कि निधि हम लोग 25 तारीख को शिविर में जाने वाले हैं, आप भी चलना। मैंने ठीक है भाभी, मैं बताऊँगी। उस टाइम मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था उसमें, फिर मैं बोली ठीक है भाभी बताऊँगी। उतने में मेरे को 22 तारीख को भैया कॉल किए, निधि जाएगी क्या? तो मैं बोली हाँ भैया जाऊँगी। मैं उसके बारे से कुछ भी नहीं देखी हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है, बस मैं ये सोच कर आई हूँ कि शिविर में जाती हूँ मेरे में क्या बदलाव आता है। थैंक यू, खूब स्वागत है आप लोग का। हेलो,
हाँ बेटा, नमस्ते, मेरा नाम मनीषा ताम्रकार है, मैं भी कुटगुड़ा कोरबा से आया हूँ। जैसे किसने बोला कि इसको कोई नॉलेज नहीं यहाँ पे क्या होता है, मुझे भी सेम है कि मैंने इसने रास्ते में पूछा है कहाँ जा रहे हैं, क्या होगा वहाँ पे, क्या सीखेंगे। कल भी हम लोग यहाँ आए तो पता नहीं लगा कैसे आगे कहाँ पे कुछ मजा आएगा कि नहीं आएगा, कुछ सीख पाएंगे। लेकिन फिर जब दोपहर हुआ, फिर लंच के टाइम पे हम लोगों ने कुछ लोगों से मिला, फिर यहाँ का माहौल थोड़ा अलग लगा, तो थोड़ा अच्छा लगने लगा, अरे कुछ तो सीखने को मिलेगा। और जो पॉजिटिव वाइब आएगी वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी अपने आसपास अभी इतना कुछ देखते हैं, मन थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, कुछ तो अच्छी चीजें सीख के जाएंगे और दूसरों को बताएंगे, घर में बताएंगे, हो सकता है नेक्स्ट माहौल को भी लेके आए, तो ये सारी चीजें हैं, बस इसलिए आए। खूब स्वागत है बेटा आप लोग का, है ना। जो भी नए नए आए हैं उनकी जिम्मेदारी बाकी सब लोगों की है कि उनका मन खुश रहे, है ना। सभी को नमस्ते। नमस्ते, मेरा नाम दमयंती देशपांडे है, मैं नागपुर से आई हूँ। मेरे भैया और भाभी ने दोनों ने यहाँ पे शिविर अटेंड किया, उनके तो एक बच्चा जो है वो यही स्कूल में पढ़ता है, उनके माध्यम से मैं यहाँ पे आई हूँ। भाभी भी यहाँ पे 6 महीने का अध्ययन शिविर के लिए ज्वाइन हुई थी, पर कुछ परिस्थिति ऐसी हुई, उनकी तबीयत ख़राब हो गई, तो अब वो आगे करेगी शिविर 6 महीने का। पिछले बार मैं यहाँ पे शिविर के उसका जब चला था तब मैं यहाँ पे विजिट करने, मतलब वो बोली चलो देखते हैं, तो मैंने भी देखा कि हाँ चलते हैं देखते हैं। तो हम थोड़ा सा, मतलब हमारा एक ही भाई है, तो हम लोग थोड़ा सा अपोज में थे, तो तुम ऐसे स्कूल में क्यों डाल रही हो कि जहाँ फीस नहीं है और बाकी सब चीज़ें जो है, मतलब किस तरीके से होगा, इतनी कॉम्पिटिशन चला है, क्योंकि हम नागपुर में रहते हैं तो हमारे बच्चे ऐसे बड़े बड़े स्कूलों में जा रहे हैं और तुम ऐसे छोटे से स्कूल में गांव में भेज रही हो। तो हम उसको अपोज कर रहे थे कि नहीं तुम मत भेजो, तो वो बोले नहीं दीदी आप करो शिविर, करो शिविर में आपको समझेगा कि कुछ चीज़ें अच्छी है। तो उसके माध्यम से हमारे देखा एटमॉस्फेयर अच्छा लगा मुझे, और कुछ बातें ऐसी थी जैसे वो हमें समझा रही थी पर हम समझ नहीं पा रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि इसको समझने के लिए हमें शिविर अटेंड करना चाहिए। उस उद्देश्य से मैं यहाँ पे आई हूँ। अब 7 दिन में देखेंगे कि क्या होता है। बहुत बढ़िया। अपन मतलब जिनको भी हम अपना बच्चा माने होते हैं उनके लिए हम कितने सेंसिटिव होते हैं कि आखिर में वो किस स्कूल में जा रहा है, क्यों जा रहा है, उसका भविष्य तो नहीं खराब हो जाएगा, है ना। तो ये जो एक बुआ के रूप में, है ना, सब जो एक आप में था, तो ये है ही कि शिक्षा के लिए अभी हमारी जो पहचान है बड़ी स्कूल वहाँ पर, मतलब अभी हम शिक्षा क्या है इसको जानते ही नहीं है एक्चुअल में, तो है ना, मतलब शिक्षा क्या है क्यों है इसकी ना बहुत पहचान ही नहीं हो पाई है अभी। अच्छी शिक्षा का मतलब अच्छी स्कूल, बड़ी स्कूल, है ना, अच्छी शिक्षा मतलब बहुत मोटी फीस मिलेगी तो वहाँ अच्छी शिक्षा मिलेगी। तो अभी ये सब चीज़ें हमको भी धीरे धीरे समझ में आई। तो आप भी अभी 7 दिन साथ में रहोगे तो एक्चुअल में शिक्षा किसे कहा जाता है वो अपने को पकड़ में आएगा, है ना। बहुत स्वागत है आपका जी। भाई जी आप लोग, मैंने तो, मेरा नाम, सभी को पहले नमस्कार, मैं एक रिटायर्ड अधिकारी हूँ, विद्युत मंडल में काम करता था, अभियंता हूँ, और मैंने पहले 2 शिविर अटेंड किए हैं यहाँ पे। और जीवन में मैंने जो भी किया एक मशीनी तौर पे किया, और मेरे को ये लगता था कि मैंने बी कर लिया मतलब, और कमा रहा हूँ अच्छा और परिवार को भरण पोषण दे पा रहा हूँ, तो मैंने बहुत कुछ कर लिया। लेकिन ये मैंने देखा कि एट द एंड जब मैंने काफ़ी अरसा निकल गया तो मुझे ये बात समझ में आई कि मैंने बहुत कुछ जो मुझे करना चाहिए था वो मैं नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया वो चीज़ मुझे बाद में जब मैं ये शिविर अटेंड किया तब मुझे ये धीरे धीरे समझ में आने लगी कि जीवन में आदमी को जो व्यवहार जो होता है आदमी का परिवार के प्रति, बच्चों के प्रति, वो बड़ा संवेदनशील होता है, और उसको सही ढंग से निभाना चाहिए ताकि आपका जो जीवन है
वो सफल हो पाए। तो रिटायरमेंट के बाद मैंने ये शिविर अटेंड किया था और ज़िंदगी में मैंने बहुत सारे वो बहुत सारी गोष्ठियाँ ये वगैरह सब अटेंड किए थे, लेकिन ये शिविर मुझे इतना बांध के रखा 7 दिन तक कि और इतना प्रसन्न रहे हम लोग वहाँ पे। हम 3 दोस्त गए थे वहाँ पे, मित्र हैं जायसवाल जी और चंद्रशेखर जी से हम लोग जुड़े थे IBC से, तो उनके माध्यम से ये पता चला था कि ये शिविर है। और पहली बार जब हमने ये ज्वाइन किया और इतना प्रसन्न चित्त हुए हम लोग कि अब हमको ऐसा लगा कि वाकई हमको कुछ चीज़ मिली है और काफ़ी कुछ हमने इसमें जो कुछ भी सीखा आप लोग भी को जानकारी मिलेगी, काफ़ी अच्छी चीज़ है। और इसमें एक निरंतरता की भी ज़रूरत होती है, तो मैं तो बीच में अभी एक कोविड के कारण सब छूट गया था, तो अपनी निरंतरता को बनाए रखने के लिए जो है और रिफ्रेश होने के लिए फिर से आया हूँ। और पहले भी एक इच्छा थी कि भाई यहाँ एक यहाँ रह के किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो उसी संदर्भ में आया हूँ। खूब स्वागत है। जैसे भैया जी बोल रहे हैं, जो अभिभावक जिनके बच्चे अभी अभी विद्यालय में पढ़ रहे हैं ना, उन्हीं के लिए बात है कि जैसे पूरी लाइफ हम बहुत कुछ किए लेकिन समझ में नहीं आता क्या मिसिंग हुआ, इतनी मेहनत किए तो क्या मिसिंग हुआ कि परिवार में जितनी मेहनत हम परिवार के लोगों के लिए करते हैं उतना हमको भाव रूप में रिटर्न नहीं मिलता है ना। मतलब एक हर बुजुर्ग की ये चाहत होती है कि कम से कम थैंकफुल तो रहे परिवार वाले, है ना, कृतज्ञता तो व्यक्त करें कि आपने हमारे लिए इतना किया। तो वो भी जब नहीं मिलता है तो हर व्यक्ति उस उम्र में ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आखिर में मैंने किया क्या फिर, जबकि पूरे टाइम मेहनत की है उन लोगों ने। ठीक है, तो ऐसा ही एक सोम्बिया के साथ हुआ था कि उनके मामा जी एक बार सोम्बिया को पूछे थे कि घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, है ना। तो सोम्बिया पूछे क्या नहीं ठीक चल रहा है, बोले बस ना कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो वो वापस बार बार पूछ रहे थे कि भाई क्या ठीक नहीं चल रहा है, सब तो है मामा जी, इतना अच्छा घर है, गाड़ियां हैं, सब जॉब में हैं, इतनी अच्छी नौकरियों में हैं बच्चे, सब तो ठीक चल रहा है, बच्चे अच्छी बड़ी स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो बोले नहीं नहीं नहीं, तो समझ नहीं रहा है, कुछ अच्छा नहीं, कुछ ठीक नहीं चल रहा है ना। तो वो बताना चाह रहे थे कि आपस में संबंध में उतनी मधुरता नहीं चल रही है। तो फिर भैया उनको बोले कि देखो मामा जी, हमने कभी संबंधों में मधुरता आए इसके लिए कोई ट्यूशन लगाया था क्या? नहीं लगाया था, है ना। हमने जिस चीज़ का ट्यूशन लगाया, जो पढ़ाया, वो आपने सामने दिख रहा है हमको। तो एक्चुअल में ये जो इस उम्र में आकर, सिर्फ एक दो की बात नहीं है, समाज में हम रहते हैं, कितने बुजुर्गों की ये हालत है, इतनी मेहनत किए पर वो जो सेवा मिलनी चाहिए, है ना, वो जो बच्चे थैंकफुल रहें कि आपने हमारे लिए इतना कुछ किया, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया, और उनको लगे कि हाँ मैंने कुछ किया। मतलब जब हमारा शरीर थकने लगे तो हमारे परिवार हमको बोले कि हाँ आपने बहुत कुछ किया। ये जो कृतज्ञता का भाव जो सूख गया है, सेवा का अकाल पड़ गया है, है ना। तो मेरे को लगता है अभिभावक विद्यालय उसका बहुत अच्छा विकल्प है कि बच्चों को शुरू से ही संबंधों से जोड़ा जाता है, है ना। तो यदि बच्चे शुरू से ही संबंध से जुड़े रहेंगे तो पढ़ाई तो बहुत छोटी चीज़ है, वो तो पढ़ ही लेंगे, है ना। तो एक बहुत सुंदर से अपन अभिभावक विद्यालय संबंधों से जोड़ने का काम करता है बच्चों को 3 साल की उम्र से। तो मेरे को लगता है कि आप लोग जब बड़े होंगे तो शायद वो कमी नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो एक ऐसे ही एक बात थी, बताइए आप बोलेंगे। हाँ चलिए, बैठे बैठे बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बैठ के भी बोल सकते हैं, बैठ के भी बोल सकते हैं। हाँ ठीक। मैं पुरुषोत्तम विधानी, हम चारों जो हैं सिविल इंजीनियर हैं और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल से रिटायर हुए हैं, तो इन्हीं लोगों का साथ मिला तो आज यहाँ आना हुआ। और हमारी श्रीमती जी भी आई हैं और हमारे मित्र भी साथ में हैं। तो अभी तक हम अपने आप को समझने के लिए मेडिटेशन का तरीका अपनाते रहे हैं
और बहुत कुछ उसमें मिला भी है और व्यवहारिक पक्ष जो है उसको समझने की और ज़रूरत महसूस होती है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस शिविर में हम व्यवहार के बारे में ज़्यादा कुछ समझ पाएंगे। बस इतने ही कहना चाहिए। खूब स्वागत है, खूब स्वागत है। नहीं तो इस उम्र में आके हमको यही लगता है कि हमको सब आता है ना, और हम आगे फिर बढ़ नहीं पाते हैं। तो आप सबका, आप सबकी उम्र के जितने भी यहाँ पर हैं उन सभी का खूब खूब स्वागत है। और वो हम सबके लिए प्रेरणा की बात है कि सीखना समझना आखिरी सांस तक हो सकता है ना। संस्कारों का रोपण लास्ट सांस तक है, लेकिन कब, जब हम समझना चाहें। तो खूब स्वागत है आप लोग का, बहुत बढ़िया। चलिए, सभी को नमस्ते। श्री मुकेश जायसवाल जो कि मेरे विभाग में काम करते थे, हम लोग साथी थे वहाँ पर, मैं पुणे जाता था तो इनके साथ मुलाकात होती रहती थी। उसके बाद क्या कि सन 2000 में बंटवारा हुआ मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल छत्तीसगढ़ का, तो 2000 के बाद ये लोग छत्तीसगढ़ आ गए, मुकेश जायसवाल जी। और फिदानी साहब मेरे अधिकारी भी रहे हैं, बड़े भाई की तरह हैं, मतलब उनसे अध्यात्म विषय पर मेरी बहुत चर्चा होती रहती है माता ने। और 20 साल बाद जब मेरी मुकेश जायसवाल जी से मुलाकात हुई तो हम लोग कोई अध्यात्म विषय पर चर्चा कर रहे थे, तो आपने जीवन विद्या के बारे में बताया माता ने। ये जीवन विद्या जो है बहुत ही मुझे, मेरा हार्ट टचिंग विषय है माता ने, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जानने के लिए भी बहुत कुछ है, सीखने के लिए अनंत संभावना है माता ने। जैसा कि आपने भी बताया कि पूर्ण रूप में प्रस्तुत होना माता ने, प्रकट हम सब दबे हुए हैं माता। जैसा आपने कहा, हर कोई आप बोल रहा है कि यार मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे समझते नहीं, ये सब ये चलता रहता है। जो संबंध है माता ने, संबंध तो है, बाप बेटी के भी संबंध है, माँ भाई के, माँ बेटे के भी संबंध है, सब संबंध तो है माता ने, है ना। पर उनके अंदर जो माधुर्य है वो नहीं है माता ने। उस माधुर्य क्यों नहीं है करके, मतलब मेरे खोज का विषय ये है, उसको कैसे अपने अंदर कल्टिवेट पैदा किया जाए। पहले तो मैं अपने अंदर पैदा करूँ, जो मेरे पास है मैं वही दे सकता हूँ माता ने। यदि मैं प्रेम से भरा हूँ तो मैं प्रेम दे सकता हूँ, या अन्य चीज़ों से भरा हूँ तो वो मेरी चीज़ से निकलेंगी मत चीज़ें माता। तो उन चीज़ों को जो मेरे अंदर चीज़ हैं मतलब, यानी जो मूल्य हैं, मूल्य जो है मतलब जीवन, जिनको मैं समझता हूँ, उससे आगे भी कुछ और हैं क्या चीज़ जो मेरे अंदर कमी है, वो मैं देख रहा हूँ मतलब बैठ करके। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो आध्यात्मिक संस्थाएँ हैं मतलब, है ना, तो 50 क्या 100 हज़ारों संस्थाएँ हैं मतलब हैं मतलब। अब हर आदमी उस सीमाओं में बंधा हुआ है मतलब। जो मैंने यहाँ देखा, जैसा आपने बताया कि 10-15 परिवार रहते हैं, कोई सिख है, कोई जैन है, कोई शाह है, कोई कुछ है मतलब, पर वो उस चीज़ों से बाहर निकल करके कैसे एकता के सूत्र में बंध रहे हैं, वो एक बड़ी बात है मतलब। और यही चीज़ है मतलब जो सीखने जैसी है, जो हमारे संबंध को, संबंधों को शायद आगे ले जाएगी। क्योंकि चर्चाएँ तो बहुत है मतलब, अध्यात्म से चर्चाएँ बहुत है मतलब, कोई कमी नहीं है चर्चाओं की मतलब, पर जीवन में तो वो चीज़ नहीं है ना मतलब। मैं घर आपका देख के आता हूँ तो मुझे लगता है कि बहन जी घर में ये सुविधाएं मेरे यहाँ भी होना चाहिए। तो जब मैं चाहता हूँ कि जो जिन मूल्यों की मैं तलाश कर रहा हूँ, मैं उनको जीवटता से देखना चाहता हूँ। ध्यान से, क्योंकि हर कोई ना अपने आप को व्यक्त कर रहा होता है, और वो कुछ अच्छी बात बोल जाएंगे जो हमारे से मिसिंग हो जाएगी। तो ग्रहणशीलता जिसको बोलते हैं ना, कि हमारी पात्रता कब विकसित होगी, जब हम ग्रहणशील होंगे। तो पात्रता का मतलब होता है कि ग्रहण करने की क्षमता। तो मेरे को लगता है वातावरण से जो अध्ययन होता है, तो कोई बहुत अनुभवी व्यक्ति की कोई लाइन ही हमारे लिए बहुत बड़ा वो हो सकती है ना। मैं ऐसी चीज़ खोज रहा था कि भाई जैसे मैं इस परिसर में आया और संकेत भाई या चंद्रशेखर भाई इनसे मिला मतलब, ने तो मैंने देखा कि इनके अंदर जो है मतलब बहुत ही एक अच्छा स्नेह का भाव है मतलब, है ना। वैसे तो क्या है कि फॉर्मेलिटी में जैसे अपन जाते हैं कि संस्थानों में जाते हैं, आइए जी या कैसे हैं, या दुनिया भर की बातें होती हैं, पर जो चीज़ हृदय से निकलती है, एक बच्चा भी समझता है कि आपने उसको प्रेम से उठाया कि ऐसे आपके ऊपर दे दिया गया है मतलब। तो जो स्नेह का जो मैंने अनुभूति की तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर मैं तो बिना का रहने वाला, बिना से आया था मध्य प्रदेश से, तो इसके बारे में चर्चा सुनी जायसवाल साहब से। फिर मैं कुछ घर गया अपने यहाँ, तो मेरी कुछ जो परिचित लोग थे, मैंने कहा ऐसा मैंने सुना है, तो बोले हम बता देते हैं। तो फिर मैंने फ़ोन ऑन ढूंढ करके जो लोकल लोग हैं आपके उनसे संपर्क स्थापित कर, मुझे पता चला 25 तारीख को शिविर है यहाँ पर मैंने जी। तो मैंने साहब को बताया, विधानी साहब को बताया, जायसवाल जी को बताया,
तो बोले यार चलो अपन करते हैं एक फ्लाइंग विजिट में, जो हम लोग 2-3 दिन पहले आए थे, मैं तो जाने वाला था 21 तारीख को, पर यहाँ का वातावरण देख करके मुझे लगा कि नहीं अभी यहाँ सृष्टि के अंदर बहुत कुछ है जो बहुत बहमूल्य है, जो पाया जा सकता है मतलब बहुत और क्योंकि रीयूनियन हो रही है आप लोग की, है ना, रीयूनियन हो रही है जो स्कूल कॉलेजों में होती है ना, तो एक उम्र के बाद। और दूसरी चीज क्या है कि जब मैं बच्चों को देख रहा हूँ, युवतियों को देख रहा हूँ, बहनों को देख रहा हूँ, बेटियों को देख रहा हूँ, तो मेरा मन बहुत प्रफुल्लित है मतलब ये एक सही दिशा में जा रहे हैं मतलब, क्योंकि जो आपस में संबंध तो हमारे क्या है कि जो संसारिक रहते हैं मतलब क्या नौकरी के दौरान रहते हैं, अड़ोस पड़ोस के रहते हैं, वो ठीक है मतलब जितने हैं उतने ही रहते हैं मतलब, उन संबंधों में कैसे गर्माहट बनी रहे मतलब। मैं तो अपने जो मेरे लोग हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे परिवार हैं, मेरी मैं इन्हीं को अपना समझ रहा हूँ, मेरी सीमा यहाँ तक, इसके आगे कुछ नहीं है मतलब। पर वहाँ भी जो संबंधों में जो होना चाहिए स्नेह मतलब, या एक सौहार्दपूर्ण जो कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, उसकी जो कमी है कहीं मतलब यानी जिसको एकदम सही जगह पे आए हैं आप, है ना, एकदम सही जगह पे आए हैं, क्योंकि यही भाव की कमी की जो बात है चारों तरफ, और ये पूरा मूल्य मतलब मूल्य आधारित ही ये पूरा शिविर भाव प्रधान है ना, तो बहुत सुंदर, खूब खूब बढ़िया। तो मैं तो बोलने के लिए तो कुछ मेरे पास सीमा नहीं, पर बीच बीच में अपन बात करते रहेंगे, पीछे और भी भाई लोग हैं जो अपनी अपने आप व्यक्त करना चाहते हैं, उनको भी अवसर होना चाहिए फिर, क्योंकि जैसे जैसे चर्चा बढ़ेगी तो हम उसको आगे आने, जो मेरे अंदर जिज्ञासा है मतलब जो प्रश्न है उनको अब समाधान ढूंढने की कोशिश करें। एकदम, अपन यहाँ पर पूरे टाइम है ना जी, इस हॉल में रहेंगे तब भी और कैंपस में भी अपन खूब बात कर ही सकते हैं, गोष्ठियाँ रहेंगी, इतने परिवार हैं, तो एकदम बढ़िया से आप अपनी सारी चीज़ों को व्यक्त कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या, जो टेक्नोलॉजी का जो माध्यम है बहुत ही अद्भुत माध्यम है मतलब, यहाँ आने से पहले कल मैंने आपको खोजा यूट्यूब पे, अच्छा मैं नाम नहीं जानता था तो आपके जो दर्शन दर्शन के ऊपर है, कर्म दर्शन में देख रहा था तो उसमें आपका लेक्चर देखा, आपकी किताब से पहले तो कुछ वाचन चल रहा है, फिर आप समझा रही हैं मतलब बैठ कर, तो वो जो चीज़ें हैं मतलब जो ठीक है, उसका भी बड़ा महत्व है टेक्नोलॉजी के द्वारा भी हम पहुँच सकते हैं मतलब, है ना, तो ये एक अच्छा काम है जो आपने टेक्नोलॉजी को अपनाए हुए हैं। मैंने ये सोम भाई के भी काफ़ी लेक्चर सुने उनको बैठ करके मतलब, और मुझे एक नया विचार मिला मतलब, नया सोच पैदा हुआ मेरे लिए, चूँकि ठीक है जैसा आपने कहा कि भाई एक बड़ी उम्र में भी क्या, तो बड़ी उम्र भी कोई उम्र का सवाल नहीं है मतलब, ये लर्निंग मेरी जो लर्निंग प्रोसेस है मतलब, ये लर्निंग प्रोसेस मेरी शाश्वत है मतलब, मेरी चलती रहेगी मतलब बैठ कर, तो मेरे अंदर क्या और मैं क्या अपने अंदर पैदा अच्छी चीज़ें कर सकता हूँ, अपने साथ ले जा सकता हूँ, जैसे लोगों ने बोला भाई आदमी खाली हाथ जाता है, बोली बात संस्कार लेके जाते हैं, तो संस्कार तो उसकी तो कोई सीमा नहीं है ना बताने, बढ़िया खूब बढ़िया, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपने नहीं बहुत बढ़िया मेरा नाम कुशल प्रसाद कश्यप है, मैं रायपुर से आया हूँ जी, और हमारे कमल हैं सीए, वो हमारे लड़के के साथ में ही रहते हैं रायपुर में, राठौर जो है वो माइक को ऐसे रख लीजिए भैया, सुनाई नहीं दे रहा है, आप चलिए वहाँ और कुछ सुनिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको माने ना माने आपकी मर्जी की बात है, कोई जरूरी नहीं है कि आप मैं कह रहा हूँ उसको मानिए, सुनो सबका करो मन का ऐसा बोलते हैं। मैंने भी, मेरा उम्र 75 साल चल रहा है, मैं भी सर्विस करता था इलेक्ट्रिकल विभाग में कोल माइन सुरकचार में, और रिटायर हुए मुझे 20 साल करीब हो रहा है, तो मैं इसको सुना तो मैं चलो भाई मैं भी कुछ सीखूं देखूं, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ठीक बात है, सीख तो माता पिता के गोद में जब गर्भ में आते हैं उसी समय से सीख शुरू हो जाती है, सबसे पहले सीख माँ है, माँ से बढ़कर कोई गुरु नहीं है, जो खाती है जो सोचती है जैसा करती है बच्चा उसको कैच करता है, हम लोग अब धीरे धीरे बचपन में अब बच्चे क्या जानेंगे उसको, उनको बताना पड़ता है कि ऐसा होता है ये होता है, तो जीवन में कितने जो हम आए हैं सीखें तो उसका सीख का कोई अंत नहीं है, शिक्षा का कोई अंत नहीं है, और हमें तो जीवन जब तक है तब तक सीखना ही है, और लोगों को उसको
अपनाना भी जरूरी है, खाली सुनना नहीं है, सही लगता है तो उसको अपनाना भी है। और अपना करके हमें ऐसे ही लोगों के पास जा करके, जैसे अभी हम कहाँ हैं तो हम यहाँ कुम्हारी के पास एक जगह में है ऐसा बोलेंगे, परंतु वो हमारी सूक्ष्म सोच है, इकाई सोच है, और है कहाँ। अगर हम देखें तो ये जगह कहाँ है तो रायपुर जिला में है, राजधानी में है। और रायपुर कहाँ है तो भारत में है, और भारत कहाँ है तो एशिया महाद्वीप में है। एशिया महाद्वीप कहाँ है तो अंतरिक्ष में है, पृथ्वी में है। पृथ्वी कहाँ है तो अंतरिक्ष में है, हम कहाँ हैं अंतरिक्ष में है। परंतु हमारी सोच बहुत संकुचित है, इसलिए हम बोलेंगे यहाँ है। तो हमारी सोच को हम कहाँ आगे ले जा सकते हैं, बच्चों को क्या कर सकते हैं, उनके लिए हम क्या दे सकते हैं। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। हम कहने से नहीं, करके दिखाने से होगा, क्योंकि हमारा भारत किसी चीज के लिए कमी नहीं है, परंतु एक सोच की कमी है। और हम आज विभिन्न फिरके में या विभिन्न सोच के लोग जब एक संगठित होते हैं तो कितनी महान शक्ति बन जाती है। और शुरुआत में तो कठिन होता ही है, और आगे चल करके उसका विकास होता है, विकसित होता है, तो विश्व में उसका प्रकाश फैलने लगता है। तो हम लोग इसी चीज़ को सीखने के लिए, सिखाने के लिए, हमारे अंदर क्या है हम खुद नहीं जानते। सूर्य का प्रकाश हमें देता है तो हम सूर्य को भी दीपक दिखाते हैं, सूर्य को भी दीपक पूजा करते हैं, उसको जल देते हैं। तो उसी प्रकार से हर इंसान के पास, हर इंसान के पास अलग अलग गुण है, अलग अलग चीज़ है। उसको जब तक व्यक्त नहीं करेंगे, हम अपने अंदर ही बंद करके रखेंगे तो वो फैलेगा नहीं, प्रचार प्रसार नहीं होगा, हमारा अंधकार दूर नहीं होगा। सुख की खोज तो हर कोई को है, परंतु उसी लिए अपन सब इकट्ठे हुए हैं। आज हम पति पत्नी झगड़ रहे हैं, बाप बेटे झगड़ रहे हैं, किस चीज़ के लिए झगड़ रहे हैं, क्या लेके आए हैं और क्या लेके हम जाएंगे। तो हमें अपने जो विचार है उनको सुनना है, और एक दूसरे से प्रेम से बांटना है, और बाणी को किसी प्रकार से क्या है ना, ये जो जितनी भी बात हम बोल रहे हैं क्या ना, ये सारी कामना रही ही है हम सब की। हम सब ऐसे ही चाहते हैं ना कि क्या लेके आए हैं, क्या लेके जाना है, प्रेम से रहना है। ये बातों को बोलते हजारों साल हो गया है ना, अब हम वो कैसे कर पाए इसके लिए अपने को कार्य रूप में समझना है। ठीक बात है ना, हम आपको अब हम लोग का चौथापन आ गया है। अब जिसका जन्म है उसकी मृत्यु होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है, परंतु हम खाली मरने के लिए नहीं आए हैं। हमें समय मिला है, समय को गंवा रहे हैं। ठीक बात, नहीं जान रहे हैं कि एक सेकंड का क्या कीमत है। तो इसको अपना समझेंगे पूरा, बाद में सारे और भी अपन बात करेंगे, है ना। समय का थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, क्योंकि एक बजे के अंदर अगर सब बोल लेते हैं तो लंच अपना एक बजे बेल। ठीक है, मैं तो अपन अभी 8 दिन साथ में है, अपन खूब बातें करेंगे बीच बीच। ठीक है, वो क्या बात करने से ही हम अंदर में हमारे क्या गुण वो है एकदम। जात में पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, ओल करो तलवार की, पड़े रहने दो म्यान। तलवार निकालने से बुराई बढ़ेगी और ज्ञान निकालने से प्रकाश बढ़ेगी। ठीक, सब में सुखी होंगे लोग, सोचेंगे करेंगे, सब मिलके अपन बातचीत करेंगे तो अपने बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, है ना। इतना कहकर मैं अपना हमारी कामना योजना में बदल जाए, है ना। हाँ, जो हम सोच रहे हैं वो काम में परिणत हो जाए, धरती पे उतर जाए, परिवार में उतर जाए, समाज में उतर जाए। हाँ, तो उसके लिए हम सब मिलके बात करेंगे। बहुत बढ़िया, मैं यही कहकर अपना बहुत बढ़िया, है ना, बीमार बहुत। इससे ही पता चलता है कि मानव जाति ने कितना मेहनत किया है, है ना। ये सब जब हम सुनते हैं तो हमको पता चलता है कि कितनी मेहनत की गई है उस कामना के लिए कि भाई सब सुखी हो जाए, सब अच्छे से रहे, है ना। तो अब अपन उसके लिए एक दर्शन हमको मिला है, जो जैसे हम गणित को पढ़ सकते हैं, साइंस को पढ़ सकते हैं, वैसे ही हम जिंदगी को पढ़ सकते हैं, है ना, और उसका प्रैक्टिकली उसको जी सकते हैं। तो अब उसको एक करके देखते हैं, है ना, एक प्रस्ताव ही रहेगा पूरा। बढ़िया, पीछे आप। हाँ जी भैया जी, मैं जांगी जिला ले आया हूँ जी, सती तहसील गांव सरेपाली है, गांव सरेपाली पंचायत पासी
चंद्रशेखर यहाँ मोर लड़का है उसका बड़े पिताजी हूँ, 9-10 परिवार लेके आया हूँ मैं। स्वागत है, खूब खूब बढ़िया। चलिए सभी, हाँ सभी को नमस्कार। मेरा नाम अंशुल गुप्ता है, ये पहला शिविर है इसलिए मैं अभी अकेले ही आया हूँ। चंद्रशेखर भैया से बात हुई थी तो उन्होंने बोला था आप पूरे परिवार के साथ आओ, आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन पहला शिविर था तो मैं इसलिए अभी अकेले ही आया हूँ। ठीक है ठीक है। और आपके माध्यम से जो भी सीखने को मिलेगा उसमें बदलाव और समझदारी की अपेक्षा है। बढ़िया, धन्यवाद, खूब बढ़िया। चलो आप सभी को प्रणाम। मेरा ये तीसरा चौथा शिविर होगा। मेरे गांव के एक प्राचार्य महोदय थे, आज हमारे बीच नहीं रहे, उसी के प्रेरणा से मैं ग्राम बेरा बेमेतरा से हूँ, तो उन्हीं के माध्यम से इस संस्था का दर्शन हुआ। और जब मैं यहाँ आया तो पहला शिविर मेरे पूजनीय अंजनी भैया से हुआ, और दूसरा मीना भाभी से, और तीसरा सोम भैया से एक दो दिन से। तो उसी की प्रेरणा से 30-35 लोगों को शिविर करा चुका हूँ, और मेरा बेटा बहू भी आ गए हैं, और मिसेज भी पहले दूसरा शिविर में आए थे। तो इस प्रेरणा के स्रोत में कुछ मैं कविता के रूप में लिखा हूँ। अच्छा। और बाबा जी का आशीर्वाद है तो उसी को सुनाना चाहता हूँ। स्वागत है। अब अपने परिवार सहित या परिवार छोड़कर यहाँ आ ही गए हैं तो समझने को आए हैं, समझने को आए हैं तो समझ कर ही जाएंगे, समझने को आए हैं तो समझ कर ही जाएंगे, स्वयं में गलतियां सुधार कर देव मानव बन जाएंगे, स्वयं में गलतियां सुधार कर देव मानव बन जाएंगे। करें प्रतिज्ञा हम सब, करें प्रतिज्ञा हम सब, समझ कर समाधानित हो जाएंगे, मानना नहीं है जांच कर स्वयं में कर दिखाएंगे, मानना नहीं है जांच कर स्वयं में कर दिखाएंगे। चिंतन करें सर्वभौम की, चिंतन करें सर्वभौम की, धरती में स्वर्ग ही है, धरती तो स्वर्ग ही है, नरक नहीं बसाएंगे, नरक नहीं बसाएंगे। छोटा बड़ा संयुक्त परिवार नहीं, समझदार परिवार बनाएंगे, समझदार परिवार बनाएंगे। न्याय सत्य में जीकर मानवता गुण को लाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग फैमिली वार्मिंग को हम बचाएंगे, हम बचाएंगे। खुश होकर जीना है, खुश होकर जीना है, संबंधों को पहचान करके, खुश होकर जीना है, संबंधों को पहचान करके, जीवन ज्ञान पाना है मध्यस्थ दर्शन अध्ययन करके। कृतज्ञता का भाव लेकर जागृति की ही ओर ही जाएंगे, दसों सोपानी व्यवस्था से अपना ही देश चलाएंगे। पांचों आयामों सर्वस्तित्व समाधान समृद्धि अभय को पाएंगे, स्वयं में परिवार समाज प्रकृति में सुख शांति संतोष आनंद को मनाएंगे, सभी मूल्यों को समझकर मानवीय आचरणों को लाएंगे, सभी मूल्यों को समझकर मानवीय आचरणों में लाएंगे, स्वधन स्वनारी द्वारा पूर्ण चरित्र को ही अपनाएंगे, स्वधन स्वनारी द्वारा पूर्ण चरित्र को ही अपनाएंगे। आइए हम सब ज्ञान की दीप जलाएं, आइए हम सब ज्ञान की दीप जलाएं, जीवन विद्या शिविर हर गांव हर परिवार में चलाएं। जय मानव। बहुत बढ़िया, सुंदर, खूब सुंदर जी। मैं श्रीमती सुमित्रा चंद्राकर महासमुंद जिला से यहाँ पर आई हूँ। मेरे प्रेरणा के स्रोत तो श्री यादव जी हैं, जो पहले यहाँ से कई बार प्रशिक्षण लेकर चले गए थे, कभी उनसे हम बैठते थे तो बस यही कि मेरों की बातें क्या करते थे, और ऐसे ऐसे करते करते मैं शिक्षकीय पद से निवृत्ति भी हो गई, परंतु उन मैं यहाँ तक नहीं आ पा रही थी। अचानक वो फिर से बोलने लगे कि दीदी जी आपको जीवन इसमें जाना है। मैं बोली बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि मनुष्य का जीवन तो जन्म से लेकर मरण तक सीखने तक का ही होता है, और हम सीखते सीखते कभी ऐसे चीज़ को सीख जाते हैं जिसको हमको सीखना नहीं चाहिए, जिसके कारण हमारे परिवार के बीच में, आसपास के बीच में, सभी के बीच में मन मुटाव या प्रेम का जो भी भावना उत्पन्न होता है वो वही हो जाता है। परंतु हमको सही तरीके से आत्मज्ञान न होने की, इतने दिनों सर्विस करने के बाद भी, क्योंकि मैं छोटे बच्चों से जुड़ी थी मैडम, मैं 27 साल से सिर्फ पहली क्लास पढ़ाती आई,
और सर लोग को बोलती थी सर आप लोग पढ़ाइए, बोले हम लोग नहीं पढ़ा सकते इन बच्चों को, हार्ट अटैक देते थे। मैं 27 साल से फिर प्रमोट हुई तभी कहीं आके मिडिल स्कूल में यादव जी के संपर्क में आए और हम बढ़ते थे और वो बात किया करते थे हमको शिविर में जाना है मैडम। तो मैंने भी सोचा कि कहीं भाई हम तो सब प्रकार के शिक्षा को देते हैं और ग्रहण भी करते हैं, परंतु हमको जो सीखना चाहिए अपना आत्मज्ञान जिससे हम अपने जीवन की उन्नति कर सके, तो ये हो सकता है हम इससे अलग हो रहे हैं। तो मैं यही जीवन में हमको क्या आत्म उत्सर्ग करना है और क्या करना है और कैसे अपने स्कूल के बीच में एक परिवार जैसे जी सकी, परंतु आज मेरे को ऐसा लगता है कि हमको अपने परिवार के बीच में क्या मुझको जीना नहीं आ रहा है या तो फिर परिवार वाले लोग मुझको जीना नहीं दे रहे हैं। ऐसी समस्या जब खड़ी हो गई मैं बोली सर अब मेरे को जाना है, कम से कम 7 दिन तक तो वहाँ शांति वातावरण में रहेंगे और यहाँ से शिक्षा आपसे प्रेरित होकर जाएंगे अपने जीवन में उतारेंगे। यही सीखने के लिए आपके संस्था में मैं आया हूँ और मुझे आशा है कि आपसे मैं प्रेरित होकर अपना जो है और बचा हुआ शेष जीवन है उसको अपने जीवन में उतारने का अनुभव प्राप्त करूंगी। धन्यवाद। खूब स्वागत है, खूब स्वागत है। जैसा दीदी ने कहा कि मैं पहली कक्षा को 27 साल है ना और मेरा प्रमोशन अब हुआ है मिडिल स्कूल में, और मैं आपको ये बोलना चाह रही हूँ कि जब हम विद्यालय खोले थे तो बाबा जी ने हमसे कहा था कि जो सबसे अधिक योग्य टीचर होंगे वो छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे, तो मेरे को लगता है कि आपका प्रमोशन ही था 27 साल तक। सबसे छोटे बच्चों को पढ़ाना सबसे योग्य टीचर का काम होता है, वो हर कोई नहीं पढ़ा सकता छोटे बच्चों को, है ना। तो बहुत बहुत स्वागत है, खूब बढ़िया। आप लोग कोई बताइए, पहली बार आए हैं? अच्छा आप गुजरात से, तो शिविर आप लोग किए होंगे पहले? पहली बार है तो आप लोग तो किए हुए हो बोल रहे हो, आपका फर्स्ट टाइम है। अच्छा तो क्या अपेक्षा लेके आए हो? वो बोले जाओ तो आगे, तो जबरदस्ती आए हो। एक बार आओ। अच्छा तो फिर भी कुछ तो अपेक्षा रही होगी, चाहे वो आते आते सोचे होंगे कि वहाँ क्या मिलेगा क्या चाहिए। कोई अपेक्षा लेके नहीं आया। कोई अपेक्षा लेके नहीं आया, फिर लेके क्या जाओगे? लेके जाएंगे। बिना अपेक्षा के फिर लेके क्या जाओगे? कुछ तो सोचे होंगे, सोचो अभी सोचो, नहीं तो चलो अपन समय देते हैं आपको, क्योंकि सोचने का ही तो काम करना है हमको यहाँ पर। कुछ भी सोचो, आपको क्या फील हो रहा है यहाँ पर आके, कैसा लग रहा है? अच्छा ही लग रहा है। तो कुछ तो भास हुआ होगा कि हाँ यहाँ पर ये मिलेगा कि ये मिलेगा? ज्ञान ही मिलेगा। आप हो गई पढ़ाई हो गई है आपकी? हाँ। शादी हो गई है? नहीं बाकी है अभी, शादी नहीं हुई है अभी है। अच्छा बढ़िया, चलिए है ना, अपेक्षाओं का भी पता चलेगा धीरे धीरे। बढ़िया, आप बोलिए भैया। मेरा नाम जयदीप जी, और पापा ने बोला था कि अनीता दीदी का परिचय शिविर करिए अच्छा रहेगा। अच्छा, मैंने सोम भाई का किया हुआ है 5-6 बार। ओके हाँ। बढ़िया, तो पापा जी हैं आपके वो जो शिविर कर रहे हैं 6 महीने का? पापा मम्मी। अच्छा हाँ। बढ़िया, स्वागत है। पर आप लोग की अपनी कोई अपेक्षा नहीं है? अगर 5 सोम भैया का शिविर किए होगे तो उससे कुछ आपको लगा होगा कि हाँ करना चाहिए? पापा से पूछे नहीं क्यों करूं मैं शिविर? पूछे कि नहीं? नहीं पूछा। नहीं पूछे? कितने आज्ञाकारी बच्चे हो आप सब, वाह। ये तो बहुत अच्छी बात है। मम्मी पापा को बधाई देनी पड़ेगी भाई। बढ़िया, खूब स्वागत है ना जी। बैठिए जी। ये जो जीवन विद्या जो है, इसको अगर आपको आत्मसात करना है यानी जानना है, मान लीजिए अगर आपको कुछ भी थोड़ा भी इंटरेस्ट आ गया है, तो इसको इसकी निरंतरता बनाइए, मतलब इसको चर्चा में लाइए। वहाँ पे आपके जो भी और जिनने किया होगा उनसे आप जो आपसे पहले से कर रहे हैं या आपके पापा जी को आप कर समझते हैं, तो उनके आप निरंतरता में रहेंगे ना, तो आपको धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप होगा और आपकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, आपकी सारी जिज्ञासा क्लियर हो जाएंगी। बहुत बड़ा ग्रुप है गुजरात में तो, है ना?
गुजरात में तो अच्छा बड़ा ग्रुप है आपका, गुजरात में तो काफी शिविर करते हैं लोग वाग, लेकिन गुजराती व्यापारी होते, मैं भी गुजराती हूँ और व्यापारी परिवार से ही था मैं, लेकिन संयोग से मैं कुछ पढ़ लिख गया तो इंजीनियर बन गया। लेकिन ये बहुत ही अच्छी आपने को तक है, मौका है ये समझने का, और अभी इस उम्र में अगर आप इसको समझ जाओगे तो आपको आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि व्यापारियों के साथ में बहुत दिक्कत होती है। चलिए ठीक है ना, बढ़िया। मतलब ये सारी ना एक उम्र में आके जो कुछ मिसिंग वाला भाग है, पीड़ा बनती है ना, तो बड़ों को लगता है कि बच्चों को वो पीड़ा ना हो और वो लोग समय पे समझ जाए, इसीलिए सारी बात है। चलिए भैया जी बोले। आप सभी को सादर नमस्कार। वैसे मेरा परिचय निष्ठा देवी के माध्यम से हो चुका है, फिर भी एक बार मैं पुनः, मैं ईश्वर सिंह मरादी ग्राम पंचायत कोदरी, ये गवेला पेंडरा मरवाही में पड़ता है, और मेरा आना निष्ठा देवी के माध्यम से हुआ है। एक बार मैं 15 अगस्त में अपना विचार व्यक्त कर रहा था, तो उस टाइम ऐसा कुछ मैं अपना विचार व्यक्त किया जो दीदी को छो गया, तो और मैं मंच से नीचे उतरा नहीं, वैसे भैया जी करके मेरे को बुलाए और बोले भैया जी मैं आपको उस जगह ले जाना चाहते हूँ जो आप जो विचार करते हैं, लोगों के प्रति आपका जो सोच है वो वहाँ से आकर के आप अच्छे ढंग से कर सकते हैं, और इसमें मैं और हम दोनों मिलकर के मतलब अच्छे से कुछ कार्य कर सकते हैं लोगों के प्रति। बहुत बढ़िया, और इसलिए यहाँ मेरा आना अच्छा लग रहा है। खूब स्वागत है ना, इतने अच्छे पद में हैं आप, सरपंच हैं है ना। सरपंच का मतलब है कि कितने लोगों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है ना। जब एक अभिभावक होता है तो सिर्फ अपने बच्चे की जिम्मेदारी होती है, अध्यापक होता है तो पूरे विद्यालय की जिम्मेदारी होती है, सरपंच है तो सोचो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है ना। तो बहुत शुभकामना रहेगी और अपन ऐसा कुछ लेके जाएं कि पूरे गांव के लिए कुछ अच्छा काम हो पाए। खूब बढ़िया। चलिए भैया आप बैठ के भी आप लोग बोल सकते हो, कोई दिक्कत। सभी को नमस्ते, मैं राहुल अग्रवाल बिलासपुर जिला से हूँ और मेरा फर्स्ट टाइम है ये शिविर का। बढ़िया। और मेरा यही है एक्सपेक्टेशन कि थोड़ा मतलब वाइब्रेशन अच्छी मिले और मेरे मतलब विचार सबके साथ मेल खाए। फिर से बोलो इसको। मतलब मेरे विचार मतलब एक्सपेक्टेशन मतलब सबके खाए, मेल जोल हो, मतलब मैं जो सोचता हूँ सामने वाला नहीं सोचता, तो वही डिफ्रेंशिएट होता है, तो मतलब वही है अलग अलग मत रहे, एक टाइप के सब विचार रहे, अच्छे पॉजिटिव वाइब्रेशन रहे। बढ़िया। कब होएंगे वो एक जैसे विचार? यही शिविर के माध्यम से ही। हाँ नहीं, पर आपको क्या लगता है कब होएंगे एक जैसे मतलब विचार? मैं चेंज करूंगा अपने ऊपर में। हाँ नहीं नहीं, आप चेंज करो ऐसा नहीं बोल रही। अच्छा। मैं आपको क्या लगता है कब होंगे हम सबके विचार एक? सब अपने एक सोच होगी सबकी। हाँ एक सोच कब होती है? एक सोच अपन अलग, अपन सोचे अलग, मतलब पॉजिटिव सोचे। हाँ नहीं, मैं ऐसे ही शुरू कर रही हूँ ताकि हमारे अंदर कुछ चलना शुरू हो जाए, है ना। कब होगी हम सबकी एक सोच? जब अपन अच्छा सोचेंगे मतलब ऐसा। हाँ ठीक है, इसको अपन जांचते हैं, है ना, कि कब हम सब एक सोच किसको बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ। तो कौन सी सोच है जो अलग अलग है, कौन सी एक होगी, इस पे अपन सब शिविर में बात करेंगे ही। ऐसे ही एक थॉट दी आपको, है ना। बढ़िया, चलिए चलिए। मेरा नाम आदित्य तिवारी है, मैं बिलासपुर से आया हूँ। इससे पहले हम अध्ययन बिंदु शिविर के लिए आए थे अभी, और ये मेरा पहला परिचय शिविर है, वो परिचय मैं किया नहीं था। अच्छा। शिविर पहले, परिचय शिविर बाद में। उससे पहले ऑनलाइन सोम भैया को बहुत सुने हैं, उसके बाद मैं अध्ययन बिंदु में आया, अभी परिचय पहला शिविर है। तो शिविर और अध्ययन से मेरी अपेक्षाएं तो बहुत ज्यादा ही है, क्योंकि मैं देखता हूँ अपने आप में, तो मैं पाता हूँ कि बहुत विरोध है मेरे अंदर, बहुत ज्यादा। 7 दिन जैसे हम लोग अध्ययन बिंदु में थे, यहाँ रहे, तो मैं उससे पहले मेरे इतने अच्छे 7 दिन कब गुजरे थे मेरे को याद भी नहीं था, और फिर यहाँ से जाने के बाद वही सारी चीज़ें फिर से उलझ जाती हैं। तो मैं इसकी निरंतरता चाहता हूँ, पहली चीज़। और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे को परेशान करती है, अपना अधिमूल्यन, अवमूल्यन, निर्मूल्यन होते रहता है, तो मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ें सुलझ जाए और एक मैं बेहतर लाइफ को जी सकूँ, इसलिए मैं यहाँ। बढ़िया, खूब बढ़िया, खूब स्वागत है। नमस्कार, मैं अवत्यानी हूँ, रायपुर से हूँ, और ये हमारा ये पहला एक शिविर रहेगा। मिस्टर जायसवाल ने हमारे दोस्त बत्यानी ये विधानी जी एमपीबी से, मैं भी एमपीबी से ही रिटायर्ड इंजीनियर हूँ, और हमने इधर उधर आध्यात्मिक के
बहुत सारे शिविर किए हुए हैं, पर यह विद्या एकदम से अलग है। और हम पिछले सोमवार को यहाँ आए थे तो यहाँ पर जो पता चला, बोले यहाँ जीवन शिविर होता है उसमें कुछ अलग ही विद्या होती है। तो मैं इस संबंध में, मैंने जो सोचा और देखा या अपने अनुभव से देखा है, घर में, अड़ोस पड़ोस में, परिवार में हमारी रिस्पेक्ट तो बहुत है, लोग अपने मन की बात नहीं कर पाते घर में, अड़ोस पड़ोस में या समाज में, एक दूसरे को वो समझ नहीं है, जिसकी वजह से जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए या ये बच्चों को ऐसे संस्कार होने चाहिए, वो हो नहीं पाते। सभी आपस में एक दूसरे को बात करते हैं तो धीरे धीरे ये प्रक्रिया हो जाती है कि वो जोर से बात करना शुरू कर देते हैं। ऐसा सुनाई देता है सभी घरों में अक्सर कि बच्चे हमारी सुनते नहीं हैं, फिर बच्चे बोलते हैं हमारी बड़े नहीं समझ रहे, फिर यही बात धीरे धीरे बढ़ते हुए उनके जिद्दीपन में आ जाता है, तो फिर वो पूरी बात नकार ही देते हैं जब तक कि उनकी बात वो माने ना जाए। तो ऐसे तो बाहर समाज में, घर में, रिश्तेदारों में सभी कहते हैं कि आपका घर अच्छा है, सुखी संपन्न है, व्यवहार अच्छा है, परंतु आंतरिक तौर से मुझे जो अपना अनुभव है वो मुझे लगता है कि न सिर्फ मेरा ही और सभी का शायद यही हाल होगा। और यहाँ जो अपने सभी के अनुभव देख के और आपका व्यवहार और बोलना सुन के, ऐसा कुछ मुझे महसूस होता है कि कुछ न कुछ हम भी इस विद्या शिविर से कुछ ले जाएंगे और कुछ हो सकता है कि घर में, अड़ोस पड़ोस में सुधार होने की, व्यवहार में स्पेशली या संबंधों में जिसके लिए हम आए हैं उनमें कुछ और अच्छाई आने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर ना, बहुत ईमानदारी की प्रस्तुति है ना। ये तो सही बात है कि ऊपर से अशिष्टतावश हम अच्छे हैं, दिख रहे हैं ना, तो ये जो अच्छा दिखना और अच्छे होने में जो फर्क होता है कि हमको लग रहा है कि सब अच्छा चल रहा है, खूब संपन्न है, खूब बढ़िया है, देखो सब एक दूसरे का कहना मान रहे हैं, लेकिन वो जो आंतरिक सुख की बात जो कहते हैं ना कि भाई मेरा मन भर गया, मेरा मन तृप्त हो गया, उसकी प्यास तो मानव जाति को है ना, एक व्यक्ति को नहीं है, दो को नहीं है, सभी को है। और शायद उसी प्यास में कुछ आराम मिल रहा है इस दर्शन को सुन के, इसीलिए ये मल्टीप्लाई भी होगा क्योंकि सबको उसकी प्यास है ना। तो बहुत बढ़िया। और यही सोच के मैडम जी अपने पोते को भी साथ लाया हूं। अच्छा अच्छा, सब बच्चे और हम सब घर के परिवार, एकदम एकदम ठीक बात है, सुनेगा प्रत्यक्ष तौर पर देखेगा जी जी, तो उम्मीद करते हैं कि वो कुछ ज्यादा समझ पाएगा। आप ही बताओ कुछ बेटा जी, आप क्या सोच के आए हो? नमस्ते आंटी, मेरा नाम ऋषि वत्यानी है, मैं ये फर्स्ट टाइम है मेरे लिए और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कुछ अच्छा ही सीख के जाऊँगा इधर से। तो बाबा दादाजी बोले इसलिए आप आए हो कि आपका भी मन हुआ कि मैं चलूँ? नहीं, पहले दादू ने बोला था कि चलना है क्या तुम्हें, तो मैं बोला कि शायद देखता हूँ, मेरे को एग्जाम्स भी चल रहे थे, मेरे भी दो बच्चे हैं, तो मैं बोला कि चलो देखता हूँ अगर हो पाया तो कर लूँगा। अब तो अभी मेरे हॉलीडे, अभी दो दिन की पीएल मिली तो मैं आया हूँ अभी यहाँ। तो अभी जितनी भी बात आप सुन रहे हो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी, और जो डाउट रहेगा वो पूछूंगा अभी। बढ़िया, बहुत बढ़िया है ना, खूब बढ़िया बढ़िया। दीदी नमस्कार, बड़ी बड़ों को नमस्कार, दीदी रुकुम सबको नमस्कार। जीवन विद्या, जीवन विद्या के बारे में मैं हर्षा जी के मुख से सुना हूँ, बहुत बार प्रशंसा करती थी कि जीवन विद्या एक बार चलो करके, तो क्या शोरूम जब भी जाता था वहाँ से काम करके आता था, वहाँ का प्रेशर रहता था, तो उन्होंने बोला कि एक बार जीवन विद्या करके आइए घर, तो एक बार आया कि देख लेते हैं एक बार ऐसा करके जी। स्वागत है बेटा आप लोग का जी। बेटा जी आप बताओ। अरे नहीं बोलो तो, आप आए हो ना शिविर में, तो शिविरार्थी हो आप हमारे, जो आप बताओ आप किसके कहने से आए हो? अपने भाई के। भाई के कहने से आए हो? हाँ। तो एक बार भी मना नहीं बोले आप? नहीं नहीं बोले, आपको नहीं। आने का मन था? हाँ। तो आप अपने मन से भी आए हो है ना, ठीक है, तो ऐसा बोलो भाई के कहने से भी आया और अपने मन से भी आया, ठीक है, तो करोगे शिविर पूरा? हाँ। वेरी गुड, बढ़िया, क्योंकि समझने में छोटे बड़े इसकी कोई बात ही नहीं है, आप सब भी पूरा समझ सकते हो, खूब बढ़िया। नहीं बोल रहे अभी कुछ? ठीक है,
कहाँ गए वो छोटे बेटा जी, कहाँ भाग गए, उनको लगा मैं पूछूंगी उनसे। चलिए आप लोग बेटा अपना लंच टाइम हो रहा है, यदि कोई छूट रहा हो तो बता देना, अपन सबसे एक बार परिचय करके फिर शिविर शुरू करेंगे। जी सबको मेरा प्रणाम जी। मेरा नाम उमेश्वर कुमार साहू है, मैं बालो जिला से आया हूँ। मेरा एक भैया है, कल बताए कि एक जीवन परिचय हो रहा है वहाँ पे अछोटी में, तो मैं वही जीवन अपने जीवन के बारे में, और अभी तो हम छोटे हैं तो ये जीवन कैसे व्यवहार करना है, कैसे जीना है, ये नश्वर शरीर है उसके बारे में हम यहाँ विद्या के लिए आए हैं, बस इतना ही कहूँगा। स्वागत है, खूब स्वागत है। नमस्ते भैया जी। दीदी नमस्ते जी। मैं हरि नारायण खेड़िया एमपी अनूपपुर से आया हूँ। इस शिविर में कैसे सरलता से अपना जीवन काटा जा सकता है और दूसरों की कैसे हेल्प की जा सकती है, सहायता की जा सकती है, इसमें ये जीवन अपना भी उपयोगी हो जाए, उसका भी उपयोगी हो, ये मैं यहाँ सीखने के लिए उस वक्तावश आया हूँ। स्वागत है आपके। सरलता का मतलब मैं बोलती हूँ, आप सब जो आए हैं सरलता का पहला प्रमाण है कि आप लोग आए हैं, बहुत बढ़िया। मैं लक्ष्मी खेड़िया जी अनूपपुर से हूँ। जीवन कैसे जिया जाता है ये मैं सीखना चाहती हूँ, इसलिए यहाँ आई हूँ। थैंक यू, खूब स्वागत है। सावित्री देवी भोपाल से, हम जी एन पी में सर्विस करते थे, रिटायर हो गए हैं और हमारे बच्चे बहू हैं, ये लोग पिछले महीने आए थे। इन्होंने मुझे बहुत बार बोला फ़ोन में कि आप आइए आइए मम्मी, एक बार करिए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मगर मैं सोच रहा था 60 साल की उम्र में तो कुछ कहीं कुछ नहीं मिल पाया, तब क्या मिलेगा। फिर भी हम कहा चलो एक बार देख लेते हैं। देख यहाँ आए तो कल जो सर बता रहे थे आपके बारे में, भाई साहब बोल रहे थे अनिता दीदी आएंगे और आप लोगों को बहुत अच्छे से दिखाएंगे। फिर इसके बाद आज भी जब हम लोग यहाँ बैठे तब भी आपको लगाया जब आप यहाँ आई थी कि अनिता दीदी आएंगे, आप लोगों को बहुत अच्छी चीज़ बताएंगे। तो मैं कह अनिता दीदी कोई खास होंगी, खास लोगों को ही लोग याद करते हैं। पर जब हम अभी मिले आपसे, अभी आधा घंटा जो परिचय हो रहा है उसमें जो आपने शब्द दिया है वो तरफ काबिल है, उसके लिए बड़ा अनिता दीदी के लिए सबको ताली बजाओ जोर से। और हम छोटा मोटा शेरो शायरी भी लिखते हैं, कविता लिखते हैं, भजन कीर्तन भी अपने मन से भी लिख लेते हैं। तो वो यहाँ बैठे बैठे ही जो हमको अच्छा लगा हमने दो लाइन की कविता लिख डाली, तो उसको हम शेयर करना चाहते हैं। प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनिएगा सभी लोग जी। बस दो ही लाइन की, ज्यादा लंबी हम नहीं लिखे क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। जीवन में दिव्य बनेगा तारा, जीवन में दिव्य बनेगा तारा, किस आने से कभी नहीं भटकेगा तू, इस जीवन विद्या परिचय को पढ़ाने से, इस जीवन विद्या परिचय को पढ़ाने से। धन्यवाद, खूब बढ़िया, खूब स्वागत है जी। मैं अनादि हूँ जी, मैं एडवोकेट हूँ सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में, और मैंने 2007 में किया था सोम भैया का, 2007 उस समय कॉलेज में था मैं, तो सोम भैया ने करवाया था, तो 2007 में किया था। फिर अभी सुरेंद्र भैया का किया अध्ययन बिंदु, फिर मेरी वाइफ ने रिक्वेस्ट किया, इनका परिचय नहीं हुआ था, अध्ययन बिंदु में इनको लेके आया था मैं, तेने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि एक लीजिए लीजिए जी, उनके कहने से ये शिविर हुआ है जी जी, उसमें उनके लिए ताली बजे। अनिता दीदी इसके लिए मैं आपको खूब धन्यवाद बोलती हूँ, आपने मेरी विनती स्वीकार की, उन्होंने खड़े खड़े डेट फाइनल की थी कि अभी शिविर करो। बढ़िया, वो कैलेंडर में काटती थी 15 अगस्त हम घर पहुँचे तो ऐसा डेट कब आएगा ऐसा करके। बहुत बढ़िया, चंद्रशेखर भैया ने कहा, उनकी सिस्टर ने कहा भी हाँ। आप थोड़ी सी दुबली सी दिख रहे हैं, क्या आप दिन गिन रही थी? मैं बोली बिल्कुल, कैलेंडर में रोज दिन काटते थे कि कब आएगा ये 25 तारीख कब आएगी, कब हम लोग जाएंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, खूब बढ़िया। मैं भी अपने परिचय दे दूँ जी, ठीक है, थैंक यू जी, बहुत बढ़िया। हाँ मैं देविका श्री, मैं भी इन्हीं के साथ दिल्ली से जी, ठीक है।
बहुत बढ़िया, खूब स्वागत है आप सभी का, बढ़िया है ना। आप कुछ बोलेंगे, हो गया, किसी को कुछ कहना है? खूब बढ़िया जी। दीदी बोलिए। आप सभी को नमस्ते, सभी के प्रति कृतज्ञता, बाबा जी के प्रति भी कृतज्ञता। मैं ग्राम झोला दुर्ग जिले से आई हूँ, ये मेरा दूसरा शिविर है। मेरे पति बोलते थे कि अछोटी में जाओ, मैं गया था जीवन विद्या, वहाँ जीवन के बारे में बताते हैं, अभ्योदय संस्थान जहाँ है वहाँ। वो शादी के बाद मुझे बताया, तो मैं बोलती थी कि आप बोलते बस हो लेकिन ले जाते नहीं हो, कब ले जाओगे ऐसा। तो 2019 में वहाँ जो अध्ययन कर रहे हैं गोपेश्वर भैया जी और टीकेश्वरी दीदी जी, हाँ। तो उनके लोगों के, उनके परिवार के साथ आई थी मैं, और ये मेरा दूसरा शिविर है। मैं दूसरे शिविर के लिए भी, मतलब सुरेंद्रपाल भैया जी का हुआ तो भी मैं जाने के लिए, लेकिन घर में वो नहीं बन पाया, तो मैं अपने छोटे बेटा जी के साथ आई हूँ, बड़े को अपनी दादी और चाची के साथ छोड़ कर। मुझे स्वागत है, खूब स्वागत है, धन्यवाद, खूब बढ़िया है ना। इस शिविर की सबसे अच्छी बात यह, जब हम लोग शिविर करते थे तो गणेश बागड़िया भैया जी हमारा शिविर लेते थे, तो सबसे पहली लाइन वो यही बोलते थे कि यदि आप गाँव के हो तो बहुत अच्छा, नहीं पढ़े लिखे हो तो और अच्छा, है ना। मतलब जब जितने हम सरल होते हैं, जितनी जानकारियाँ हमारे पास कम होती है, उतनी जानने की क्रिया हमारी प्रखर रहती है। तो खूब स्वागत है सभी भाई बहनों का, है ना। और इस बात को हर कोई समझ सकता है, हर कोई जी सकता है, इसी विश्वास के साथ हम सब भी आपके सामने खड़े हैं, क्योंकि हम भी ऐसे ही कभी शिविर किए और धीरे धीरे अपनी बहुत सारी चीज़ों को ठीक किए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों से अपन शुरुआत करेंगे शिविर की, है ना, कि कैसे हमारे जीवन में भी शिविर का क्या प्रभाव रहा और कैसे हम इसको अपने मतलब हमारे अंदर निर्णय लेने की जो क्षमता बढ़ी और कैसे सही निर्णय ले पाए और सही कर पाए और उसकी क्या उपलब्धियां रही। तो इन्हीं सभी बातों के साथ अपन शुरुआत करेंगे। एक दो भैया जी रह गए, तो चलिए जी आप बताइए। जी जी, मैं चक्रधर सोनी, निष्ठा के साथ जी, जी, पूरा जी, पूरा परिवार है जी, लेकिन कुछ कारणवश मैं आज शाम को निकल जाऊंगा, अच्छा। बाकी परिवार शिविर करेंगे। अच्छा, तो उन सबको छोड़ने आए हो आप? जी सहयोग के लिए आया हूँ दीदी जी, कुछ कमी पड़ जाए तो मैं दौड़ जाऊंगा। ठीक, छोटे बच्चे हैं दीदी, छोड़ने आए हैं और व्यवस्था में थोड़ा सहयोग भी देना है, सुबह से लगे हुए हैं। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, खूब ऐसे ही तो होते हैं ये सब काम, अकेले से तो होते ही नहीं है। बहुत सुंदर। तो अपन अब लंच का टाइम हो रहा है अपना, भोजन व्यवस्था जी, चलिए बताइए दीदी। और भी कोई छूट रहा हो तो जरूर हाथ उठा ले, अपने को ऐसा नहीं है कि अभी निकलना है जी, बताइए। सबको नमस्कार, मैं शकुंतला कश्यप रायपुर से आई हूँ। हम लोग राठौर जी के साथ आए, कमल राठौर जी के साथ बोला है, एक बार अम्मा आप चल कर देखो, आपको वहाँ अच्छा लगेगा, सबका साथ मिलेगा, सबसे परिचय होगा, तो सीखने की तो कोई उम्र नहीं होती मैडम, एकदम। वैसे मैं 69 की हो गई हूँ, लेकिन भी सीखने की उम्र नहीं होती, इसलिए मैं भी सीखने आ गई। खूब स्वागत, आप लोग से कुछ कुछ ज्ञान मिलेगा। नहीं, हम सबको जैसे मिल रहा है अपन सबको, क्योंकि ये अपन बात करेंगे, ये पूरा एक दर्शन है ना, और उसके प्रणेता हैं श्री ए नागराज जी, तो उसको समझ कर हम लोगों ने भी अपने जीवन में जैसा देखा, स्वयं में विश्वास को पाया, तो उसी का हमारा परिवार बहुत संस्कारी है मैडम, बहुत बढ़िया, बहुत नाती पोते सब बहुत आदर से रखते हैं, बेटा बहू सब आदर देते हैं। खूब बढ़िया, खूब बढ़िया, और आप सब की कृपा से, भगवान की कृपा से, धन्यवाद। चलिए खूब बढ़िया, तो अभी अपन एक ब्रेक लेते हैं, शायद 2:30 बजे है फिर, है ना, तो 2:30 बजे अपन मिलते हैं और शिविर की शुरुआत करते हैं। एक बार बस आप सबसे कि आप लोग सब के लिए ये 8 दिन एक अच्छा, बोलिए बोलिए। बढ़िया, मेरा नाम बिमला राठौर है, मैं ग्राम सराईपाली से हूँ, मेरा मतलब जिला जांजगीर चांपा है, मैं चंद्रशेखर राठौर की भाभी हूँ, उसी के जरिए से आई हूँ यहाँ। बहुत बढ़िया, हाँ चलो बेटा जी बोलो, बैठे बैठे भी बोल सकते हैं, पखड़े होके। मेरा नाम कमला मराबी है, मैं दूसरा शिविर है मेरा, पहले बार तो कुछ मतलब मैडम के जरिए से मैं आई, मैडम एक बार बोली कि चलो कमला वहाँ कुछ समझ में आएगा तो अच्छा है, तो इस बार मैं अपने मन से बोली मैडम को, मैं भी जाऊंगी इस बार बोल के। बहुत बढ़िया, मैं कुदरी से आई हूँ, 15 रोड में पड़ता है,
और दूसरी बार आऊंगी तो मतलब मैं अपने बहन को लाना चाहती हूँ बस। बहुत बढ़िया, खूब स्वागत है, खूब स्वागत है बेटा जी। दीदी ये हम लोगों के जी जी बहुत बढ़िया जी। मेरा नाम महिमा मिश्रा है, मैं बिलासपुर से आई हूँ। मेरे को इस संस्था के बारे में अपने भैया भाभी से पता चला, वो लोग अभी इसके पहले वाले शिविर किए थे जी। मैं फर्स्ट टाइम आ रही हूँ, आए हुए तो मेरे को यहाँ का नेचर बहुत अच्छा लगा, ग्रीनरी। और वो अपने मम्मी भैया लोग से बोले मेरे पापा को बहुत अच्छा लगेगा यहाँ आएंगे तो है ना। तो अब देखती हूँ क्या सीख सकते हैं हम लोग यहाँ आके। ठीक बात है, है ना, बढ़िया। तो मिलके करते हैं, तो आप लोग सब बढ़िया से है ना, जहाँ लगे कि भाई जैसे जो नए आए हैं उनको वो लगे, तो अपन एक दूसरे के साथ सहयोग पूर्वक रहते हैं और 2:30 बजे मिलते हैं, फिर शिविर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, आप बचे हुए हो मेरे को याद है ना। ठीक है हाँ, 2:30 बजे तक का टाइम है। हाँ, जो जो नहीं बोले हैं वो सब सोच के आना, क्योंकि ये क्रिया, ये जो शिविर है ये सोचने को बढ़ाने वाला शिविर है ना। करने का काम हम बहुत कर चुके हैं, मैं वापस बस 5 मिनट बोलना चाहूँगी। देखिए अभी तक करने में हम कोई कसर नहीं छोड़े हैं, है ना। तो अब हम कुछ भी करें तो सोच के करें, तो अब हमको सोचने पे काम करना है। तो जानने की क्रिया को प्रखर करने वाला ये शिविर है, तो आप लोग सब खूब सोचिए, अपनी हर बात को सोचिए, यहाँ जो बात सुनेंगे उसको सोचिए, और हम सब मिलकर खूब चर्चा के द्वारा आगे बढ़ेंगे। कोई भी बात को मानना नहीं है, मानना नहीं है का मतलब है कि अगर आपके अंदर से फर्स्ट आंसर आ रहा है कि कुछ समझ नहीं आया या कुछ जमा नहीं है तो बात, तो आप लोग तुरंत प्रतिप्रश्न कीजिए, है ना, और अपन खूब समझते हुए आगे बढ़ेंगे और बढ़िया से चलते हैं। 2:30 बजे मिलते हैं हम। ठीक है, नमस्ते सभी को, नमस्ते नमस्ते, है ना। टाइम सेट आप सबके साथ मिलके ही कर लेंगे हम, है ना, जैसा आप लोग को सबको कंफर्टेबल लगेगा। यदि आप लोग को लगेगा कि 2:30 बजे जल्दी हो रहा है तो अपन 3 बजे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी टाइम हम फिक्स करें फिर उसको अपन फॉलो करें, है ना, चाहे आगे पीछे कर सकते हैं। तो सब जब आ जाएंगे तो अपन सेट कर लेंगे, कि यदि ऐसा लग रहा है कि थोड़ा और समय चाहिए तो अपन उसको वैसा सेट कर देंगे। ठीक है ना, बढ़िया। तो शिविर की शुरुआत अपन एक सूत्र से करते हैं, उसमें आप लोग अपना अपना व्यू देना, है ना। ये शुरुआत इसलिए कर रहे हैं कि हम सबके अंदर ना कुछ चलने लग जाए, सोचना सोचना शुरू नहीं होगा तब तक, जैसा पुराना बहुत सारा हमारा अभ्यास है प्रवचन सुनने का, है ना, तो कहीं ना कहीं वो सुनने बस में चले जाते हैं, और एक आस्था विधि से एक भरोसा होता है कि जो भी कह रहे हैं वो अच्छा ही कह रहे होंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं हम सबके अंदर एक ये बात है कि अगर हम ऐसी जगह पे आए हैं, यदि यहाँ पर सब इतना अच्छा काम हो रहा है, तो यहाँ जो भी कोई कुछ बोल रहा होगा वो कुछ अच्छा ही बोल रहा होगा, तो हम अपने सोचने को उसमें नहीं लगाते हैं ज़्यादा। ठीक है, जबकि अपन शुरुआत करेंगे इसी बात से कि हम सब जब तक अपने सोचने को नहीं लगाएंगे किसी भी चीज़ में, जब तक मैं अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं करती हूँ वो मेरा स्वत्व नहीं बनता है, फिर बस हमारी कामना ही रह जाती है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, है ना, परिवार में ऐसा होना चाहिए, समाज में ऐसा होना चाहिए, तो ये होना चाहिए चाहिए में चले जाते हैं अपन। ठीक है ना, तो कामना कैसे योजना में बदल जाए वो तभी होगा जब मेरे विचारों में सॉल्यूशन होगा, है ना, और विचारों में सॉल्यूशन होने के लिए ज़रूरी है कि हमारे विचारों में कुछ मंथन हो, कुछ हम सोचें किसी बात के लिए। तो यहाँ पर जितने भी शब्द दिए जाएंगे उस शब्द का कोई अर्थ है, ठीक है ना। अभी तक क्या हुआ है ना, परंपरा में हमने बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया है, बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया, और हम बस प्रयोग किए जा रहे हैं, भाषा रूप में हम बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, लेकिन उसके अर्थ को छूने की कोशिश नहीं किए, और यहाँ पे सब ने अपने अपने अलग अलग अर्थ निकाल लिए, है ना। जैसे मैं बोलूँ सुख, तो अभी अगर हम सभा से पूछेंगे तो सबके सुख अलग अलग होंगे, है ना। मैं सुख, वो आप सुख को किसी रूप में देखोगे, आप किसी रूप में देखोगे, है ना। तो जब तक हम सबकी चीज़ें अलग अलग है तो हम सब एक साथ खुश हो कैसे सकते हैं, सीधी सी बात है,
तो कुछ तो ऐसी चीज़ है जो शायद हम आपस में बहुत मंथन नहीं कर पाए हैं, तो शब्द शब्द के अर्थ तक जाएंगे, है ना, बातचीत में जाएंगे और बढ़िया से चलेंगे, लेकिन रियलिटी के साथ चलेंगे। बहुत ज़्यादा कामनाएं कल्पनाएं इसको हम कैसे धीरे 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 अपने उससे अलग कर पाए, है ना, नहीं तो बहुत सारी चीज़ों में हम ऐसे ही जी रहे हैं, सब अच्छा होना चाहिए, सब अच्छा है, सब अच्छा होना चाहिए, सब अच्छा है, है ना, ना कुछ अच्छा है ना कुछ अच्छा हो रहा है। मतलब पर बोलने में क्या आता है, सब अच्छा है, सब अच्छा होना चाहिए, सब अच्छा होगा। तो अब अपने को ना जैसा है वैसा देखना है और उसको ठीक करने के लिए क्रमशः चलना है। तो ये पूरा दर्शन ना शिक्षा विधि से लिखा गया है। शिक्षा विधि का मतलब होता है कि शिक्षा विधि का एक क्रम होता है, एक पाठ्यक्रम होता है, उसका एक फॉर्मूला होता है, सिद्धांत होते हैं, है ना। जैसे आप कोई मैथ सॉल्व करते हो तो उसका एक फॉर्मूला होता है, अगर उसमें से एक भी चीज कहीं रॉन्ग होती है तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो यदि हमारे आंसर अलग अलग आ रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ, गलती हो रही है, क्योंकि गलती में हम अनेक हैं। और अगर आंसर सही आ रहे हैं तो इसका मतलब हम ठीक चल रहे हैं, है ना, सही फॉर्मूले के साथ चल रहे हैं। तो हम सब का आंसर एक हो जाए, चाहे वो संबंधों को लेकर हो, चाहे वस्तु को लेकर हो, चाहे किसी भी बात को लेकर हो, तो ये पूरा दर्शन शिक्षा विधि से लिखा गया है, है ना। तो हम अपनी ज़िंदगी को ब्लैक बोर्ड में, मतलब अब तो व्हाइट बोर्ड आ गए हैं, है ना, व्हाइट बोर्ड में पढ़ सकते हैं, लेकिन आप लोग का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। तो एकदम एक बात तो नक्की है कि प्रवचन नहीं है, बातें बहुत अच्छी है, अच्छी लगेगी सुनने में, लेकिन हमको ना उन बातों में बहना नहीं है, बहुत अच्छी बहुत अच्छा नहीं, अपना अपने को उसका पूरा लगाना है कि ये बोल तो रहे हैं पर क्या ये पॉसिबल है, ये बोल तो रहे हैं पर क्या ये प्रैक्टिकल है, ये बोल तो रहे हैं पर क्या ऐसा कुछ दिख रहा है समाज में परिवारों में, है ना। अगर नहीं दिख रहा है तो डंके की चोट पे बोलें कि नहीं नहीं आप बोल रहे हो पर ऐसा है नहीं। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे हम और अच्छे से चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। तो खूब बढ़िया से अपने आप को इन्वॉल्व रख के करके रखना, तो अपन चीज़ों को समझ पाएंगे और समझ ही जाएंगे, ठीक है ना। तो बढ़िया से चलते हैं, एक सूत्र मैं लिखती हूँ, उसमें आप लोग उसको कैसे देखते हो बताना। ये एक सूत्र है, ठीक है, ये एक सूत्र है, जाने हुए को मान ले, माने हुए को जान ले। आप लोग बताएंगे कि इसका आप लोग क्या अर्थ लेते हैं। जाने हुए को मान ले, माने हुए को जान ले, जाने हुए को मान ले, माने हुए को जान ले, बताइए क्या सोचते हैं। हाँ बताइए, हाँ, और जो पहली बार शिविर कर रहे हैं वो लोग पहले अगर रखेंगे तो अच्छी बात रखेगी, उनके अंदर चालू हो जाएगी चीज़ें, है ना, ठीक है। और वैसे सभी रख सकते हैं, रखना ही है सबको, पर एक एक डिस्कशन शुरू होना चाहिए कि जाने हुए को मान ले का मतलब क्या है। हाँ बताओ बेटो, चालू चालू चालू, हाँ, तो इसकी प्रक्रिया क्या होगी। हाँ ठीक है, बढ़िया है ना, जाने हुए को मान ले, माने हुए को जाए। हाँ जी आप बताइए, क्या आप जिसे जानते हैं उसे मानते हैं, और जिसको मानते हैं क्या उसको सही रूप में पूर्ण रूप में जानते हैं। बहुत बढ़िया है ना, भैया ने उसी चीज को दूसरे तरीके से बोला लेकिन बहुत अच्छे से बोला। हाँ नहीं बोलिए बोलिए, अभी आप बोलिए। जानना और इसको पास रख लीजिए ताकि आपकी बात तो सब तक जाए। जानना और मानना जब एक हो जाएगा
तो सही मायने में हम उसको जानेंगे भी और मानेंगे भी और करेंगे भी। बहुत बढ़िया है ना। मतलब क्या हम जाने हुए को मानते हैं, ये भी अब अपने ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, जैसे हम बहुत सारी चीज़ें बोलते ही रहते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा है, पर क्या हम उसको मानते हैं, है ना। तो जो उन्होंने जिस तरह से बोला वो इतने जल्दी जा सकती है हमारी चीज, क्या माने हुए को जानते हैं हम, क्या माने हुए को जानते हैं, कोई उदाहरण। और कोई माने हुए को जान, जाने हुए को मान ले। हेलो, ईश्वर को हम मानते हैं हाँ, पर हम सही रूप में उनको जान नहीं पाते, जानते नहीं हैं, उनकी जानकारी हमको नहीं हो सकती, क्योंकि जो भी हम मानते हैं वो हमारा लिखित रूप में है और जिसको हम लोग नहीं जान पाते वो अलिखित में होता है, इस कारण दोनों में संदेह उत्पन्न हाँ, मतलब जान नहीं हाँ, जान नहीं सकते कि नहीं जानते, जान नहीं सकते हैं, माने हुए को जान नहीं पाते। ये आवाज कर रहे हैं नहीं मान, वही देखो शब्दों को ना हम, मैं बार बार अगर बोलूंगी ना बीच बीच में, इसका मतलब है हम शब्दों को सटीक करने जा रहे हैं। जान नहीं सकते कि नहीं जानते, पर जानने का प्रयास ही नहीं कर पाते है ना। यहाँ एक बात आई ना कि प्रयास नहीं करते, नहीं करते। जब हम ये बोलते कि जान ही नहीं सकते नहीं है, तो उसका क्या मीनिंग निकलेगा, उसके बारे में हमका ज्ञानता है, जान ही नहीं सकते बोलते ही हम अकर्मण्य हो जाते हैं, क्योंकि आप जान ही नहीं सकते। ठीक है, तो बहुत सारी हमारी भाषा ही ऐसी है जो हमको कंफ्यूज करती है जी। ठीक है, तो क्या होगा कि ईश्वर को हम मानते हैं है, जानते नहीं है, जानते नहीं है। ठीक है जी, उस तरीके से नहीं जान पाते जिस तरीके से जानना चाहते हैं ईश्वर। कब मौका आता है, इस अलग कोई मौका आता है हाँ। जैसे हम ईश्वर की आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तब हम उन्हें मानते हैं, पर जब हम जानने के तर्क में रहते हैं तो हम उनको किस तरीके से समझे, क्योंकि वो तो हमारे सामने विजिबल नहीं है ना, सिर्फ हम उनसे अपने मन के द्वारा या बातों के द्वारा हम सिर्फ उनसे कम्युनिकेट करते हैं। तो जानना जो है वो चीज़ हम नहीं समझ पाते कि उनकी तरफ से हमको क्या जवाब है, ये तो हम सुन ही नहीं सकते हाँ। तो क्यों नहीं जान पा रहे हैं, वही क्यों नहीं जान पा रहे हैं, हम कनेक्ट नहीं कर पाते उनसे, क्यों नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि वो विजिबल नहीं है। जैसे अगर आपसे मैं बात कर रही हूँ तो मैं, आप विजिबल हैं, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, जवाब कर रहे हैं, हम उनके पास सिर्फ सवाल लेके जाते हैं, जवाब की अपेक्षा तो हमें अपने आप से लेनी पड़ती है, क्योंकि वो तो आते नहीं हमें जवाब देने। नहीं, पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो विजिबल नहीं है, तो क्या आप उसको नहीं जानते हो? नहीं जानते, वैसे बहुत सारी चीज़ें नहीं, अपन पर्टिकुलर मेरी बात को ऐसे ही लेना, जवाब देते जाना ना। जैसे जी, आप बोले कि आप मेरे सामने प्रत्यक्ष हो जी, तो मैं आपको जानती हूँ जी। अब जैसे आप अपने आप को जान, आप अपने आप को जान ही नहीं पाओगे क्योंकि आप तो प्रत्यक्ष हो नहीं जी। जी, जैसे अगर हम सोचते हैं कि मेरा सोचना, मेरा विचार, ये सब तो दिखता नहीं है, लेकिन हम उसको नकार नहीं सकते, वो तो है जी, है ना। तो क्यों नहीं जान सकते, क्यों नहीं जान पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने आप को ही ढंग से नहीं पहचानते हैं, है ना। मतलब क्यों नहीं जाना पड़ेगा, मतलब मैं यहाँ ध्यान दिलाने की कोशिश कर रही थी, क्यों पहचान, कि अगर हम नहीं जान रहे हैं किसी बात को तो क्यों नहीं जान रहे हैं, हमको उसके कारण में जाना होगा, कारण निकल के आएगा तब फिर उपाय निकल के आएगा। ठीक है ना, तो क्यों में जाएंगे तो आगे अपन अपने रास्ते खुलेंगे जी। ठीक है ना। और जाने हुए को मान लो, माने हुए को जान लो, जाने हुए को मान ले। जैसे आपने यहाँ से रायपुर जाने का रास्ता बताया कि यहाँ से सीधा जाते हैं जाएंगे रायपुर, तो ये हमने जाना आपसे जी, उसको मान ले रहे हैं। और माने हुए को जानने के लिए जब तक हम उस रास्ते से जाएंगे नहीं, तब तक हम जानकारी हमें तब तक नहीं मिलेगी, हमको उस रास्ते से अनुभव करना पड़ेगा, उस रास्ते से गुजरना पड़ेगा, वहाँ तक पहुँच जाएंगे तब हमको पता चलेगा कि इस गांव से रायपुर का रास्ता ये है। तो वो हुआ माने हुए को जान लेना, मतलब खुद सेल्फ रियलाइज करना, अनुभव करना। बढ़िया है ना। मतलब किसी ने आपने रास्ता पूछा और फिर आप उस रास्ते पे चल के गए, इसका मतलब आपने जाना और माना
और जब आप वहाँ पहुँच गए तो उस माने हुए को आपने जाना, है ना। अब आप किसी को भी रास्ता बता सकते हो, ठीक है ना, और जाने हुए को मान लो, माने हुए को जान लो। बेविचार से जानना और मानना दोनों अलग अलग, बेविचार से जानना और मानना दोनों अलग अलग। जैसे मेरे विचार से जानना और मानना दोनों अलग अलग हैं। पहले जो वस्तु जैसा है उसको वैसा ही जानना, और जैसे मतलब सूर्य पूर्व से उदय होता है तो उदय होता है, तो हमने पढ़ा, देखा, सुना और जाना, और उसके बाद माना। मानना ऐसा है कि फलाना व्यक्ति ऐसा मानता है, मान्यता, परंपराएं, तो वही परंपराएं, वही मान्यताएं अच्छी होती है जो सही समय हो। जैसे सूर्य पूर्व दिशा में उदय होते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत उसको रोक नहीं सकती है। चार दिशाएं होते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, है ना। तो उसी प्रकार से जो वस्तु जैसा है उसको वैसा जानना, वैसा मानना, वही सत्य है मेरे विचार से। ठीक है, है ना, ये तो ठीक बात है कि जो चीज़ जैसी है वैसी उसको हम जान लेते हैं, है ना। और जो उदाहरण आपने दिया कि भाई सूर्य, ये हमको पता है क्योंकि वो नियम निरंतर है, हर दिन हो रहा है, तो हमने वो चीज़ बार बार देखी, और निरंतर यदि कोई चीज़ हो रही है तो एक समय के बाद हम निश्चित हो जाते हैं कि हाँ ऐसा ही है। तो निश्चित आचरण की बात है, तो निश्चित आचरण से जानना जुड़ा होता है। बढ़िया, और कोई बताना चाहेगा? मानना, जानना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम माने हुए हैं और लगता है हमको जान गए हैं, है ना। हाँ बताइए। जैसे अभी ये छोटे में ये शिविर चल रहा है, ये बहुत दिनों से चल रहा है पर हमको मालूम नहीं था। हमारे बच्चे हैं, उन्होंने देखा, मैंने जाना, जानने के बाद वो गए, हमको फोन किए, हम उनकी बात को माने, उन्होंने जाना, हमने माना, और उस मानना को एक निश्चित रूप हम समझ लिए कि भाई थोड़ा हम भी जाके तो देखें वहाँ क्या है, सत्य है, असत्य है, क्या है। तो उस माने हुई चीज को ही मान के हम यहाँ आए। अभी यहाँ आके हमने मान भी लिया पहले, अभी यहाँ आके जान भी लिया, तो मानना भी हो गया, और जब हम उस जगह में गए और उसकी बड़ी सच्चाई जाने तो उसको हम जान गए उसकी हकीकत क्या है। वो हो गया पहले मानना, बाद में जानना, और फिर जानना और मानना। और जानने में कई जैसे सर ने कहा था कि आप अंतर दीदी से मिलोगे बहुत अच्छा लगेगा, हम उनकी बात को मान लिए थे, लेकिन आज हम जान गए कि अनिता दीदी क्या है, तो हम जान गए सामने आके। मतलब उदाहरण है, अच्छा है, उदाहरण अच्छा है, उदाहरण छोटे छोटे चीजों से बात, ठीक बात, सामने प्रैक्टिकल वाली चीजों को बात। आपका जो प्रश्न बहुत सही था, वैसे जैसे कहना है कि भगवान राम त्रेता में थे, द्वापर में कृष्ण थे, हम यहाँ पर जितने बैठे किसी ने देखा तो है न द्वापर न त्रेता, न जन्म हुई भगवान को देखे, न जन्म हुए कृष्ण को देखे, पर जो वेद पुराण ग्रंथों में लिखा है, हमारे बुजुर्ग लोगों को बताते आ रहे हैं, इतिहास प्रमाण है, उस चीज को हम मान रहे हैं, हम जान रहे हैं, देखा रहे हैं, पर मान रहे हैं कि हाँ त्रेता में राम आए थे और उन्होंने ऐसा ऐसा काम किया, उनके नाम से रामायण रची गई, द्वापर में कृष्ण आए थे, कृष्ण का काम ऐसे थे, और उसको क्या कहते हैं कि द्वापर में कृष्ण आए थे, उन्होंने ऐसा ऐसा काम किया, तो गीता का ज्ञान है कि जैसे कृष्ण का है, गीता का ज्ञान को राम का ज्ञान तो नहीं कहेंगे, क्योंकि वेद बता रहे हैं कि उसको कृष्ण ने ही किया है, उसको हम मान रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छा है ये पूरा साइकिल, अच्छा था बहुत, है ना, कि मतलब किसी ने कुछ हमको कहा उसको पहले हम मानते हैं, और फिर मान के हम उसको प्रयोग करते हैं, है ना, निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण करके फिर हम ये बात कह पाते कि हाँ ये बात सही है और हम उसको मानते हैं, है ना। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज, जैसे आप बोले कि भाई भगवान राम, भगवान कृष्ण, है ना, इनको हम मानते हैं, तो मानने, जब हम किसी चीज को मानते हैं लेकिन जानते नहीं हैं, तो क्या क्या चीज आती है सामने, क्या क्या दिक्कतें आती है, अगर हम मान रहे हैं पर जानते नहीं है, जैसा, है ना,
कि भाई हमको नहीं पता, हम खाली सुने हैं ना कि भगवान राम का चरित्र ये है, कृष्ण का चरित्र ये है, तो मानते हैं लेकिन जानते नहीं हैं। तो क्या होता है हमारे अंदर, क्या चीज चलती है? मानते हैं लेकिन जानते नहीं हैं। उसको दीदी उसको अपन जैसे सत्य की कसौटी पे खरा उतरना ऐसा बोलते हैं, तो प्रैक्टिकली उसको अपन प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, फिर करते हैं। हाँ, तो जानते नहीं है तो प्रूफ कर पाते हैं क्या? नहीं नहीं, नहीं जानते तो कैसे प्रूफ करेंगे उसको? नहीं कर पाते है ना? हाँ। करने की कोशिश तो कोशिश करते हैं, फिर अपन वही मान्यताएं मानते आ रहे हैं, वही चला रहा है ना। और फिर एक समय के बाद बच्चे को यही बोलते हैं चुपचाप सुनो जो बोल रहे हैं, क्वेश्चन पे सही सही प्रश्न मत पूछो। तो क्या है, माने हुए को हम समझा पाते हैं क्या? कि थोपते हैं, ये फर्क हम देख पाते हैं क्या? कि मानी हुई चीज को हम समझा पाते हैं क्या? हेलो, जानना और मानना जो है कुछ चीजें पर मान के, जैसे हम ज्यामिति पढ़ते हैं तीन कोणों का त्रिभुज की तीन कोणों का योग दो समकोण के बराबर होता है, ये मैंने माना है, माना ना, एक दोनों तरह से भी चल सकते हैं, हमने माना फिर जानने की कोशिश की, फिर मैंने ज्यामिति में रचना की, त्रिभुज बनाया, उसको सिद्ध कर दिया कि जो हमने माना था ये सही है। मतलब मान करके भी जाना जा सकता है, अगर हम मानेंगे नहीं तो फिर मतलब ए बी सी डी बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं, जो छोटा बच्चा है और वो उसी टाइम में क्वेश्चन करने लगे इससे क्या होगा, मैं ए बी सी डी क्यों पढ़ूं, सीधा शब्द पे कूद जाऊं, इस वाक्य पे कूद जाऊं, तो क्या उसका ठीक होगा, वो जान पाएगा? एकदम नहीं, एकदम सही है आपकी बात कि मानना भी उतना ही जरूरी भाग है, तो माने बिना जानने में जाएंगे भी कैसे, है ना? जो आप बता रहे हैं, मुझे समझा रहे हैं, अगर मैं आपकी बात पे विश्वास न करूं तो मैं तो कहीं नहीं पहुंच सकता। मतलब एकदम, तो इस तरह से जो है मतलब ज्योमेट्री जैसे कई चीज़ें रहती मान मान के भी जानी जा सकती हैं। मतलब यानी हमने बोला सत्य का आचरण अच्छा रहता है, हमने सुना पहले पता तो कि सही क्या है, सत्य अच्छा, सत्य का सत्य भाषण अच्छा होता है, पहले कुछ कुछ मेरे पास मान्यता आएगी तभी तो मैं जानने की कोशिश करूँगा, मेरे अंदर कोई मान्यता ही कई चीज़ों को मानना पड़ता है, जो आपने ये पूरा लिखा हुआ है यहाँ पर बोर्ड पे, पहले उसको मैं हृदयंगम करें मानूंगा मत यानी, फिर धीरे धीरे जब उनको मैं अभ्यास करूंगा तब मैं उस अनुभूति के स्तर पर पहुंच पाऊंगा, जो आपने इस कथन किया है वो सत्य है। मत एकदम, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भैया जी जो बात कर रहे हैं, एक्चुअल में मैं यही पहुँचना चाह रही थी कि ये भी सही है कि मानी हुई बात को जान लो, जानी हुई बात को मान लो, ठीक है। हम सबसे परंपरा में जो भूल हुई है वो यही हुई है कि मानी हुई बात को मानते ही चले जा रहे हैं, जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वैसे वातावरण भी नहीं मिल रहा है हमको, है ना? क्योंकि जो हमको बोल रहे हैं उसके पास भी क्लैरिटी नहीं है, तो एक समय के बाद यही बोलते हैं कि चुपचाप मान लो, पैर छूने बोल रही हो तो छुओ बस, है ना? क्यों छुओ तो क्यों नहीं, तो क्यों को हमने बंद कर दिया कि नहीं क्यों नहीं पूछोगे, हम बोल रहे हैं तो करो, ठीक है। कुछ जवाब हम देते जरूर हैं लेकिन एक समय के बाद कहीं ना कहीं जाकर रुक जाते हैं, यदि मेरे पास वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है उस बात की, तो अगर मेरे पास स्पष्ट चित्रण नहीं है उस चीज का। दीदी जैसे माना हुआ चीज है तो कभी किसी ने उसको जाना होगा तब वो बता रहा है, हम उसको माने, जैसे मैथ्स का फार्मूला बताया है ना, 360 डिग्री होता है डिवाइड को, तो उसको किसी ने पहले जाना होगा, जाना फिर उसने बोला तो आज हम उसको मान रहे हैं, फिर हम उसको प्रैक्टिकली प्रूफ करते हैं, तो वही चीज होता है। ये चीज जीवन में भी होना चाहिए एकदम, जी जी, है ना? तो हमारी आदत क्या पड़ गई है बताओ, हमारी आदत क्या पड़ गई है? मानने की पड़ गई है। आप जो बोल रहे हैं ये होना चाहिए, पर हमारे अभ्यास कैसे हैं? बस मान लो ना, ठीक है, है ना? घर वाले बोले चुप हो जा तो चुप हो जा, घर में शांति रहेगी, शांति रहती है क्या? अंदर उथल पुथल, है ना? घर वाले बोल रहे हैं ज्यादा नहीं बोलना है, मत बोलो, शांति रहती है क्या? है ना? हमको अभ्यास हो गया है ना, मान लो ताकि घर में सुख शांति रहे, लेकिन क्या ऐसा हो पाया यदि अगर हम देख पाते हैं तो? शांति दिखाने के लिए रहती, उथल पुथल कितना रहता है,
वही देखो सब चीजों को जांचो अब, है ना। जैसे ये है कि चुप रहने से शांति हो जाती है, कौन कौन इस बात को एग्री करता है? चुप होने से शांति होती है। बताओ, देखो सही होगा तो सबका एक आंसर होगा। हाथ उठा दो कि चुप रहने से शांति होती है। चुप रहने से वाणी की शांति होती है, मन की शांति नहीं होती। मन की शांति नहीं होती। दीदी कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से कुछ समय के लिए शांति तो हो ही जाती है, पर आप निश्चिंत हो जाते हो क्या? आपको आगे और बड़ी उसकी आशंका बनी रहती है, तो शांति कहाँ हुई? मन में भय तो बन ही गया ना। मतलब आप अपने आप में जांच के देखना ना, है ना, कि आप निश्चिंत हुए क्या? मानने की शांति है, मानने की शांति है, है ना। लेकिन हमारे अंदर एक नया भय शुरू हो जाता है, ये फिर होएगा, ये फिर होएगा, ये फिर होएगा, है ना। अब क्या होता है, उस डर के मारे हम बहुत सारी चीज बहुत जगह चुप होने लग जाते हैं, उस डर से हम बहुत जगह चुप होने लग जाते हैं, है ना। अब क्या हो गया, ये जीना स्वीकार होता है क्या? हाँ बोलिए। हाँ मतलब दो लोगों में बहस चल रही है, दो संबंधों में, चाहे टीचर स्टूडेंट में हो, चाहे घर में भाई भाई में हो, भाई बहन में बहस चल रही है। मतलब अब बहस एक इतनी गर्मी में इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो अपने बड़ों ने क्या कहा, भैया जहाँ लोग दो बहस करते हो चुप हो जाओ, ठीक, दो लोग बहस कर रहे हो तो चुप हो जाओ, किनारा करो अभी थोड़ी देर के लिए, जब शांत होंगे फिर आगे बढ़ाएंगे मतने बैठ करके। तो चुप होना जो एक टेम्प्रेरी फेज है मतने, पर वो एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन के लिए फिर संवाद के स्तर पे आना पड़ेगा मुझे। बस होता क्या है ना, ये जो हम लोग कुछ निष्कर्ष निकाल रखे हैं, है ना, जैसे चुप होने से शांति हो जाती है, अगर ये मेरा निष्कर्ष है तो हम संवाद तक पहुंचने की मेहनत नहीं करते हैं। अगर मुझे ये पता रहे कि भाई अभी अभी चुप हो जाते हैं लेकिन बात तो करनी ही पड़ेगी, तब हम संवाद के लिए तैयार होंगे ना। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम मान गए हैं, है ना, और मानने के बाद फिर हमारा प्रयास बंद हो जाता है। इसको आप लोग लिस्ट बनाने जाओगे सुबह से रात तक तो बहुत सारे ऐसे काम हैं, है ना, जिसमें हमने बड़े अव्यवस्था, बड़ा विरोध या फिर तकलीफ, उसका सामना करने के डर से बहुत सारी चीजों को मान लेते हैं, है ना। तो ये जो मानना है ये बहुत हावी है अपने ऊपर, इसको थोड़ा सा जांचने की जरूरत है, क्योंकि जब तक हम वो जांचेंगे नहीं अपने अंदर से बहुत सारी चीजें समीक्षित नहीं होगी। मतलब ये जो हम बोलते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे भारीपन हो जाता है मन में, क्यों क्यों थकान की ओर जाते हैं हम, जबकि मेहनत इतनी की है, हमको तो विश्राम की ओर जाना चाहिए। फिर उसको कंप्रोमाइज का नाम देते हैं कि चलो कंप्रोमाइज करके जीवन चल रहा है। तो वही कि क्या हुआ ये कि जितना हम वर्क किए उतना हमको विश्राम की ओर जाना चाहिए था, और जाते हैं हम थकान की ओर, तो क्या फर्क आया, क्यों हमारा मन इतना भारी हुआ? हमने तो सब कुछ किया ना, जानने की कोशिश नहीं की, लेकिन इसलिए हाँ, मतलब बहुत जगह हम चुप होते चले गए, घर के शांति के लिए, खुद की शांति के लिए, है ना। हमने कभी सोचा नहीं कि इसको संवाद तक लेके जाना चाहिए, मतलब कुछ बात होनी चाहिए। ये जो अभिव्यक्ति की बात अपन कर रहे थे, है ना, तो ये जो पूरा शिविर है ये, मतलब मैं जिस भी बात को जैसा देख पाती हूँ वैसा मैं अभिव्यक्त कर पाऊँ, है ना। अगर मैं नहीं जानती हूँ तो मैं जानने के लिए तैयार हो जाऊँ, और अगर मैं जानती हूँ तो सामने वाले को समझाने के लिए तैयार हो जाऊँ। अगर ये कम्युनिकेशन हम कर पाएंगे तो बहुत सारी चीज़ों में हम चल पाएंगे आगे, है ना। तो ये जो मानना है किसी भी चीज़ को, तो किस कितनी जगह ऐसा है जहाँ हम मान के चल रहे हैं और धीरे धीरे अकर्मण्य हो रहे हैं। अकर्मण्य शब्द मतलब समझ में आता है,
अकर्मण्य मतलब निष्क्रिय हो जाना है ना। अब हम उसके बारे में सोचते नहीं है, इच्छा शक्ति खत्म हो जाती है, सोचते ही नहीं है उसके बारे में। हमको क्या लगता है बस इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, दी एंड है ये। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम मान के बैठे हैं, है ना। जैसे बहुत सारी कहावतें भी हम बोलते हैं इसके लिए। अब जैसे एक है बात, है ना, एक कहावत है, ये अपन आज भाषा पे बात कर रहे हैं, है ना, मतलब भाषा का क्या महत्व है और हमने भाषा को कैसे वो कर लिया है। भाषा से मानसिकता बनती है, ठीक है। भाषा सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसे भाषा का हम प्रयोग करते हैं धीरे धीरे वो हमारी मानसिकता बनने लगती है, है ना। अब अगर मैंने कहावत सुन ली है कि जहाँ चार बर्तन होंगे वहाँ पर, अब बताओ कौन कौन मानता है इस कहावत को, कौन कौन मानता है इस कहावत को, जहाँ चार बर्तन होंगे वहाँ खटकेंगे ही। समझाओ कैसे खटकेंगे। तो बर्तन की बात हो रही है ना यहाँ पर, यहाँ विचार की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ तो हम बर्तन को बोल रहे हैं। तो बर्तन में क्या, बर्तन कैसे खटकेंगे। बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, एक दूसरे से टच हो जाता तो आवाज करेंगे ही ना। नहीं नहीं, दूसरा आवाज करेगा ही। देखो हम क्या बोल रहे हैं, जहाँ चार बर्तन होंगे वहाँ खटकेंगे। हाँ। अब चार बर्तन को गुस्से में कोई कौन डाल रहा है, बर्तन एक दूसरे को पटक रहे हैं। नहीं, हम ही करना है ना वो चीज। तो बर्तन क्यों खटक रहे हैं क्यों खटक रहे हैं ना भाई, चार बर्तन क्यों आवाज कर रहे हैं, हम क्या नहीं लगा रहे हैं ना, क्यों आवाज करेंगे चार बर्तन, बताओ। हम ही वो कर रहे हैं, हमारे ही वो। हाँ, पर हमें सोच के देखें क्या होता है जब ये चार बर्तन है वहां खटकेंगे। अब उसको हम जोड़ दे कि जहां चार लोग होंगे वहां लड़ेंगे, है ना। अब आप इसको सोचो कि अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि जहां चार बर्तन होंगे वहां खटकेंगे, जहां चार लोग होंगे वहां लड़ेंगे, तो क्या हम सुधरने की ओर जाएंगे। नहीं, क्योंकि हम तो मान रहे हैं ना, हम तो अपना सब स्विच ऑफ कर दिए। क्यों, क्योंकि हम उसको बोल बोल के बहुत खुश भी हो रहे हैं, जहाँ चार बर्तन होंगे वहां। अगर समझदारी से बर्तन जमाओगे तो आवाज आएगी क्या, क्यों खटकेंगे। अगर हम समझदारी से ध्यान से, है ना, अगर हम बर्तनों को जमाएंगे तो आवाज आएगी क्या। कब आती है आवाज सबको अलग अलग हो जाना चाहिए एक से दो बर्तन होगा तो आवाज आएगी। नहीं, अगर चार चम्मच एक के ऊपर एक भी रहेगी तो आवाज नहीं करेगी, अगर उसको तरीके से रखेंगे तो। अब एक नई कहावत बन जाएगी कि अलग अलग रखो तो आवाज नहीं आएगी, तो फिर क्या होगा, सब अलग अलग रहो, लड़ाई नहीं होगी। सक्रिय है, अपन लोग तो सक्रिय है ना, अपन के तो विचार चल रहे हैं, बर्तन के विचार नहीं चल रहे हैं। अपन तो खटकेंगे, बर्तन नहीं खटकेंगे। पर मैं वही बोलना चाह रही, कहावत क्या है, कहावत क्या है, तो वो तो कहावत बनी ना, बनी है ना, कहावत बनी है। इसको भी तो किसी ने बनाया ही होगा ना। पर हम बोलते भी तो है ना। हाँ, हम लोग बोलते भी है, मानते नहीं और मानते भी है इस चीज को, बोलते भी है और मानते भी है। नहीं नहीं, पर ये क्या सक्रिय नहीं नहीं, बर्तन में नहीं होगा, क्योंकि बर्तन निष्क्रिय चीज है, उसको हम जैसा रखेंगे वैसा रहेगा वो, है ना। पर अपन तो सक्रिय है ना, अपन के विचार चल रहे हैं। तो वही मैं बोल रही हूँ कि जब झगड़ा होता है तो ये बात ध्यान में आती है क्या, तब हमको वो कहावत याद आ जाती है, क्योंकि उससे हम एक्सक्यूज में आ जाते हैं। तीन सौ बच्चे जब थे, हम लोग गुरुकुल में थे, गुरुकुल में जब पढ़ाते थे तो एक घंटे बजाने से आ जाते थे, तो वहां पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, क्यों, सारे अनुशासन है। तो ऐसे अगर हम अपने जीवन में अपने अपने कर्तव्य करेंगे, अपने अपने जवाबदारी और जिम्मेदारी निभाएंगे, तो मैं निश्चित कहता हूँ चाहे सौ बर्तन क्यों वो गड़बड़ नहीं होंगे। ये तो कामना है ना, रियलिटी
वो अनुशासन में आते थे कि डर के कारण आते थे, ये देखना पड़ेगा ना। नहीं देखो, अनुशासन था कि डर तो नहीं। अब ना हम इतनी बड़े बड़े बातों को तो साइड रख देते हैं, है ना, क्योंकि बात कर चुके हैं अपन, अब हमको ना रियलिटी के साथ चलना है। दीदी मेरे को लगता है ऐसा हुआ होगा, एक तो है हम लोग चार लोग रह रहे हैं और एक तो खुद ही संबंध को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं और लड़ ले रहे हैं, और अपने आप को हटा देने के लिए, मतलब ऐसा तो बर्तन ही करते हैं, तो उसको अपन हमारी कोई गलती नहीं है इसमें, और वो बर्तन भी करते हैं, तो वो इस तरह से उदाहरण आ गया है। वही अपने अपने आप को जस्टिफाई करने का, अपने आप को बचा रहे हैं ना। हाँ वही, बहुत सारी कहावतें ऐसी हैं जिसमें हम अपने आप को बचा रहे होते हैं, है ना, उन कहावतों का उपयोग करके, उन कहावतों को माध्यम बना के, है ना। इस और ये जो कहावतों को हम बोलते हैं, ये हमारी मानसिकता बनती जाती है, और ये मानसिकता बनते बनते हम अकर्मण्य होते जाते हैं। अकर्मण्य होने का मतलब है कि हमारे को सोचने की जो शक्ति मिली हुई है, जिससे हम सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं, हम उसका उपयोग ही नहीं करते हैं, क्योंकि हमको बोल दिया गया है भाई कि ऐसा है तो ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा है तो ऐसा होगा। तो कितनी जगह आप ऐसी किसी कहावतों को यूज करते होगे बताओ, कितनी जगह दिन भर में, कितनी बार हम ऐसी कितनी मान्यताओं को अपनी मानसिकता में स्थिर कर रखे हैं। कितनी ऐसी मान्यता, कोई और मान्यता बताइए। इसको लकीर के फकीर जैसे बोलते हैं ना मैडम, ठीक है, और कोई मान्यता। हाँ लकीर के फकीर अपन बोलते हैं जी, माने जा रहे हैं एक। हाँ तो बताइए, इसको जांचे अपन, एक चुप हजार हजार सुख, ऐसे कहावत है, मतलब नहीं भाई, जहाँ झगड़ा चुप करके निकला, इसीलिए चुप हो गए सब, है ना। पर ये क्या है कि टेम्परेरी सॉल्यूशन है, मैं ये कह रहा हूँ कि एक चुप हजार सुख मतलब यानी, पर अब आप उबल रहे हैं अंदर अंदर, जब मौका मिलेगा एटम बम की तरह कूदोगे एकदम एक तरफ, तो इसलिए मतलब चुप रहना ठीक है एक जगह उस क्षणिक समय के लिए, भाई ठीक है लोग थोड़ा शांत आए बाएँ हो जाए, शांत हो जाए फिर अपन बात कर सकते हैं, और यदि अगर हम गुस्से में होंगे, तनाव क्रोध में होंगे, तनाव में होंगे, तो कुछ का कुछ कोई सुनने को तैयार नहीं हुआ एक दूसरे की बात हम भाषा में बता दी, ठीक बात है ना। वही उसी ओर जा रहे हैं अपन, उसी ओर जाना चाह रहे हैं कि पहले हमको पता तो चले हम कहाँ कहाँ बंधन में हैं, हमको कोई और दुखी नहीं कर रहा है, हम खुद ही अपनी कुछ मान्यताओं के उसमें हैं, सिकंजों में हैं, है ना, जिसके कारण हम बहुत अपनी अपने आप को परिमार्जित नहीं कर पा रहे हैं। और कोई मान्यता बताओ जिसमें हम ड्राइव हो रहे हैं, हमारा ड्राइविंग फोर्स है ये मान्यताएं जो हमको चला रही हैं। और पैसा हाथ का मैल है, दीदी बोलते हैं किस्मत में लिखा वही तो होगा, ऊपर वाला जो चाहेगा वही होगा, वही होगा, है ना, जो होना है वही होगा। तो कौन कहाँ कहाँ हम फंस रहे हैं ये अपने को पता चलता है, ये अगले जन्म कौन कौन ये लाइन बोलते अगले जन्म का कि जो किस्मत में है वही मिलेगा, किस्मत से ज्यादा नहीं मिलेगा, समय पिछले जन्म का भोग रहे हैं, पिछले जन्म का भोग रहे हैं, पिछले जन्म का भोग रहे हैं। तो फिर क्या करते हैं उस समय जब पिछले जन्म का भोग रहे हैं बोलते हैं तो नहीं, जब समझ है तो खुश हो जाना चाहिए ना कि भाई पिछले जन्म का भोग रहे हैं, अभी का तो ऐसा नहीं होता, मन और दुखी होता है, दुखी होकर अगला जन्म खराब करते हैं, है ना। जैसे कोई कुछ भी अगर हमको नहीं मिलता है तो हमारी किस्मत में नहीं था, है ना, ये हमारे हाथ में नहीं था, अगर हमारे हाथ में नहीं था तो क्या सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे, ठीक बात है। बहुत सारी कहावतें और भी भाषा में होगी ही, सही है, जैसा निष्ठा दीदी ने कहा, है ना, मतलब ये सब हमारा ड्राइविंग फोर्स है, इसको ना लाइटली नहीं ले सकते, अब हमको ना इसको जांचना पड़ेगा, जितनी भी मानी हुई चीज है ना उसको जानना होगा, है ना, और जान के फिर मानेंगे, या जानी हुई बात को मानेंगे तो भी हमको प्रोसेस में जाना पड़ेगा, मानी हुई बात को जानेंगे तो भी प्रोसेस में जाना होगा। तो हम सब आज अपने आप को वार्म अप कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी चीज को मानना नहीं, उसको अपने निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण, है ना,
मतलब अपने आप में, अपने विचारों में उसका विश्लेषण करना। अगर आपके अंदर से फर्स्ट आंसर आता है कि हाँ ये ऐसा ही है, तो फिर अपनी परस्परता में पूछना, परीक्षण करना उसका, है ना, कि इस बात को मैं ऐसा सोची हूँ, ऐसा समझी हूँ, क्या आप भी ऐसा समझे हो, क्या आप भी ऐसा समझे हो, है ना। अगर हम सब आपस में एक दूसरे के साथ उस बात को शेयर करेंगे तो वो चीज़ हो जाएगी कि अच्छा मैं जो समझी हूँ वो ठीक है, और फिर उसको वापस सभा में रखना कि क्या ये है ठीक है। तो जब हम इस विधि से चलेंगे तो हम सब जानना जो होगा वो एक जैसा होगा, है ना। जैसे दो और दो चार होंगे तो हम सबके एक आंसर होगा, और यदि गलत आंसर होगा तो सबके अलग होंगे, ठीक है ना। तो इस पूरे शिविर को ना निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण के हिसाब से उस प्रक्रिया उस प्रोसेस से चलाना। इसलिए चुप रहना जरूरी नहीं, यहाँ पर चुप आप रह नहीं सकते, चुप रह के हम कुछ पा नहीं पाएंगे, है ना। क्योंकि आप क्या सोचते हो ये आपको जन्म देने वाली माँ भी नहीं जान सकती। इतनी स्वतंत्रता है एक व्यक्ति को यहाँ, मतलब अस्तित्व में मानव को इतनी स्वतंत्रता मिली हुई है, जीवन अपने आप में इतना स्वतंत्र है कि आप क्या सोच रहे हो ये आपको जन्म देने वाले भी नहीं जान सकते। आपको बताना पड़ेगा, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि क्यों माँ आप मेरे को समझ नहीं रहे हो। आपको बोलोगे तो समझेगी, माँ भी बेचारी नहीं समझेगी तो दुनिया कैसे समझेगी, सोचो, है ना। और अपन बहुत सारी चीजों को अपने अंदर चलाते रहते हैं और अंदर ही बैठे बैठे सोचते क्या है कि बोलने की जरूरत नहीं है, भाव पहुंचता है। ये भी एक अति है, ये भी एक अति है, है ना, कि कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, भाव पहुंचता है। कुछ नहीं पहुंचता है, आप देख लेना इसको, है ना। उसका कुछ भी और अर्थ लगा सकता है सामने वाला। तो हमको हमारे विचारों का पूरा उपयोग करना है, खूब अच्छे से सोचना है चीजों को, और हमको जो बोलने का वो मिला है, है ना, हमको भाषा मिली है तो भाषा का भी सदुपयोग करना है, ठीक है ना। तो अपनी बात को खूब खुल के हम रख पाए, सोच पाए, अगर हम ऐसा चलेंगे तो हम बहुत कुछ पा जाएंगे, ठीक है ना। तो चुप नहीं रहेंगे, हर बात में शेयरिंग करेंगे, है ना। उसके बाद शाम को आप लोग की गोष्ठियाँ भी होगी, उसमें भी आप लोग बातचीत करना आपस में, या कोई भी कोई यहाँ जो परिवार है वो आपके साथ रहेंगे ही, और फिर दूसरे दिन वापस उसकी शेयरिंग करेंगे, है ना। अगर हम इस प्रक्रिया में चलेंगे तो कुछ स्वत्व हमारा बन जाएगा, है ना, कुछ चीजें जो हमारे अंदर जाएंगे। पर दीदी तो कान से सुनेंगे, और आपकी जनरेशन में हाँ आप जानते हैं कि पुरुष प्रधान देश है ये, है ना। तब भी आपके जनरेशन अभी लड़कियों को ही चुप कराया जाता है कि तुम चुप रहो। अगर लड़कियों को बोलने का मौका दिया जाता है और घर टूटता है तो लड़कियों को ही दोषारोपण दिया जाता है, तुम्हारे कारण है, तुम्हारे मायके के कारण है, ये सब रीजन होता है। चलो अपन उसमें बाद में आएंगे, है ना, परिवार व्यवस्था जब पढ़ेंगे तब, ठीक है। एक चीज ना, इसको अपन बहुत अच्छे से ध्यान दे, जैसे अपन कई चीजों में बहुत वो हो जाते हैं नर नारी में असमानता को लेकर, है ना, कि ऐसा होता है ऐसा होता है औरतों के साथ लड़, लेकिन कुछ चीजों में हम अपने आप को भी जांच के देखें, है ना, कि हम भी तो दीनहीन होके जी रहे हैं ना, हम खुद भी तो अपने कॉन्फिडेंस में कहाँ खड़े हो पाते हैं। अगर हम कॉन्फिडेंस में खड़े होंगे तो कोई हमको चला नहीं सकता। तो शुरू से नहीं खड़े किया जा सकता, खड़े करते हैं माँ बाप, और जिनके माँ बाप खड़े करते हैं वही लोग कल्पना चावला बनते हैं। इसको आप नहीं करते हैं दीदी? नहीं, देखो इसमें मेरे को लगता है कि अपन आराम से बात करेंगे, है ना, जब परिवार व्यवस्था आएगी तब क्या होगा। अभी हम वापस विरोध और उसमें चले जाएंगे तो अपना अध्ययन नहीं होगा, ठीक है। तो पहले हम अपने आप को जांच लें, है ना, अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं, और फिर हम नेक्स्ट स्टेप में वहाँ जाएंगे, ठीक है। स्टेप में चलते हैं अपन, क्रम से, क्रम में जंप नहीं मारते, है ना। तो आज जो मैं बात आप लोग से करना चाह रही हूँ वही कि बहुत सारी ऐसी मान्यताएं हैं, हमको पता भी नहीं चलता है और हम उससे ड्राइव हो रहे हैं। हमको क्या लगता है
ये निर्णय मैं सोच कर ली। हम बोलते क्या है, ये निर्णय मैं बहुत सोच कर ली हूँ, लेकिन उस बहुत सोचने के पीछे क्या रहता है ना। आप आज कुछ भी पहन रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, आपको लगता है कि आप सोच के कर रहे हो, पर आपको कौन चला रहा है? मार्केट चला रहा है ना, मतलब फैशन बाजार से आ रहा है ना। आप क्या बोलते हैं, मैं बहुत सोच के ये खा रही हूँ, मैं बहुत सोच के ये पहनती हूँ। तो एक्चुअल में हमारा ड्राइविंग फोर्स कहाँ है, ये अपने को पकड़ना पड़ेगा, है ना। नहीं तो दोषारोपण में ही चले जाएंगे अपन, ठीक है ना। तो खूब बढ़िया से एक एक चीज़ को जांचते हैं अपन। तो ये जो सूत्र है उसमें जो भैया जी ने बात कही थी, मैं ये वही बात की, जैसे ये मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद जिसको हम बोल रहे हैं, है ना, ये किसी के द्वारा जाना हुआ सत्य है, ठीक है। और उन्होंने प्रस्ताव विधि से हमारे सामने रख दिया, उन्होंने प्रस्ताव विधि से रख दिया और कहा कि अब इसको सुन लो, मान लो और फिर जान लो, और जान के फिर मान लेना, ठीक है ना। तो इस प्रक्रिया से चलने के लिए उन्होंने एक प्रस्ताव दिया है कि इसको मैंने जाना है, है ना, ऐसा मैं जी के देखा हूँ और इसका ये फल परिणाम है, तो आप लोग भी इसको सुनो, ठीक है ना। तो ध्यान से अगर हम सुन पाते हैं और सुन के अगर हम उसमें निरीक्षण परीक्षण कर पाते हैं और उसको जांच पाते हैं और हमको लगता है कि हाँ ये बात ऐसी है, तो फिर उसको मान ले। मतलब ये भी अपने आप में ऐसा है कि कई बार कई चीज़ हम जान चुके हैं तो भी मानते नहीं हैं, ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कई चीज़ों को हम जान चुके हैं पर उसके बाद भी ना मानते नहीं हैं, वहाँ भी गाड़ी अटक जाती है। इसको भी जांच के देखना, है ना। मेरे को पता है ऐसा करने से, जैसे मेरे को पता है कि कितना मैं पढ़ा लिखा ले जाऊँ मैं बच्चे को, पढ़ लिख के वो सुखी हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये हम सर्वेक्षण भी कर चुके हैं पर फिर भी जब बच्चे को एडमिशन दिलाते हैं तो क्या सोचते हैं, क्या थॉट रहता है, पढ़ के सुखी हो जाएगा। अपने आप को जांच के देखना, मैं खाली कुछ पॉइंट रख रही हूँ, है ना। हम जान चुके हैं, सर्वे कर चुके हैं कि पढ़ लिख के कोई सुखी नहीं हो जाता है, ठीक है। पढ़ लिख के कोई सुखी नहीं हो जाता है, वो जब भी सुखी होता है वो अपनी किसी समझदारी से सुखी होता है ना। क्योंकि बहुत सारे लोगों को हम देख ही रहे हैं कि बहुत पढ़े लिखे हैं पर सुखी नहीं है, पर पढ़े लिखे नहीं है तो भी सुखी है। तो कुछ सर्वे है हमारे पास, लेकिन आज भी जब हम बच्चे को भर्ती करते हैं तो क्या थॉट रहता है? आदमी खुद को नहीं देखता, मैं खुद पढ़ा लिखा जो जो भी एक्स वाई जेड किया मैं कितना सुखी हूँ, लेकिन फिर वही गलती अपने बच्चे पे दोहराता है, प्रयोग ही कर रहा है उस पर। हमने पढ़ाई लिखाई की तो हमको वही, मैं मतलब ये इतनी बारीकी से हमारे अंदर घुसी हुई है ना चीज़ें कि हम भुगत भी चुके हैं, देख भी चुके हैं, पर फिर भी जब हम अपने बच्चे को स्कूल में डालते हैं तो यही सोच के डालते हैं कि ये पढ़ लिख कर सुखी हो जाएगा। ऐसा है कि नहीं है? नहीं है। और अगर आपने सोच लिया कि ये पढ़ लिख के सुखी हो जाएगा, ठीक है, अब आप किस प्रक्रिया में जाओगे? आप बस उसको पढ़ाने में लग जाओगे। मतलब पता नहीं मैं अपनी बात को आप लोग तक पहुंचा पा रही हूँ कि नहीं, या धीरे धीरे पहुंचा पाऊंगी। मतलब ये चीज ना हमारे को ना रियलाइज होने की जरूरत है कि हम जब सभा में होते हैं या चार लोगों के बीच में चर्चा करते हैं तो हम यही चर्चा करते हैं, पढ़ने लिखने से कुछ होता नहीं है। लेकिन जब हम अपने बच्चे को के लिए शिक्षा की जब हमारी अगर दृष्टि रहे, पढ़ लिख के ही सुखी होगा, ये पढ़ोगे नहीं तो कहीं ना कहीं हम नहीं, मतलब देख भी रहे हैं, आंखें खुली भी है, उसके बाद भी मानते नहीं है, है ना। मान के कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं, हम उस ढर्रे में ही चलते रहते हैं। ये जो हम उसी ढर्रे में चल रहे हैं इसका मतलब है कि हम जान गए तो भी मान नहीं रहे हैं। ऐसे ये बात पकड़ में आ रही है? जैसे वो निष्ठा बहन जी ने कहा कि पैसा सब कुछ है,
ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं तब क्या बात करते हैं? पैसा कुछ नहीं है, पैसे से कुछ नहीं होता है। सुबह से लेकर शाम तक हमारे थॉट में क्या चलता है? कि पैसा होगा तो मेरे बच्चे सुखी होंगे, पैसा होगा तो मेरा परिवार सुरक्षित होगा। और जब हम बात करते हैं तो क्या बात करते हैं? ध्यान देते हैं, है ना, पैसे से कुछ नहीं होता है। मतलब हमारे ही अंदर ना ये जो अंतर्द्वंद है, उस ओर ध्यानाकर्षण कराने की बात है कि हम सब जो हमारे ही अंदर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं, ठीक है, उसको जांचने की ज़रूरत है ना, बहुत सारी फसावट है, तो उसको धीरे धीरे अपन निकालेंगे। भैया कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, कथनी और करनी का अंतर है ना, मतलब हम सामने से कम कथनी में हैं। हाँ। जो आपसे सुना मैंने मान लिया, मतलब हाँ। आपने बोला जी पैसे से सुख प्राप्त नहीं होता है या पढ़ लिख करके सुखी होगा ऐसा मानते हैं मतदान, पर एक्चुअली होता नहीं। आपने कहा दूसरा तो फर्क देखें कि हमारा निष्कर्ष है कि ज़्यादा पढ़ लिख करके सुखी होने कोई गारंटी नहीं है, पर क्या करें सुस्ती में बच्चे को, फिर भी सुख का मार्ग तो पढ़ाई लिखाई से ही निकलेगा ना। नहीं देखो, अब देखो, अब हम कहाँ फंस रहे हैं कि फिर सॉल्यूशन तो पढ़ने लिखने से ही निकलेगा ना, ठीक है। मतलब मैं यही बताना चाह रही हूँ, जब हम देख रहे हैं कि वो रिजल्ट नहीं है फिर भी हम कहाँ पहुँचे, फिर भी इसका मतलब विकल्प नहीं है, ये बात ठीक है। हम कहाँ पहुँचे, फिर निकलेगा तो पढ़ने लिखने से ही ना, फिर भी वही मैं आगे दूसरी बात आपके दूसरी बात पे आ रहा हूँ आप। हाँ। एक मरीज है मतलब पेशेंट है, मतलब डॉक्टर ने बोला ठीक नहीं हो सकता है, मैंने मन में मान ली दवाई खाना बेकार है कुछ नहीं होगा मतलब, फिर भी हम लोग इलाज तो करा रहे हैं ना उसका, कि इलाज कराने से उसका कोई जाने ठीक होने की एक संभावना होगी। वही बैठ जाइए भैया जी, देखो मैं वही बता रही हूँ, इसी को चक्र में हम घूम रहे हैं, है ना, इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि हम उसको एक्सेप्ट कर चुके हैं कि चारों तरफ कोई रास्ता नहीं दिख रहा है तो निकलेगा तो रास्ता यहीं से ना। जैसे हमको पता है कि बहुत सारे इलाज ऐसे हैं जो और बीमार कर रहे हैं, पर हमारे पास कोई रास्ता नहीं है तो हम क्या सोचते हैं, इलाज तो यहीं होगा ना, निकलेगा तो यहीं से रास्ता ना। तो ये जो हम इतना उसमें चक्र में फंस रहे हैं, उसी लिए एक विकल्प का प्रस्ताव है ये, लेकिन पहले हमको पता तो चले कि हम चक्र में फंसे हुए हैं। अगर हमको पता ही नहीं रहेगा, है ना, कि हमको पता है कि पढ़ लिख के सुखी हो जाएंगे, ऐसा एकदम आ गया कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, कुछ और जोड़ना पड़ेगा, है ना, पैसे से सब कुछ हो जाएगा ये निष्कर्ष निकल गया, इसका मतलब है कुछ जोड़ना पड़ेगा, है ना, इस यहाँ ये करने से इलाज नहीं हो रहा है, इसका मतलब कुछ सोचना पड़ेगा। अगर हमको ये पता नहीं चलेगा कि हम किसी चक्र में फंस गए हैं, तब तक हम किसी विकल्प को एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। हमको पता तो चले कि हाँ गाड़ी रुक गई है, गाड़ी हमारी रुक गई है, हमारी परिवार की समाज की, तो यदि हम देख पाएंगे चीज़ों को तो हमारे अंदर चलेगा कि आखिर में इसका क्या सॉल्यूशन है, आखिर में इसका क्या उपाय है, तो उस पड़ाव तक तो पहुंचना पड़ेगा। अगर हम सोचने वाले लोग होंगे तो हम उस जगह तक पहुंचेंगे कि नहीं इसको करके देख लिए इससे तो उपाय नहीं निकलता है, इसको करके देख लिए इससे तो सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। तो जब तक हमारे अंदर कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा तब तक हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। तो मैं आप सब लोगों को अपनी जितनी भी लाइफ हम जिए हैं, है ना, चाहे वो 15 साल की हो या 20 साल की हो या 60 साल की हो, हमारे निष्कर्ष क्या हैं इस पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। हम निष्कर्ष नहीं निकालते हैं, हम सिर्फ सोचते चले जाते हैं, ठीक है, सोचते चले जाते हैं, हम निष्कर्ष नहीं निकालते हैं कि अच्छा ये काम करने से ऐसा हुआ, ऐसा होना था, ये अपेक्षा थी, ये अपेक्षा पूरी नहीं हुई, इतना शेष रह गया, इसके लिए कुछ और सोचना पड़ेगा, ये निष्कर्ष हमारे ना बहुत स्पष्ट नहीं है। हमको क्या लगता है, नहीं शायद फिर करके देखते हैं। तो कुछ चीज़ें जिसका निष्कर्ष निकल जाना चाहिए था
उस पर फिर से ध्यान देने की जरूरत है ना। तो निष्कर्ष निकला रहेगा तो हम आगे की बात को सुन पाएंगे। तो यहाँ पर जब हम सब हैं तो हम तभी सुन पाएंगे जब हमारा पात्र खाली होगा, है ना। जब हमारे पास निष्कर्ष निकल गए हैं और हमने अपने सारे थॉट प्रोसेस की छटनी कर दी है कि नहीं मैं इस निष्कर्ष के साथ बैठी हूँ, पैसा जरूरी है लेकिन सब कुछ नहीं है, ये ठीक है? ये ही सही तरीका है इसका। जो कैंसर जैसी बीमारी है कि क्या मान्यता है कैंसर के बारे में, लाइलाज है, इलाज होता ही नहीं है। पर जो लोग इलाज के रास्ते से गए हैं, मतलब 10 में से 3-4 लोग तो ठीक हो के आए हैं ना, तो मतलब कुछ और भी चीज़ है ना, मतलब कुछ चीज़ सिर्फ सिंपली मान लिया कि इसका इलाज नहीं होता है तो हम क्या इलाज कराना छोड़ देंगे। कहीं ऐसी जगह पे भी हम पहुँचते हैं जहाँ मेरी लाइफ की रिस्क 50-50% होती है। यदि मैं इलाज सर्जरी करा लूँ, कुछ करा लूँ तो हो सकता है मेरी छलांग लग जाए, मैं ठीक हो जाऊँ, न लगे तो कोई बात, दूसरी तरफ भी जा सकते। ठीक इसको बात है। तो ये दर्शन इससे और आगे की बात कह रहा है, ये कह रहा है कि कैंसर हो ही क्यों। एक है कि भाई कैंसर लाइलाज है और एक है कि भाई नहीं इलाज होता है, लोग बचते हैं, ठीक है। दर्शन कह रहा है कि कैंसर का कारण क्या है, उस पे जाओ। कैंसर का कारण क्या है, क्या कारण है, क्या कारण है? नहीं, कारण तो जान लिया मैंने, जैसा आपने कहा। नहीं, अपन एक सभा से चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हम ऐसी छोटी छोटी चीजों में ही निकलेंगे, है ना जी। क्या लगता है, कभी हम सोचे कभी बात किए कैंसर का क्या कारण? एंटीबायोटिक, पेस्टिसाइड, ठीक है। तो यहाँ ये बोला जा रहा है कि अगर इसके कारण में जाएंगे तो हम इसके उपाय में जाएंगे ना, कि भाई कैंसर हो है क्यों। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे उत्पादन की प्रक्रिया ठीक नहीं है, है ना। हमारा शरीर अस्वस्थ क्यों हो रहा है, उसके कारण में जाएंगे, क्यों एंटीबायोटिक खानी पड़ रही है। तो ये अगर हम उस चीज में ये हो जाएंगे कि नहीं कैंसर तो मतलब ये हो जाता है बस, ठीक है, ये ठीक है कि किसी के इलाज से ठीक हो जाता है, किसी का ठीक नहीं होता है, लेकिन अपने को अभी इसके भी कारण में जाना है कि कैंसर हो है क्यों। तो ये मैं कहना चाह रही हूँ कि हर मानव के हाथ में, मतलब अगर वो समझता है तो वो चीजों को ठीक कर सकता है, लेकिन उसको क्यों लगाना पड़ेगा, हर चीज में क्यों लगाना पड़ेगा, है ना, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी तरह से अपन हर चीज को जांचते हैं। आप लोग अपनी कॉपी पेन जरूर रखना, है ना। बहुत सारी बातें होती है और कई बार ध्यान नहीं रहती, तो आप लोग लिस्ट बनाना कि कौन कौन से ऐसी मान्यता है ना, जो आप लोग उन्होंने बोल देते हो, ठीक है। जब कभी भी परेशानी में फंसते हैं हम उस मान्यता का सहारा ले लेते हैं, है ना। जैसे जीवन में दुख आया तो क्या बोलते हैं, ठीक है, जीवन में सुख दुख दोनों हैं। अब आप उसको ऐसे सोचो, जब दुख आता है तो वो स्वीकार होता है क्या? जब आप यही बोल रहे हो कि सुख दुख साथ साथ है, तो जब सुख स्वीकार है तो दुख क्यों स्वीकार नहीं है? आप तो बोल रहे हो सुख दुख साथ साथ है, इसको जांचे अपन कभी, जांच के देखे कभी, कौन कौन बोलते हैं सुख दुख साथ साथ है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, निकलते हैं ना हमारे मुंह से जब दुख आता है। तो जब हम किसी को सांत्वना देने जाते हैं तो क्या बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बस इतना बोल रहे हैं कि जो भी हम बोलते हैं, है ना, उसको अपने में देखें कि क्या मेरे को वो स्वीकार है। अगर हम ये बोलते हैं कि दुख सुख साथ साथ है, तो जैसे सुख स्वीकार है वैसे दुख स्वीकार होना चाहिए ना, होना चाहिए। अगर दो साथ साथ है बोल रहे हैं हम तो है, तो वो तो मैं बोल रही हूँ, पर दुख तो हमको स्वीकार नहीं होता है, वही। पर जब हम कहावत बोल रहे हैं कि दुख सुख साथ साथ है, तब तो फिर दुख में दुखी नहीं होना चाहिए ना हमको,
नहीं होना चाहिए ना। दीदी स्वीकार हो या ना हो आएगा तो दोनों हमको हो या ना हो वो तो हमारी मतलब, लेकिन आएगा तो दोनों ही ना। बस ये है कि सुख को हम लोग हंस के ले लेते हैं, दुख को कोसते रहते हैं। ठीक है, इस पर ना अपन धीरे धीरे बात करेंगे, सुख क्या है दुख क्या है, है ना। अभी तो बस एक परत खोल रहे हैं कि हम अपने अंदर कितने कितने अंतर्द्वंद है, पर हम पहचानते भी नहीं है अभी उसको। नहीं, हम अपनी भाषा को कैसे उपयोग कर रहे हैं और उससे हमारी मानसिकता बन रही है, ये हमारे ध्यान में नहीं है। मैं बस इतना आज आप लोग को ध्यान दिलाना चाह रही हूँ कि अपने थॉट प्रोसेस को देखना, अपनी भाषा पर ध्यान देना कि कितनी भाषा हम ऐसा बोलते हैं जो हमको पता ही नहीं चलता कि वो मेरी मानसिकता बन जाती है। मानसिकता बनने का मतलब है वो मेरा स्टेट ऑफ माइंड बन जाता है। अब हम वैसे ही चल रहे हैं, सालों साल हम वैसे ही चल रहे हैं फिर, क्योंकि वो मेरा स्टेट ऑफ माइंड बन गया है। हमारी ग्रहणशीलता खत्म हो जाती है फिर, हम कोई भी चीज को सुन नहीं पाते हैं फिर, है ना। तो ये ऐसी कई मान्यताएं हैं जो हमारी स्मृति में इकट्ठी हो गई है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, वो स्मृति से मान्यता सामने आ जाती है और हम उसी से ड्राइव हो रहे हैं। हमको क्या लगता है, मैं बहुत सोच समझ के ये काम कर रहा हूँ, मैं बहुत सोच समझ के ये कर रहा हूँ, है ना, मैं तो बहुत सोच के ये काम निर्णय लेती हूँ। तो अपने को ये देखना है कि हमारे निर्णय के पीछे मान्यता तो नहीं है कहीं, क्योंकि यदि वो मान्यता होगी तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम हिलेंगे डुलेंगे आगे जाके। ठीक है, इसको जांच के देखना, है ना। तो ये एक सूत्र था जिससे एक चलने की जो तरीका है वो ये रहेगा। तो मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद, है ना, ये श्री ए नागराज जी का जाना हुआ सत्य है और उन्होंने प्रस्ताव विधि में रखा है। यहाँ पर मैं जो भी बात बोल रही हूँ वो मेरा ज्ञान नहीं है, ठीक है ना, वो मध्यस्थ दर्शन की सूचना है जो हमें मिली है और जिसको हम लोग जांच के जितना देखे हैं, पूरा नहीं देखे हैं अभी, पर जितना जितना जांच के देखे हैं उतना उतना हम लोग देख पाए कि हाँ बात तो ठीक कह रहे हैं, ठीक है, और उसको हम लोग स्वीकारे हैं। और उसी बात को आप लोग के सामने रखने का प्रयास रहेगा पूरे 7 दिन में, ठीक है ना। तो मध्यस्थ दर्शन एक बात कहता है, एक लाइन, 4 बजे ना, तो एक बस लाइन छोड़ देती हूँ मैं लिख के, उसमें आप लोग बताना कि आप लोग क्या समझते हैं इसके बारे में। मध्यस्थ दर्शन का प्रस्ताव है कि व्यवस्था है, मानवकृत नहीं है, मानव को बनानी नहीं है, हमको बनानी नहीं है, है ना, है उसको समझना है। ठीक है, तो अब एक बात हो जाए कि व्यवस्था मतलब क्या, आपके अंदर क्या आता है जब मैं बोल रही हूँ कि व्यवस्था है, तो व्यवस्था किसको बोलेंगे। हाँ, सभी चीजों को एक जगह रखना व्यवस्था। हाँ, अलग अलग भाषा हो ही सकती है, आप भी ठीक बोले हो, और व्यवस्था है बोल रहे हैं तो क्या क्या। और व्यवस्था है बोलने से क्या फील होता है, उपलब्धता, उपलब्ध आ रही उधर, उपलब्ध है व्यवस्था मतलब वो चीज उपलब्ध है, व्यवस्था मतलब उपलब्ध है। हाँ हाँ हाँ, मतलब व्यवस्था है जब हम बोल रहे हैं तो वो बेटा जी कुछ बोलना चाह रहे। हाँ बोलो बेटा, पीछे आपके पीछे दे दो बेटो, पीछे। व्यवस्था है मतलब कि पता चलता है कि खुशी फील होती है, हाँ अरे मेरे को ये चाहिए, यहाँ ये है व्यवस्था है इसकी। अभी जब कुछ हमको चाहिए, अरे यहाँ तो ये व्यवस्था है, मन वो खिल जाता है। और जिस चीज की व्यवस्था होता है वो देख के मन खुश हो जाता है, सबसे पहले व्यवस्था देख के हम खुश होते हैं। बहुत यहाँ पे तो है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना दीदी। व्यवस्था जैसे हम लोग यहाँ पे आए, इधर इधर मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा सेट होने। तो वहाँ पे आए तो भैया भी आए थे पहले, तो बताए हमको वहाँ पूरी व्यवस्था है रहने की खाने की,
तो एक टेंशन फ्री हो जाता है इंसान, है ना, कि चलो जा रहे हैं तो आपको किसी चीज का वो नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी वहाँ पे, ना खाने की, ना पीने की, ना रहने की, किसी चीज, ये होता है व्यवस्था। हाँ, तो अपने अपने में सेटिस्फाई है हम कि चलो व्यवस्था है वहाँ पे, ठीक बात है ना। तो हाँ हाँ जी बढ़िया। हाँ क्या बताओ। व्यवस्था है जब हम बोलते हैं तो उसको नेगेटिव वे में कैसे ले सकते हैं बताओ। जैसे हम जैसे चाह रहे हैं प्रॉपर सिटिंग नहीं है तो व्यवस्था नहीं है तो अपन बोल सकते हैं हम दुखी नहीं हुए हैं, सबको तकलीफ हो रही है। अपने अनुसार, अपने अकॉर्डिंग। नहीं नहीं, तो इसको अपन जांच लेते हैं। आप किसको बोल रहे हैं? जैसे अभी अगर मैं इस रूम को पूछूं, इस हॉल में व्यवस्था है कि नहीं है? है, अभी है। क्या क्या चीज है? मतलब सीटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर है, लाइट है, सब चीज प्रॉपर, वेंटिलेशन अगर नहीं, है। एकदम बोलते जाओ बस, सब सब नहीं। अब ना अपने को अंगुली न्यास करके बात करना है, ठीक है? अब हमको ना सब सब नहीं करना है, अब ना हमारे विचार ना क्लियर होने चाहिए, एकदम स्पष्ट बताओ। व्यवस्था है अगर इस हॉल में तो क्या क्या है? व्यवस्था है बोल रहे हैं अपन इस हॉल में, तो है कि नहीं है? तो व्यवस्था किसको बोल रहे हैं? और वो पीछे भैया बोलेंगे। सब चीजें मन से है मैम। मन से है, मन से है व्यवस्था। अभी हम यहाँ आए हैं, हमारे हिसाब से सब चीज़ व्यवस्था है। यदि हमारे मन में है कि यहाँ कुछ नहीं है तो हमारे मन से ही कुछ नहीं है, ऐसा व्यवस्था मतलब मन में रहेगा ये। नहीं तो अपने को अब काल्पनिक दुनिया में नहीं जाना है ना, अब अपने को रियलिटी में आना है। अब आप बताओ यहाँ व्यवस्था है कि नहीं है? है मैम। नहीं, मन से है वाली, मन से वाली नहीं चाहिए, है ना? आप यहाँ देखो कि आप यहाँ किस पर्पस से आए हो। नहीं, आपसे ही बात करूंगी मैं पहले ना। यस मैम। हाँ, क्या होता है ना कि ये ना अपने को उस दुनिया में अब नहीं जाना है कि मैं आँख बंद करके बैठूँ, हाँ नहीं दुनिया स्वर्ग है, सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, नहीं है, है ना? जब हम आँख खोलते हैं तो नहीं है तो हम तो दुखी हो जाते हैं, उस समय हम कहाँ अपने मन की सुन पाते हैं, ठीक है? तो आप ये बताओ कि इस हॉल में व्यवस्था है या नहीं है? है मैम। है, तो कैसे दिख रही है व्यवस्था? ठीक है मैम, यहाँ पंखा है, चेयर है, यहाँ व्यवस्था मतलब माइक है। हाँ, और तो मतलब है ना, ये आँख बंद करके अपन कल्पना नहीं किए हैं, है ना? क्यों, अपने को ना रियलिटी के साथ चलना है, ठीक है ना? कि अपन किस पर्पस से आए हैं यहाँ पर? समझने आए हैं, ठीक है? व्यवस्था जो है एक पर्पस है, समझने आए हैं और समझाने वाले हैं, समझने वाले हैं, समझाने वाले हैं, है ना? तो ये एक व्यवस्था है, ठीक है? और उसके लिए पंखा भी चाहिए, बैठे हैं तो ये भी व्यवस्था है, चेयर है, बैठने की व्यवस्था है, लाइट है, बोर्ड है, और हाँ है ना, सब है। तो इन सब के प्रति आपके अंदर विश्वास है कि अविश्वास है? आप आए हैं, है ना? मैं अगर माइक का उपयोग कर रही हूँ तो मेरे को माइक के प्रति विश्वास है कि मेरी बात इसके माध्यम से सब तक पहुँच रही है, तो इसका जो पर्पज़ है वो पूरा हो रहा है, ठीक है? आप लोग समझने आए हैं, आप लोग इस अपेक्षा से आए हैं कि आपको सम्मानपूर्वक समझाया जाएगा, है ना? आपको यहाँ शिष्टतापूर्वक व्यवहार किया जाएगा, तो यदि वो हो रहा है तो व्यवस्था है, ठीक है? आपको प्यास लगेगी तो पानी है, ये व्यवस्था है, ठीक है? तो आपको कहीं ना कहीं किसी निश्चित आचरण की प्रति आश्वस्ति है, निश्चितता के प्रति आश्वस्ति है ना? इसलिए आप कह पा रहे हो कि ये व्यवस्था है, ठीक है ना? तो व्यवस्था का मतलब क्या हुआ? निश्चितता, है ना? अब ये दर्शन कह रहा है कि व्यवस्था है, तो फिर हम सब इतने दुखी क्यों है?
अगर अस्तित्व दर्शन के यदि कोई यदि हम कह रहे हैं कि इस अस्तित्व में व्यवस्था है, जैसे हम बोले कि इस हॉल में व्यवस्था है, ये आप लोगों ने ही कहा, ठीक है ना? व्यवस्था को अपने ढंग से चाहते ऐसी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, उसमें हम परेशान। दीदी हम समझ नहीं पा रहे हैं कि व्यवस्था क्या है, इसलिए परेशान है। हाँ है ना, मतलब अगर हमको ये है कि व्यवस्था है, ठीक है, तो अब हमको ये समझ में आता है कि जितनी आप सबसे बात हुई तो अब ये तो क्लियर हो गया कि मेरे को भी पता है हम व्यवस्था किसको बोल रहे हैं, है ना। व्यवस्था का मतलब है एक निश्चिंता, ठीक है, जहाँ पर सबका पर्पस पूरा होता है, प्रयोजन पूरा होता है। जैसे इस हॉल का प्रयोजन पूरा हो रहा है, माइक का प्रयोजन पूरा हो रहा है ना, तो एक निश्चितता है। तो ये दर्शन के हिसाब से व्यवस्था है, ठीक है। ये जो हम कह रहे हैं जाने हुए को मान लो, तो अभी अभी आप मानने की जगह पे हो, ठीक है, अभी आप लोग मानने की जगह पे हो, क्योंकि अभी हम प्रस्ताव दे रहे हैं आपको, ठीक है ना, कि व्यवस्था है, ये पूरा अस्तित्व व्यवस्था में है। अगर ये हमको दिख जाता है, अगर ये हमको समझ में आ जाता है, तो हम सब यहाँ बैठे ये अनुमान लगा ही पाते हैं कि अगर व्यवस्था है तो फिर दुख तकलीफ कहाँ है, फिर तो नहीं होनी चाहिए। मानने के आधार पर ही बात कर रहे हैं अभी हम, है ना। तो अस्तित्व में व्यवस्था है, इस व्यवस्था को समझना है और समझकर जीना है, ये पूरा जीवन विद्या है, ठीक है। आप लोग के सामने ये पूरा शिविर एक प्रस्ताव विधि में रहेगा, और चूंकि आप सब अभी विद्यार्थी हैं, तो जैसा अभी भैया ने कहा था कि बच्चा तो पहले ABC को मानता ही है ना, बच्चे को थोड़ी पता है ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। तो पहला जो हमारा कदम होता है वो मानने का ही होता है, लेकिन हमको मानने में रुकना नहीं है, ये बहुत ध्यान देने की बात है, ठीक है। मानना है लेकिन वहाँ रुकना नहीं है, उसके साथ आपको निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण करते जाना है कि ये बात जो बोली जा रही है, तो पहले अपने आप में जांचेंगे, है ना, और फिर परस्परता में जांचेंगे, फिर उसका सर्वे भी करेंगे। सर्वे का मतलब होता है कि पूरी धरती के कुछ निष्कर्ष हैं हमारे पास, तो उस आधार पर हम जांच सकते हैं। तो व्यवस्था है, और व्यवस्था है उसको हमको बस समझना है। तो ये पूरा मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद व्यवस्था है की व्याख्या है, ठीक है। जब हमको व्यवस्था है समझ में आता है, तो मैं कहाँ, मैं अपने आप को पॉइंट आउट कर पाती हूँ, लोकेट कर पाती हूँ कि अच्छा मैं यहाँ खड़ी हूँ, अच्छा मतलब व्यवस्था है, और मेरे को क्या समझ में आया क्या नहीं समझ में आया, ये मेरे को खुद पता चल जाता है। फिर कोई बोलेगा नहीं कि आप यहाँ गलत कर रहे हो, आप यहाँ सही कर रहे हो, आप यहाँ ठीक नहीं हो, आप वहाँ ठीक नहीं हो, है ना। आपके सामने पूरा एक चित्रण आ जाएगा कि व्यवस्था है ना, और वो कैसे निरंतर बनी हुई है। तो वहाँ पर हम अपने आप को समझ जाएंगे कि अच्छा मैं यहाँ हूँ, मेरे से ये मिस्टेक हो रही है, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है ना कि हमको पूरी व्यवस्था पता नहीं है और हम अपने आप को ठीक करने में लगे हुए हैं। अभी मेरे को पता ही नहीं है सही क्या है, और हम अपने आप को सही करने में लगे हुए हैं। तो हर कोई एक दूसरे को सही करने में लग गया है, पता है ही नहीं सही क्या है, क्योंकि आपका सही अलग है, मेरा सही अलग है, ठीक है ना। किसी को लगता है घर में मतलब